हाँ जी मेरे प्यारे भाई और बहनों वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भाई और बहनों क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर है वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भाई और बहनों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या गुड इवनिंग गुड इवनिंग माही जी तन्मय जी दीपक जी महेश आनंदिता आदित्य गौरव ऋषभ वाह 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्तों गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हेलो सर करेंटली इन फाउंडेशन वॉट योर लेक्चर एंड स्टोरीज ऑन चैनल एंड मैं इंटर में आपके पास आ रहा हूँ लॉ के लिए कन्फर्म शुक्रिया प्रशांत जी अकेले मत आइएगा चार लोगों को और को लेके आइएगा शुक्रिया शुक्रिया प्रशांत जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया। लॉ की प्राइटिंग कैसे करें सब बता देंगे ठीक है यस गुड इवनिंग एवरीबॉडी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉल्यूम बढ़ा दो बेटा मैं खुद ही स्लो बोल रहा हूँ इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही होगी माइक को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जस्ट अ मोमेंट हाँ जी दोस्तों यस वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हैं मैं थोड़ा सा चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूं कल हमने द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को खत्म करके लिया है बहुत अच्छे से आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हैं कल पार्टनरशिप होगा परसों एलएलपी होगा और नहीं पार्टनरशिप के बाद कंपनीज होगा फिर एलएलपी होगा मैं बताना चाहता हूं इमीजिएटली जैसे ही हमारा मैराथन खत्म होगा हमारा मैराथन खत्म होगा तीस एक दो को मैराथन खत्म होगा तीन तारीख से हमारी राइटिंग प्रैक्टिस शुरू होने वाली है सबको पता ये बात कि आप कितना भी लॉ को पढ़ लो रिवाइज कर लो बट जब तक आपको लिखना नहीं आता है तब तक आपको लॉ में पास करने से पास कोई नहीं कर सकता क्योंकि लिखना जरूरी है तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारा जो राइटिंग प्रैक्टिस का प्रोडक्ट है जो अभी फिलहाल बुलसाई के साथ चल रहा है 800 में सॉफ्ट कॉपी बुलसाई की मिलेगी ई बुक और फाइव हंड्रेड चल रहा है सिर्फ अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस लेनी है तो, तो ये दो कॉम्बो है हमारे इनका आज रात को प्राइस बढ़ जाएगा हम ये दिवाली के वक्त ही प्राइस बढ़ाने वाले थे बट स्टूडेंट की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी बोल के हमने इसका प्राइस नहीं बढ़ाया था आज रात को बारह बजे इनके प्राइस बढ़ जाएंगे तो जिनको भी करना इनमें कर लीजिएगा जून 23 के अंदर एक नहीं ऐसे हजारों बच्चे थे जिनकी वजह से राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से वो पास हुए हैं आप उनका रिव्यू ले सकते हो तो वो बहुत बेनिफिशियल है मैराथन अच्छे से करिए मेरे बोल साइकिन क्वेश्चन अच्छे से करिए और राइटिंग प्रैक्टिस करिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता पास करने से ठीक है जी चलिए एनरोल कैसे करना है इसमें एनरोलमेंट के लिए बेटा आपके पास ऑफिस का नंबर है सिक्स टू सिक्स टू वन फोर थ्री एट में कॉल करो वो आपको एनरोल करवा देंगे चार दिन का हमारा राइटिंग प्रैक्टिस होता है और बस आप आ जाओ उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा जो एनरोल करके रखे हैं, उनको पता है और एक नॉमिनल सी कॉस्ट है उसकी फाइव हंड्रेड रुपीज की वो आपको पहले ही लेक्चर में वसूल हो जाएगा ये मेरी गारंटी है आप पिछले स्टूडेंट से रिव्यू लोगे तो आपको बता के लेंगे बराबर है दोस्तों ठीक है बहुत सारे लोग नोट्स के संबंध में बात कर रहे थे राजा ये वो नोट्स है जो हम अपने रेगुलर क्लास में बनवाते हैं बहुत डिटेल में प्यार मोहब्बत से बनवा के बहुत सारे रेगुलर स्टूडेंट है भी पे तो ये 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 नोट्स जो है 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 पेड फ्री में अवेलेबल नहीं मैराथन इज एब्सोल्युटली फ्री राइटिंग प्रैक्टिस में क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है तो उसके लिए एक नॉमिनल कॉस्ट लिया हुआ है बराबर है क्या ठीक है दोस्तों चलिए बिना बिना टाइम वेस्ट किए आज अपन शुरू करते हैं सेल ऑफ गुड एकदम झाका नाका लेक्चर होगा जी शुक्रिया 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 तो लॉ में याद हो जाता है बट आंसर फ्रेम बेटा उसके ही बारे से अभी मैंने बताया है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल शुरू करते हैं जोश कम ऑन एवरीबॉडी सेल ऑफ गुड्स एक्ट शुरू कर रहे अराउंड चार घंटे के आसपास ये लेक्चर चलेगा फटाफट हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ज्यादा वक्त लगता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप अपने फटाफट हो जाएंगे कम ऑन एवरीबॉडी यस आ जाइए एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन होने वाला है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे क्या होंगे सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा सो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉइज एंड गर्ल्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट शुरू कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट बताना चाहता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवन का ही पार्ट हुआ करता था पहले इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेक्ट एन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती थी कि भाई जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने कल खत्म किया वो भी इस पे था सेक्शन 76 से 123 इस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ करता था जिसको वहां से रिपील करके एक नया एक्ट बना दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो आज अपन पढ़ने वाले हैं

मैं बताना चाहता हूं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको आप कुछ बहुत अलग नहीं पढ़ने वाले हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी आप कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ने वाले हो जैसे आपने कल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा आज भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही प्रोविजन पढ़ोगे लगभग लगभग बस फर्क इतना आ जाएगा जैसे कल अपन इमुएबल प्रॉपर्टी की भी बात कर ले थे सर्विस की भी बात कर रहे थे आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करने का मतलब ये है आज सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स की बात करेंगे यानी कि जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स पढ़ा रहा हूं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंदर यानी कि जब भी मैं बात करूंगा एप्लीकेबिलिटी की तो इसमें टर्म आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स तो है तो ये आज भी कॉन्ट्रैक्ट ही बस इसका सब्जेक्ट मैटर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड होके यानी कि मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसमें गुड्स की बात करेंगे बात को ध्यान से समझना जैसा कि आप देख रहे हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी शॉर्ट टाइटल हो गया इसका एक्सटेंड ये भी होता है पूरे भारत के अंदर कमेंसमेंट की बात करूं तो भैया जुलाई में कमेंस हुआ था जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जस्ट अ मोमेंट अटलाई नाइनटीन था एप्लीकेबिलिटी की बात करूं राजा तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो रहा था किसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंदर यानी कि है ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही बस यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा सेल ऑफ गुड्स तो राजा मैं आपको बताना चाहता हूं जब भी मैं बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है राजा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैं गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है बराबर तो राजा मैं बताना चाहता हूं ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ सोगा ही एप्लीकेबल होगा सोगा तो एप्लीकेबल होगा ही साथ साथ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन भी अप्लाई होगा क्यों अप्लाई होगा राजा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने को दो मेजर लगते हैं साउंड माइंड के लगते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप लगता है लॉफुल ऑब्जेक्ट लगता है लॉफुल कंसिडरेशन लगता है आपका सर्टनिटी ऑफ मीनिंग लगता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस लगता है अब मान लो आप गुड्स में गांजा बेच रहे हो तो गांजा बेच रहे हो तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया ना यानी कि वह एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं भले हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेवेंटी भी लगेगा और सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लगेगा यानी कि सेल ऑफ एक्ट के क्या खुद के स्पेसिफिक प्रोविजन है वो स्पेसिफिक प्रोविजन तो लगेंगे ही साथ साथ में जनरल प्रोविजन भी लगेंगे ये बात आपके आगे के लेक्चर में आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी बात को ध्यान से सुनना लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स तन्मय जी आ रहे सर प्रीवियस फाउंडेशन राइटिंग स्टूडेंट नाव योर इंटरमीडिएट स्टूडेंट फॉर मे ट्वेंटी फोर आपके जून राइटिंग प्रैक्टिस बैच बहुत हेल्पफुल शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तुझे पास कराएंगे टेंशन मत लेना वॉयस स्टक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बेटा सब बराबर चल रहा है आ जाओ माइक भी बराबर चल रहा है सुनना इसमें टोटल चार यूनिट है बेसिक आएगा यूनिट वन में कंडीशन वारंटी आएगा यूनिट तीन में थर्ड में आएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और फोर्थ में आएगा अनपेड सेलर राजा बात को ध्यान से समझना शॉर्ट टाइटल अपने को क्लियर है एक्सटेंड क्लियर है कमेंसमेंट क्लियर है हम शुरुआत करेंगे राजा कमेंसमेंट से सेक्शन नंबर चार इतना 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है अगर आपने यूनिट वन का सेक्शन नंबर चार समझ लिया इसका मतलब आपका फिफ्टी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट वन फिफ्टी परसेंट खत्म हो जाएगा तो मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं आपको ये जो सेक्शन नंबर चार है इसको बेरअ से पढ़ाना चाहूंगा इतनी अच्छी क्लैरिटी आएगी जिसकी कोई सीमा नहीं है सर जी मैं आपका दिसंबर 23 का स्टूडेंट हूं गूगल ड्राइव में मुझे राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगा क्या ऑफिस में कॉल कर ले बेटा आइए सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ध्यान से समझना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मैं पढ़ा रहा हूं आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं बराबर है राजा टोटल चार सबसेक्शन है सबसेक्शन वन टू थ्री फोर अगर ये चार सबसेक्शन आपके क्लियर हो गए आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पहला यूनिट पचास परसेंट कवर हो जाएगा ये इतना इंपॉर्टेंस रख रहा है मैं प्लेन रीडिंग लूंगा और धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ध्यान देना इसमें थोड़ा सा आराम से भी लेके जाऊंगा क्योंकि इससे लगातार दो अटेम्प में क्वेश्चन बन चुके आने भी आगे भी बनने की चांसेस है कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता के लूंगा बात को ध्यान से सुन के लेना क्या लिखा है देखो लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे पहले तो ये मार्क कर लो जहां पे सेलर ट्रांसफर कर रहा है या तो एग्री टू ट्रांसफर कर रहा है क्या प्रॉपर्टी किस पे गुड्स पे किसको बायर को काहे के लिए प्राइस के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों ध्यान समझना यहां से समझना यहाँ पे कीवर्ड आना शुरू हो गए सबसे पहले बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है यानी कि जिसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है सेक्शन टू एच वाला कॉन्ट्रैक्ट अपन ने कल जो पढ़ा ठीक है जहां पे सेलर सेलर की डेफिनेशन दी बेटा सेक्शन टू क्लॉज नंबर थर्टीन के अंदर सेलर क्या करेगा ट्रांसफर करेगा या तो एग्रीज टू ट्रांसफर करेगा क्या प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है सेक्शन टू क्लॉज इलेवन में किस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा गुड्स में इसकी डेफिनेशन है सेक्शन टू क्लॉज सिक्स में किसको करेगा बायर को किसकी डेफिनेशन है टू क्लॉज वन के अंदर प्राइस में करेगा टू क्लॉज टेन के अंदर बट इसको समझ के लेना फटाफट से सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है सर समझ में आ गया जहां पे सेलर जो है सेलर का मतलब क्या है तो सेलर का मतलब टू थर्टीन के अंदर है सेलर मीन पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स गुड्स या तो बेच रहा है या बेचने के लिए एग्री कर रहा है क्या गुड्स सेलर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब सेलर तभी कहलाएगा जब वो क्या बेच रहा है गुड्स बेच रहा है ठीक है सर फिर बोल रहा है प्रॉपर्टी यहां पे प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप सेक्शन टू क्लॉज इलेवन के अंदर प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है ओनरशिप और ओनरशिप का यहाँ पे मतलब है पोजेशन नहीं दे रहे हैं ओनरशिप दे रहे हैं मान लीजिए ये माइक मैं आपको भाड़े में दे, दे देता हूं तो आपके पास इसकी ओनरशिप नहीं है इसका पोजेशन है तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पे वो बोल रहा है कि जनरल ओनरशिप मिल रही है जनरल ओनरशिप एक जनरल ओनरशिप होती है स्पेशल ओनरशिप होती है स्पेशल ओनरशिप का मतलब होता है कुछ वक्त के लिए आप इसको यूज कर रहे हो पजेसर हो ओनर नहीं हो यहां पे प्रॉपर्टी का मतलब है जनरल प्रॉपर्टी ठीक है सर किस में कर रहे हो गुड्स में कर रहे हो फिलहाल के लिए ये समझ के लेना गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मोवेबल प्रॉपर्टी ये ये माइक हो गया ये गाड़ी की चाबी हो गई ये 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 पेंसिल हो हो गया ये हो गया बॉटल माउस हो गया ये बुक रखी है ये लैपटॉप रखा है ये कैमरा रखा है वहां लाइट रखी है चार्जर रखा है कैलकुलेटर रखा है ये सब के सब क्या है गुड्स है तो गुड्स में जब आप ओनरशिप ट्रांसफर करोगे कौन ट्रांसफर करेगा सेलर ट्रांसफर करेगा किसको बायर को काहे के लिए ट्रांसफर करेगा प्राइस के लिए प्राइस की आपको डेफिनेशन दी है सेक्शन टू क्लास टेन के अंदर प्राइस का मतलब यहाँ पे मनी कंसिडरेशन मनी कंसिडरेशन का मतलब क्या है एक तरफ से पैसा आएगा और दूसरे तरफ से गुड्स में ओनरशिप जाएगी इसी को अपन क्या बोलते हैं ओनरशिप यानी कि प्राइस की वजह से ओनरशिप जा रही है ठीक है सर सर हमको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया कि ये टू एच वाला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो सेलर है यानी कि ऐसा व्यक्ति जो या तो बेचेगा या तो बेचने के लिए एग्री करेगा किसको गुड्स को किसको बेच रहा है सर बायर को बेच रहा है बायर कौन होगा बायर मीन्स अ पर्सन और एग्रीज़ बाय व्हाट गुड्स क्योंकि अगर ये इनमुबल प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री कर रहे हैं तो ये सेलर और बायर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से नहीं कहलाएंगे ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से कहलाएंगे गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मोवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप जाएगा किसको जाएगा बायर को जाएगा प्राइस का मतलब मनी कंसिडरेशन ठीक है सर ये सारी चीज तो सर अपने को समझ में आ गई सर ये बताइए ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर का मतलब क्या है बताना चाहता हूं राजा सबसेक्शन नंबर तीन में आ जाना उसके लिए यहां पे कहता है कि मान लीजिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसपे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसपे प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है सेल हो रहा है ट्रांसफर हो रही है वो कहां से? सेलर से बायर में तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड उसको अपन बोलते हैं सेल यानी कि आज ये मेरे पास माइक है एक बच्चा आता है जैसे ये आनंदिता आती है आनंदिता कहती है कि सर मेरे को भी ना अपना YouTube चैनल खोलना है आप जो माइक यूज करते हो एक बार मेरे को दे दोगे क्या मैं मैं उससे सर देखूंगी कि आवाज अच्छी आ रही कि नहीं आप नया खरीद लेना मैंने कहा चलो ठीक है ये माइक मैं आपको दो हजार रुपए में बेच देता हूँ आनंदिता जी ने दो हजार रुपए दिए ये प्राइज आ गया मैंने आनंद आनंदिता जी को ये गुड्स दे दिया इसको बोलते हैं ओनरशिप जब इमीजिएटली ट्रांसफर हो गई ना इसको बोलते हैं सेल बरबर है क्या अब अगर मैं बात करता हूं एग्रीमेंट टू सेल की ध्यान से समझना अब आनंदिता जी बोलती है कि सर मुझे ना इसको पहले टेस्ट करना है कि वाकई में मेरे साथ कंपेटेबल है कि नहीं इसकी आवाज अच्छे से आती कि नहीं आती है क्या आप मुझे तीन दिन के लिए सर इसको आप ट्रायल के लिए दे सकते हैं क्या सर मैं अच्छे से देखूंगी आवाज रिकॉर्ड हो रही कि नहीं हो रही है और अगर अच्छा लगा तो मैं ले लूंगी यानी कि मेरे को जैसे साउंड चाहिए वैसा आया तो मैं ले लूंगी नहीं तो मैं इसको वापस कर दूंगी यानी कि आनंदिता जी आज मेरे से सेल नहीं कर रही है आज आनंदिता जी मेरे से क्या कर रही है एग्रीमेंट टू सेल कर रही है एग्रीमेंट टू सेल का मतलब जब व्यक्ति कहता है या तो मैं फ्यूचर टाइम में आपसे गुड लूंगा या तो कुछ कंडीशन है अगर वो फुलफिल होगी तो लूंगा तो यहां पे आनंदिता जी जो है वो कह रही है कि सर मुझे ना तीन दिन के लिए टेस्ट के लिए देना है अच्छा लगेगा तो मैं ले लूंगी यानी कि उसकी कंडीशन क्या है कंडीशन साउंड क्वालिटी अच्छी लगेगी तो मैं ले लूंगी यानी कि अगर साउंड क्वालिटी अच्छी लगी तो ठीक नहीं तो वापस कर देगी यानी कि यहाँ पे कोई ओनरशिप अभी नहीं जा रही है भविष्य में जा सकती है वो भी तब जब ये मैडम को इस साउंड की क्वालिटी अच्छी लगेगी तो तो एग्रीमेंट टू सेल का मतलब या तो ओनरशिप जाएगी कब फ्यूचर टाइम में फ्यूचर टाइम का मतलब क्या अगर आनंदिता जी बोलती कि सर मेरे को अगले महीने अपनी पॉकेट मनी मिलने वाली है तो आज मैं इसको नहीं लूंगी सर एक तारीख जैसी आ जाएगी ना मैं एक तारीख को सर आपसे माइक खरीद के ले लूंगी यानी कि इसने आज मेरे साथ एग्रीमेंट किया लेकिन सेल कब होगा एक तारीख को इसको बोलते फ्यूचर टाइम इसने आज मेरे से एग्रीमेंट किया लेकिन सेल कब होगा जब इसको इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी लगेगी तो जब कोई शर्त लगाते हो आप कि भाई इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी लगेगी तो ही जाएगा तो एग्रीमेंट टू सेल जब हो रहा है और जब आप शर्त लगा रहे हो तो ओनरशिप जा भी सकती है अगर इसको अच्छा लगता है साउंड क्वालिटी या तो नहीं भी जाएगी क्योंकि इसकी शर्त पूरी नहीं हो रही है तो एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या आप आज एग्रीमेंट कर रहे हो या तो भविष्य का एक दिन फिक्स कर रहे हो कि उस दिन में ओनरशिप ले ही लूंगा या तो आप कुछ शर्त रख रहे हो कि अगर वो शर्त पूरी हो जाती है तो शर्त पूरी होने में मैं ले लूंगा सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं अगर आज आज आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो इसको बोला जाता है सेल लेकिन अगर आप भविष्य में ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो फ्यूचर टाइम में या तो कुछ शर्त पूरी होने में उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल ठीक है सर अब देखो कहता है एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनेगा अभी तो बताया बोले एग्रीमेंट टू सेल सेल तब बन जाएगा जब समय हो जाएगा एक तारीख आ जाएगी ओनरशिप पास हो जाएगी या तो जो न, वो जो शर्त है ना वो फुलफिल हो जाएगी तो अगर शर्त फुलफिल हुई ओनरशिप पास शर्त अगर फुलफिल नहीं हुई तो ओनरशिप पास होने वाली नहीं है तो सर हमको क्या क्या समझ में आ गया इससे सबसेक्शन वन में सर हमको यह समझ में आ गया कि सबसे पहले तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट यह जो हमने टू एच पे पढ़ा था जिसमें सेलर जो है या तो इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है जिसको सेल बोल रहे हैं या तो एक फ्यूचर टाइम डिसाइड कर रहे हैं या तो शर्त डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर टाइम आया ओनरशिप पास हो जाएगी अगर शर्त पूरी हुई ओनरशिप पास हो जाएगी किसको पास होगी बायर को पास होगी कैसे होगी बायर प्राइस देगा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो ठीक है सर नंबर में हमको पता चल गया डेफिनेशन तीन में यह पता चल गया कि सेल कब, कब बोला जाता है और एग्रीमेंट टू सेल कब बोला जाता है और सबसेक्शन चार ये बताया कि एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनेगा जब वो भविष्य का टाइम इलेप्स हो जाएगा यानी कि आ जाएगा या कंडीशन पूरी हो जाएगी अब सर ये जो सबसेक्शन टू है ये क्या बोल रहा है कि एप्सिल्यूट भी, भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है एप्सुल्यूट का मतलब आज मैं सेल कर रहा हूं कंप्लीट हो गया कंडीशनल का मतलब भविष्य में लूंगा या तो कुछ शर्त पूरी होगी तो लूंगा एक अच्छी बात ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये दो पार्ट ओनर के बीच में भी हो सकता है जैसे मान लीजिए आनंदिता जी और मैंने इसको मिलकर परचेस किया है बराबर ये चार हजार का माइक है दोनों ने मिलकर परचेस किया है अब आनंदिता जी कहती है कि सर अब ना इसको पूरा पूरा आप मुझे दे दो मैं क्या कहूंगा ठीक है आनंदिता जी आप मुझे दो हजार दे दो पूरी माल की नाप बन जाओ तो एक पार्ट ओनर और दूसरे पार्ट ओनर के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बन सकता है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा वन टू थ्री फोर क्लियर है वन के अंदर डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की टू के अंदर मोड्स है कि एप्सोलूट भी हो सकता है कंडीशनल तीन के अंदर सेल क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है वो बताया और चार के अंदर बताया कि एग्रीमेंट टू सेल सेल कब हो जाएगा बराबर है दोस्तों अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते राजा इसको समझ के लेना है क्वेश्चन इसमें बन जाएगा या तो सेल वर्सेज एग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस बन जाता है इसके अंदर ठीक है या तो राजा इसके ऊपर दो बार क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि भाई मैं एक ज्वेलर हूं यहाँ पे जी आती है कहती है कहती कि ये ज्वेलरी में, में मेरे को वाइट पॉलिश लगा के दे दो मैंने कहा ठीक है व्हाइट पॉलिश लगा दूंगा और इसका डिजाइन खूबसूरत कर दूंगा आनंदिता जी कुछ पैसे देके चले जाती है फिर जी जब लेने के आती है तो देखती है कि व्हाइट पॉलिश की वजह से डिजाइन खराब हो गया है अब आनंदी जी बोल रही है मेरे को भाई पैसे वापस दो लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया पैसे वापस नहीं होंगे अब इसको लेना पड़ेगा आपको बरोबर है क्या यहाँ पे आनंदिता जी को ये लेने की जरूरत नहीं है उनको पैसे वापस मिलेंगे क्योंकि उनकी जो शर्त थी व्हाइट पॉलिश लगा के उसकी डिजाइन की खूबसूरती बढ़ाने की थी ये तो खूबसूरती बढ़ाने के बजाय घट गई है तो उसकी शर्त पूरी नहीं हुई तो क्योंकि शर्त पूरी नहीं हुई तो एग्रीमेंट टू सेल अभी सेल नहीं बना है वो एग्रीमेंट टू सेल है शर्त पूरी नहीं हुई तो खत्म हो गई बात ओनरशिप जाएगी नहीं मेरे को मेरा पैसा वापस मिलेगा कहता है कि अगर वो बोलता है कि मैं इसको और रिपेयर कर देता हूं लेकिन इसके लिए मैं आपसे क्या लूंगा पैसे लूंगा नहीं ले सकता रिपेयर करने के पैसे क्योंकि पहली बार वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी एग्री की थी उसको लेने के लिए इसको भी हम राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से करने वाले तो निश्चिंत रहना राइटिंग प्रैक्टिस में मैं आपको इतना इतना ब्यूटीफुली लिखाऊंगा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएगी तो दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं एक सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस पूछ सकता है दूसरा आपको ये पूछ सकता है कि भाई आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेगा तीसरा आपको यह पूछ सकता है कि भैया आप तो डेफिनेशन भी दो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की और साथ साथ में आप इसके इसेंशियल बताओ अब इसेंशियल क्या है राजा मैं आपको तुरंत बता देता हूं यहीं पे इसेंशियल हमारे पास फटाफट आ जाइएगा ये देखो इसमें टू पार्टी होती है टू पार्टी यानी कि ये क्या होता है राजा बायोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है ठीक है सब्जेक्ट मैटर क्या होता है इस पर गुड्स होता है गुड्स के अलावा कोई और होगा ही नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है अगर सब्जेक्ट मैटर अगर कोई इमोबल प्रॉपर्टी है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के स्कोप से बाहर है वो तो किसी दूसरे एक्ट में गवन होगी प्राइस होना चाहिए यानी कि मनी कंसिडरेशन होना चाहिए जनरल प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप जानी चाहिए एब्सिल्यूट और कंडीशनल हो सकता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी इसेंशियल एलिमेंट है ना क्योंकि है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वो सारे भी लगेंगे तो ये आपको ध्यान पे रखना है राजा जीवन में मैं आगे बढ़ता हूं जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि आ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इस पे लगेगा सेक्शन तीन इस बात की कहवाई देता है कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटिन्यू रहेगा अप्लाई करेगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स में जब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस सोगा के साथ इनकन्सिस्टेंट नहीं हमने को बात को समझना याद करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला था समथिंग इन रिटर्न टू ईच अदर अब समथिंग इन रिटर्न टू ईच अदर का मतलब क्या होता है राजा भाई दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए लेकिन कॉन्ट्रेक्टेक के अंदर ये नहीं बोला था कि कंसिडरेशन में सिर्फ मनी होना चाहिए यहां पे बोला है कि कंसिडरेशन में सिर्फ प्राइस आना चाहिए एक तरफ से प्राइस और दूसरे तरफ से गुड्स तो भैया यहाँ पे तो लड़ाई कर रहा है वहां पे कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न था यहाँ पे बोल रहा है प्राइस है तो फिर आपको यहां की बात मान के चलनी क्योंकि सोगा स्पेसिफिक लॉ है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल लॉ है गुड्स के लिए तो आपको यहाँ पे प्राइस वाला मानना पड़ेगा उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया अब राजा बात करते किसकी गुड्स की क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन अब तक अपन ने नहीं पढ़ी बाकी सारी डेफिनेशन पढ़ ली गुड्स जैसे मैंने आपको बताया था दो सात में शायद मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था दो छह बोल दिया था मैं माफी चाहता हूं ये दो सात के अंदर है तो वापस से मैं रिपीट करना चाहता हूं सेक्शन टू वन के अंदर बायर है टू थर्टीन के अंदर सेलर है टू टेन के अंदर प्राइस है टू इलेवन के अंदर प्रॉपर्टी है और टू सिक्स के अंदर गुड्स है क्या सर हमको ये डेफिनेशन याद करना पड़ेगा नहीं बेटा मेरे को ना ऐसे पढ़ाते वक्त बोलने में अच्छा लगता है कि कहा क्या बात लिखी और हम सब मिलके पढ़ रहे हैं ये डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं आपको सिर्फ सेक्शन नंबर चार याद करना है और हो सके तो गुड्स का डेफिनेशन का सेक्शन याद कर लेना सेक्शन टू प्लस सेवन क्योंकि पूछता है कि डिफाइन uh, करो गुड्स को और उसके इसेंशियल एलिमेंट्स को डिफाइन करो बराबर है क्या दोस्तों ठीक है अब बात को सुनना ये डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन टू प्लस सेवन के अंदर टाइप्स ऑफ गुड्स दिया हुआ है छे के अंदर सेक्शन नंबर छे के अंदर टाइप्स ऑफ गुड्स है तो ये टाइप्स ऑफ गुड्स को अपन बाद में पढ़ेंगे पहले हम गुड्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे बात को ध्यान से समझना सेक्शन टू प्लस सेवन के अंदर सेक्शन टू प्लस सेवन क्या कहता है बेटा ये प्राइवेट हो जाएगा आज कंफर्म प्राइवेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा हैवी रखता था इसके लिए अपन उसको पब्लिक कर दिए ये वाला प्राइवेट हो जाएगा समझना गुड्स सेक्शन टू प्लस सेवन में हर काइंड ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी को गुड्स बोलते हैं अभी देखो ये मेरे पास बुक्स रखी हुई है बरोबर है क्या ये मेरे पास बुक्स रखी हुई क्या है गुड्स है बताना चाहता हूँ ये मेरे न्यू सिलेबस की बुक्स अगर आपको दिख रही होगी तो ये न्यू सिलेबस की बुक है ये इंडिया की पहली क्वेश्चन बैंक है न्यू सिलेबस के लिए इसको पढ़ डाला लाल झेगा ला, ये, ये बॉटल है ये मेरे पास कार की चाबी है ये मेरे पास ये है ये है ये चाबी रखा हुआ है ये चार्जर रखा हुआ है ये सब के सब क्या है ये सब के सब क्या है ये गुड्स है सबका सब बरोबर है क्या ये सबका सब क्या है गुड्स है साथ में समझना लिखा है देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी अब समझना एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है आज मैं आपको कागज के टुकड़े में लिख के दे देता हूं कि दीपक भाई मैं तेरे से पचास हजार रुपए की उधारी लिया हूं मैं वादा करता हूं एक महीने बाद में तेज दे दूंगा स्टाम्प पेपर में था प्रोमिसरी नोट था बरोबर है क्या अब ये जो प्रोमिसरी नोट जो है राजा प्रोमिसरी जो नोट है ये प्रोमिसरी नोट मैंने तुझे दिया तो इंस्ट्रूमेंट हो गया अगर कल मैं पैसे नहीं देता हूं तो इस इंस्ट्रूमेंट के दम में इस कागज के टुकड़े के दम में मेरे ऊपर एक्शन ले सकता है ना हाँ इसी को बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम लेकिन ना इसको गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा पूछ क्यों कल को तू मेरे ऊपर क्लेम करेगा मैं बोलूंगा क्लेम बनता ही नहीं है मैं तेरे ऊपर उल्टा केस कर दूंगा कि मेरे कोई पैसे लिया ही नहीं है इससे हो सकता है केस मैं जीत जाऊं हो सकता है तू जीत जाए अब तू इसको किसी को गुड्स बोल के ट्रांसफर कर देगा कि ले अर्जुन से वसूल लेना और अर्जुन कोर्ट जाके केस जीत जाता है तो बेचारे का नुकसान हो जाएगा इसीलिए एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा मनी की अगर बात करें तो भाई अगर मनी को गुड्स की डेफिनेशन में ले लिया तो मैं एक तरफ से दूंगा, तरफ से आएगा, तो मनी को भी हमको तो सेल को गुड्स को, की डेफिनेशन से बाहर रखा इसके अंदर कंपनी के स्टॉक शेयर्स भी आएंगे ग्रोइंग क्रॉप्स भी आएगा ग्रास भी आएगा कोई भी चीज आपने अटैच की जैसे वो गेहूं मशीन होती है ना जहां पे गेहूं पिसता है आप उसको अटैच करते हो अर्थ से वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी ही है और कोई भी चीज जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है जैसे सब्जी भाजी उग रही है प्याज उग रहा है टमाटर उग रहा है जिसको आप एग्री कर रहे हो कि इसको मैं सीवर करूंगा तोड़ूंगा और बेचूंगा वो भी क्या है गुड्स है तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है ठीक है सर समझ में आए राजा बात को समझना टाइप्स ऑफ गुड्स की अगर बात करूं टाइप्स ऑफ गुड्स की अगर बात करूं तो टाइप्स ऑफ गुड्स में, में मेरे पास तीन प्रकार के गुड्स है राजा पहला क्या है ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एग्जिस्टिंग गुड्स गुड्स जो या तो आप ओन कर रहे हो या तो पर्जेस कर रहे हो अब राजा मेरी बात को ध्यान से सुनना एक बात है जैसे कि मान लीजिए मेरे पास गाड़ी है बराबर है बराबर क्या अब ये जो गाड़ी है मान लीजिए मेरे भाई की गाड़ी है लेकिन इसको रखा तो मैं हूं अभी पजेस तो इसको मैं कर रहा हूं बरोबर है क्या पजेस मैं कर रहा हूं का मतलब क्या है भाई के नाम की गाड़ी है चला मैं रहा हूं यूज मैं कर रहा हूं तो इसको बोला जाएगा कि मैं पजेस कर रहा हूं

तो चाहे आपके पास किसी गुड्स की ओनरशिप रहे चाहे आपके पास गुड्स की क्या रहे पोजेशन रहे दोनों ही केस में आपका ये गुड्स क्या क्या कहलाएगा एग्जिस्टिंग अब जैसे कि मैंने क्या बताया कि मैंने बताया भाई गाड़ी मैं चला रहा हूं लेकिन ओनर मेरा भाई 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 है है तो के के पास ओनरशिप ना लिए भी भले वो सामने साक्षात गाड़ी नहीं है लेकिन भाई के लिए वो गुड्स एग्जिस्टिंग है और मेरे लिए क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं मेरे लिए भी एग्जिस्टिंग गुड्स है ठीक है सर फ्यूचर की बात करूं राजा तो ऐसा गुड्स जो हम भविष्य में बनाएंगे या प्रोड्यूस करेंगे अब प्रोड्यूस का मतलब क्या आम जो है वो प्रोड्यूस होता है लेकिन मैंगो जो जूस है वो मैन्युफैक्चर होता है तो ऐसा कोई गुड जो आप भविष्य में बनाओगे प्रोड्यूस करोगे मैन्युफैक्चर करोगे एक्वायर करोगे बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गौरी जी के साथ गौरी जी कहती है सर मैंने सुना है आपका ऑरेंजेस का बहुत बड़ा सर आ, फार्म हाउस है आप ऑरेंजेस उगाते हो सर मेरे को ना हंड्रेड के ऑरेंजेस लगेंगे अपने गांव जाने के लिए तो मैंने कहा ठीक है अभी मैंने वहां पे फसलें लगाई हैं उसकी एक महीने बाद वो सारा आ जाएगा तो एक महीने बाद ले जाना तो पहले मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और बोला कि प्रोड्यूस होंगे आज मेरे पास नहीं है तो टू बी प्रोड्यूस टू बी मैन्युफैक्चर टू बी एक्वायर्ड क्या कहलाएगा एग्रीमेंट टू फ्यूचर गुड्स कहलाएगा कंटिंजेंट गुड्स का मतलब क्या होता है ऐसा गुड जो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है बात को ध्यान से समझना एक ना ओमेगा 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 थ्री करके एक प्रोटीन होता है जो एक मछली में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में पाया जाता है आप एक मछुआरे के पास गए बोला कि मैं जिम जाता हूँ मेरे को ओमेगा थ्री वाला प्रोटीन चाहिए मेरे को वो वाली फिश चाहिए मछुआरा बोलता है वो फिश तब आती है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और जब लंबी लंबी लहरें होती है ना तो मिलती है अगर बारिश हुई लंबी लहरी आई तो मैं आपको दिला दूंगा यानी कि वो बारिश के ऊपर डिपेंड है लंबी लहरों के ऊपर है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो फिश वो कंटिंजेंट है बराबर है क्या तो एक्विजिशन ऑफ विच एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन इवेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो गुड्स वो एक्वायर होगा कि नहीं कंटिंजेंट इवेंट में है उसको बोलते कंटिंजेंट गुड्स उस मछली को बोला जा रहा है कंटिंजेंट गुड्स बराबर अच्छी बात यह है जैसे कि अनुराग जी ने बोला कि सर चाहे फ्यूचर गुड्स हो चाहे कंटिजेंट गुड्स हो दोनों आज हमारे पास हाजिर नहीं है तो दोनों के दोनों हमेशा क्या रहेंगे सर एग्रीमेंट टू सेल अरे आपके पास जो चीज है नहीं आप उसको बेच कैसे सकते हो यानी कि हमेशा क्या रहेगा एग्रीमेंट टू सेल रहेगा लेकिन एग्जिस्टिंग गुड्स का आपका सेल भी हो सकता है और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है ठीक है सर समझ में आया अब राजा एग्जिस्टिंग गुड्स को भी हमने तीन हिस्सों में बांट के रखा हुआ है पहला हिस्सा है राजा स्पेसिफिक गुड्स स्पेसिफिक गुड्स क्या बोलता है ऐसा गुड्स बराबर है क्या ऐसा गुड्स शुभम कह रहा है सर आपको सुनते ही डैश आ जाता है ए भाई तू क्या आदमी रे भाई सब ठीक है ना तेरा सामान समान अमान, बराबर है ना ऐसा कैसा कैसा बात कर रहा है आपको सुनते ही डैश आ रहा है करके वो तो अच्छा हुआ मैंने डैश लगा दिया एकदम गलत आदमी है तू यहाँ पे कैसी बात कर रहा है बेटा सब सब पुर्जे ठीक है बेटा जीवन में सारे जो पुरजे हो सब जीवन में सही सलामत चल रहे हैं ठीक है बात को ध्यान से सुनना स्पेसिफिक गुड्स की बात करू राजा मैं एग्जिस्टिंग गुड्स की तीन प्रकार की बात कर रहा हूं बरोबर है क्या एग्जिस्टिंग गुड्स में मैं बोल रहा हूं सॉरी एग्जिस्टिंग गुड्स में देखो तेरे चलते थे उल्टा उल्टा बोलने लग गया मैं एग्जिस्टिंग गुड्स के तीन प्रकार पहला स्पेसिफिक दूसरा असरटेन और तीसरा तीसरा नॉट अः बराबर है क्या ठीक है ठीक है अब बात को ध्यान से सुनना ठीक है सुनना स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या है एग्जिस्टिंग के अंदर स्पेसिफिक का मतलब क्या है ध्यान से समझना आप मान लो एक शोरूम में जाते हो जो मोबाइल रखा हुआ है है क्या अब उसके पास एक केस के अंदर अलग अलग मोबाइल है एप्पल का मोबाइल है वीवो का मोबाइल है Xiaomi का मोबाइल है वन प्लस का मोबाइल है सैमसंग का मोबाइल है और सबके अलग अलग मॉडल है आपको इतने सारे मॉडल के अंदर आईफोन 15 पसंद आया तो इतने सारे जो गुड्स एग्जिस्ट कर रहे थे उसमें से आपने एक आइडेंटिफाई किया एक आइडेंटिफाई का मतलब क्या है उसमें से आपने किसी एक को चुनाव एग्री किया कि मैं इस गुड्स को लेना चाहता हूं तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स का भी फर्दर बाइफरकेशन है कि वो स्पेसिफिक गुड्स है असरटेन और स्पेसिफिक गुड्स में एक छोटा सा डिफरेंस है आपके घर के बाहर बराबर है क्या आपके घर के बाहर एक गाड़े वाला आया ठेला वाला आया जो कह रहा है टमाटर ले लो टमाटर ले लो आपकी मम्मी खाना बना रही वहीं से चिल्लाती भैया रुक जाना नीचे उतर के आती है कहती है मोल भाव करती है एक किलो लेगी थ्री सिक्सटी डिग्री स्कैन करेगी एक भी दाग आया तो हटा देगी अब वो हंड्रेड के ऑफ और ऑरेंजेस में से अगर एक एक आपकी मम्मी सेलेक्ट करके तराजू में डाल रही है इसको बोलते असर्टेन गुड्स तो सर स्पेसिफिक गुड्स में क्या डिफरेंस हुआ स्पेसिफिक में राजा देखो मेरे पास एप्पल भी था वीवो भी था सब था अलग अलग ब्रांड के मोबाइल थे यहां पे अगर आप असर्टेन में देखोगे तो एक ही गुड्स है उसको ही मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं दैट इज नोन एज असर्टेन गुड्स अनअसर्टेन गुड्स की बात करूं तो ऐसा गुड जो आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो कैसे आप गए दुकान में और दुकान वाले को बोला भैया एक मैगी का पैकेट दे देना वो रेंडम हंड्रेड महंगी के पैकेट से एक उठा के आपको मुंह पे मार दिया क्या आपने किया उस पैकेट को नहीं लेकिन टमाटर को आपकी किया जब वो में इंटर कर रही थी और आइडेंटिफाई मतलब नहीं किया तो स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग में से कोई एक असर बहुत सारे में से जो सेलेक्ट किया मतलब आइडेंटिफाई नहीं किया बरोबर है क्या एवरीबॉडी क्लियर है दोस्तों चलिए दोस्तों बात को ध्यान से समझना सेक्शन नंबर एक सात है और एक सेक्शन नंबर क्या है आठ है सेक्शन नंबर सात अपने को क्या कह रहा है दोनों इंपॉर्टेंट है राजा लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आठ है आठ के ऊपर क्लास आ सकती है सॉरी सर अगर क्लास डिस्टर्ब हो गई हो तो नहीं नहीं भाई डिस्टर्ब कुछ भी नहीं हो रहा तू डिस्टर्ब मत हो भाई ऐसा कैसा लिख रहा है एकदम कि सर आप मतलब भाई भाष हो गए यार ठीक है सेक्शन नंबर सात और सेक्शन नंबर आठ बात को समझना ठीक है सेक्शन नंबर सात और आठ बेटा सबसे पहले कॉमन बात तो समझ लो स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर लगता है बिल्कुल बात को ध्यान से समझना सेक्शन सात बोलता है आप किसी गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो बट वो कॉन्ट्रैक्ट जब आप कर रहे हो ना आप मिस्टेक में हो क्या मिस्टेक में हो पता है क्या वो गुड्स पेरिश हो चुका है या वो गुड्स डैमेज हो चुका है जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन दोनों पार्टी को पता नहीं है कि वो पेरिश हो गया कि डैमेज हो गया है सरल शब्दों में बोलू तो ऐसा कोई गुड्स के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो सड़ चुका है या तो डैमेज हो चुका है लेकिन दोनों पार्टी को ये बात पता नहीं इसको मिस्टेक भी बोलेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो मान लीजिए मेरे पास मैं ऑरेंज का बहुत बड़ा डीलर हूं ना तो मेरे पास एक कोल्ड स्टोरेज है जहां पर मैं अपने ऑरेंजेस को स्टोर करके रखता हूं ठीक है अब बात ये राजा ऑरेंजेस को स्टोर करके रख रहा हूं अपनी जगह आज मेरे से प्रिंस जी मिल जाते हैं प्रिंस जी बोलते हैं कि सर मेरे को ना आ, वो हंड्रेड केजी ऑरेंजेस चाहिए मिल जाएंगे क्या मेरे घर पे शादी है तो ऑरेंज जूस निकालने के लिए काम आएगा मैंने कहा ठीक है मिल जाएगा आपको हंड्रेड के जी ऑरेंजेस तो जब हम ये बात कर रहे थे ना दोनों हम डील फिक्स किए प्राइस फिक्स किए हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना बट हम दोनों को नहीं पता मेरे कोल्ड स्टोरेज में रात से पावर कट हो रखा था तो पूरा का पूरा कोल्ड स्टोरेज हॉट स्टोरेज हो गया था और पूरे के पूरे ऑरेंजेस गल चुके थे पैरिश हो चुके थे तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का जो आप कर रहे हो जो पेरिश हो चुका है आपके कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले ही लेकिन हम दोनों को नहीं पता था तो इसको बोलते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वॉइड रहेगा बरोबर है क्या लेकिन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपके एग्रीमेंट करते वक्त सही सलामत था आप जो गुड्स के लिए एग्रीमेंट किए वो एग्रीमेंट करते वक्त आपका गुड्स एग्जिस्ट कर रहा था भला चंगा था लेकिन जैसे ही सेल का वक्त आया सेल होने के पहले वो कॉन्ट्रैक्ट वो गुड्स या तो पेरिश हो गया या तो वो डैमेज हो गया अब दोनों का एग्जांपल समझना एक एग्जांपल राजा आपने समझ लिया किसका पेरिश वर्ड का पेरिश वर्ड में क्या हुआ ऑरेंजेस थे वो जब हम एग्रीमेंट कर रहे थे तब के तभी डैमेज हो चुके थे तो बात खत्म हो गई वो वॉइड हो गया एक वर्ड आता है बेटा डैमेज डैमेज अब देमेज का क्या होता है देखना मैं आपको एक हाथी का एग्जाम्पल दिया था कि भाई एक साउथ इंडियन वाला व्यक्ति है वो मेरे से मेरा हाथी खरीद रहा है दो लाख रुपए में हम मॉर्निंग वॉक में मिल गए थे तो मेरे से वो डील कर रहा था मुझे ही नहीं पता था रात को हाथी को बिच्छू ने डंक मार लिया था बेचारा हाथी रात को तड़प तड़प के मर गया था अब क्योंकि वो तड़प तड़प के हाथी मर गया और अगला अगले दिन मुझे तब पता चला यानी कि जब हमने एग्रीमेंट किया था तो हाथी डैमेज हो चुका था डैमेज यानी कि उसकी बॉडी सड़ चुकी थी बराबर अब हाथी नेचर का तो नहीं है हाथी तो डैमेज ही होगा डैमेज कैसे होगा उनको गुड्स कंसिडर कर रहे तो डैमेज हो गया तो भैया हमारा ये क्या हो गया वॉइड हो गया अब अगर मैं आर्ट की बात करूं राजा मान लीजिए जैसे आनंदिता जी और मेरी बात हुई थी ये वाली उसी का एक रिलेटेड एग्जाम्पल दे रहा हूं अब मेरा सेकेंड हैंड गाड़ियों का काम है आनंदिता जी को मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक कार है होंडाई आई ट्वेंटी में बेचना चाहता हूं आनंदिता जी बोलती है सर मेरे को तीन दिन के लिए उसको ट्रायल पे दो मैं गाड़ी को चला के देखूंगी भगा के देखूंगी ड्रिफ्ट मार के देखूंगी सब बराबर रहेगा मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं ले लूंगी बराबर है क्या तो तीन दिन के ट्रायल की बात हुई अब देखो हुआ ये यारो वो गाड़ी को लेके जाती है मेरे पास से बराबर है क्या गाड़ी लेके जाती है उसके मोहल्ले में ना कोई दंगे फसाद हो जाते हैं राइट्स हो जाते हैं अब जो दंगे फसाद हुए वो किसी रिलीजियस मैटर में भी हो सकते हैं किसी 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 कुछ डिमांड को भी लेके हो सकते हैं उसमें क्या किया गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया डैमेज करवा दिया गाड़ी को बरोबर है क्या अब देखो ये ऐसी चीज थी ना तो इसमें आनंदिता जी की गलती थी वो तो अपने घर के पार्किंग में ही रखी थी राइट हो गए उसमें इनका क्या कहना इसमें मेरी भी गलती नहीं थी तो देखो हुआ ये कि मैंने गाड़ी दिया एग्रीमेंट टू तो सेल के दम पे एग्रीमेंट टू तो सेल का मतलब क्या तीन दिन का ट्रायल कर ले अच्छा लगा तो ले लेना नहीं तो वापस कर देना सेल तो नहीं हुआ अब ऐसा हुआ एग्रीमेंट टू सेल हुआ लेकिन गुड्स या तो डैमेज हो गया या तो पेरिश हो गया ना तो बायर की गलती ना तो सेलर की गलती दोनों की कोई गलती नहीं है और अभी ओनरशिप भी पास नहीं हुई है तो फिर बोले ये वाला भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा अवॉइड हो जाएगा आओ अब इसको पढ़ के लेते हैं तो देखो लिखता है जब कॉन्ट्रैक्ट है सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स का दोनों के दोनों बेटा स्पेसिफिक गुड्स में ही लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा अवॉइड कब अगर गुड्स बिना नॉलेज से सेलर के नॉलेज में ही नहीं था हाथी भी मर चुका और कोल्ड स्टोरेज में ऑरेंजेस भी सड़ चुके बिना उसके एट द द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड वो क्या हो गया? हो गया गया पेरिश या इतना डैमेज हो गया कि उसकी हालत नहीं बताई जा सकती जो लिखा है ना एस टू नो लॉन्गर टू आंसर डर डिस्क्रिप्शन वो इतना बुरा तरीके से पेरिश है इतना बुरा तरीके से डैमेज हुआ कि उसकी हालत नहीं बता जा सकती उसकी गति नहीं बताई जा सकती इसका मतलब होता है एस टू नो लॉन्गर टू आंसर दर डिस्क्रिप्शन बराबर है क्या अब देखो सेक्शन नंबर एट अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया राजा एग्रीमेंट टू सेल यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट बना लिए लिए ये मानते हुए कि कि गुड्स गुड्स तो तो एग्जिस्ट कर रहा है है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया वॉइड एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक के एंड यानी एग्रीमेंट बनने के बाद बिना गलती के ना तो किसकी गलती थी सेलर की ना तो बायर की वो क्या हो गया पेरिश हो गया या तो डैमेज हो गया जिसमें उसकी हालत नहीं बताई जा सकती बिफोर द रिस्क पास रिस्क पासेज यानी कि ओनरशिप नहीं गई थी बायर को द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड यानी कि बराबर है 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 क्या? क्या क्या ये हुआ. राजा अपन नौ में चलते हैं. बोल बोल रहा रहा के बारे से? देखो बेटा. सबसे पहला नंबर चार का सब नंबर वन क्या बोल रहा है? कि सेलर गुड्स दे रहा है किसको बायर को प्राइस के लिए सेलर गुड्स दे रहा है बायर को कहा के लिए राजा प्राइस के लिए दे रहा है बरोबर है क्या तो अब प्राइस तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि उसके बिना तो जाएगा नहीं भैया गुड्स बराबर है क्या तो जहां पे प्राइस की बात आ रही तो सेक्शन नौ बोलता है तो पहले वाले सब में दिया है। दूसरे में बोल रहा है कि मान लो जो हमने सबसेक्शन वन में आपको मोड्स दिया है उससे अगर आप प्राइस डिसाइड नहीं कर पाते तो क्या होगा तो राजा तीन कारण तीन तरीके हैं प्राइस डिसाइड करने के पहला कॉन्ट्रैक्ट करके आप डिसाइड कर लो प्राइस दूसरा ऐसा मैनर डिसाइड कर लो कॉन्ट्रैक्ट में जिससे आप प्राइस डिटरमाइन करोगे तीसरा डिटरमाइंड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग अब कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स करने का मतलब क्या मान लीजिए आनंदिता जी को गाड़ी अच्छी लग गई कहती सर में लेना मैं लेना चाहती हूं मैं कहा ठीक है फिर पांच लाख में ले लो करके बरोबर है क्या कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स किया वो भी रेडी हो गई इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फिक्स बाय प्राइस फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट दूसरा हमने प्राइस फिक्स नहीं किया हमने मैनर फिक्स किया मैनर में ये बोला आनंदिता जी और मैंने ये डिसाइड किया कि चलते एक मैकेनिक के पास जो जानकार होगा उसको गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं वो जितना प्राइस बोलेगा उतने में कर लेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन देगा तो बोले ठीक है आपने प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पर डिसाइड नहीं किया आपने मैनर डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्ट में तीसरा आता है डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी का मतलब क्या होता है जैसे यहाँ पे आनंदिता जी है बरोबर है क्या आनंदिता जी अब मेरे से नेगोशिएट कर रही है कि सर पहले तो तीन दिन के लिए ट्रायल पे दो फिर गाड़ी अच्छी लगेगी तो बताऊंगी फिर गाड़ी चला के आई कहती सर पांच लाख किसकी कीमत नहीं बन सकती चार लाख में दो इसको बोलते हैं कि कोर्स डिसाइड कर लिया कि तीन दिन ट्रायल करूंगी फिर नेगोशिएट करूंगी फिर बात करूंगी तो एक प्रकार से क्लॉज नंबर ए और क्लॉज नंबर सी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्लॉस सी बोल रहा है कि एक बार नेगोशिएट करके करोगे और ए में बोल रहा है कि सीधा कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स कर दिया तो ये तीन तरीके हैं जितने आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो सबसेक्शन टू बोलता है तीनों में से किसी भी एक तरीके से आपने प्राइस की चर्चा ही नहीं की आपने सोचा भी नहीं प्राइस क्या होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए तब क्या होगा तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कि कोई बात नहीं आपने प्राइस फिक्स नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वॉइड हो जाएगा क्योंकि सेक्शन चार के सबसेक्शन नंबर में वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट है ऐसा नहीं आपको क्या करना पड़ेगा रीजनेबल प्राइस पे करनी पड़ेगी कार के मार्केट वैल्यू जो है वो पे करो और आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा तो आपको ये दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कभी एम टीपी आर टीपी पे था और एक बार आपको ओरिजिनली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ओरिजिनली क्वेश्चन ये पूछा था राजा कि भाई मान लो प्राइस डिसाइड नहीं हुआ और बाद में सेलर मना कर रहा है कि भाई प्राइस तो डिसाइड हुआ ही नहीं है प्राइस तो डिसाइड हुआ ही नहीं है तो वॉइड हो गया तो बोले नहीं 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 वॉइड नहीं होगा एस पर सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन टू रीजनेबल प्राइस बायर पे करेगा तो सेलर बाउंड है उसको कार देना पड़ेगा बराबर है क्या किया शर्मा जी कह रही है गुड गुड इवनिंग सर मैंने आपका राइटिंग प्रैक्टिस किया था जून 23 वाला इससे पहले मैं दो बार फेल हो चुकी थी बट इस बार हमने 63 स्कोर किए हैं थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा फिर इंटर में किधर गए जून 23 में पास हुए तो सी इंटर में किधर हो हमारे पास होगी कहीं और लगाए हो बाबा ये, तो, ये तो ये तो ये तो बेटा पुराना रिजल्ट हो गया सी इंटर का किधर मे ट्वेंटी किधर कर रहे बेटा बरोबर है क्या ठीक है आओ जीवन में आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए जीवन में आगे आते हैं सेक्शन नंबर टेन में आते हैं फटाफट बराबर है क्या सेक्शन नंबर नाइन हुआ सेक्शन सेक्शन और नंबर 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 हो गया है क्या 10 में आते हैं 10 कहता है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन बराबर है किया शर्मा कह रही आपके पास से ही लिया है, सर सी ए इंटर अच्छा ऑनलाइन में हो गए राजा क्योंकि फेस टू फेस में तो हो नहीं ऐसा कोई नाम है नहीं मेरे फेस टू फेस में ऑनलाइन में हो गए चलो शुक्रिया अब बेटा फाइनल में लॉ है नहीं तो माफी चाहूंगा फाइनल में नहीं पढ़ा पाऊंगा लेकिन इंटर में पास जरूर करा दूंगा इतना कंफर्म करना बरोबर है क्या ठीक है अब बात को सुनना सेक्शन नंबर टेन को ध्यान से समझना यार सेक्शन नंबर जो 10 है वो नाइन से ही कनेक्शन रख रहा है राजा सुनना जो सेक्शन नंबर है है वो 9 से ही कनेक्शन रख रहा जैसे मैंने और आनंदिता जी ने अच्छा बताना चाहता हूँ आनंदिता जी भी हमारी सीए फाउंडेशन की रेगुलर स्टूडेंट है इसलिए मेरे को पता है कि वो कौन है इसलिए वो बार बार निकल आता है बरोबर है क्या तो आनंदिता जी जो है अगर हमने और उनने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैनर डिसाइड किया मैनर डिसाइड करने का मतलब क्या होता है कि भाई मैनर का मतलब ये होता है लाला कि हमने सोचा कि थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन कराते हैं तो अब इसमें दो चीज हो सकती है कि हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिस एग्रीमेंट में हम ये बोल रहे हैं कि हम वैल्यूएशन कैसे कराएंगे थर्ड पार्टी से कराएंगे अब उसमें दो चीज हो सकती है वन और टू में सर तो सीए इंटर की क्लास पढ़ने के लिए ऑनलाइन मोड अच्छा है या ऑफलाइन है बेटा जहां पे तेरी श्रद्धा भक्ति हो तेरे अंदर डिसिप्लिन है तो भैया ऑनलाइन हो जाएगा डिसिप्लिन नहीं है तो आ जाइए अपने अपने तो क्लास ही करते रहते हैं अब उनका मैंने आज ही सी ए इंटरमीडियवेंटी फोर वालों का सिलेबस आज खत्म किया है अब बिचारों का एक तारीख से शुरू हो जाएगा कौन सा पता है ये वाला शुरू होने वाला है आपका ग्रुप टू की क्लासेस शुरू होने वाली है बराबर तो घर में रहेगा तो टाइम बचेगा लेकिन घर में डिसिप्लिन नहीं है तो यहाँ आ जा यहाँ पे एक रुपए का टाइम नहीं बचेगा सिर्फ क्लास ही हो पाएगी सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी सेल्फ स्टडी तो तू बेटा घर में भी रहेगा तो भी नहीं करेगा तू बहाने मारेगा अरे दिन भर ना मेरा आंख फूट जाता है स्क्रीन देख देख के तो मैं थक जाता हूँ तो मैं सो जाता हूँ फेस टू फेस वाला नौटंकी ये मारता है कि अरे मैं दिन भर ऊपर नीचे भाग भाग के क्लास में बैठ बैठ के मेरा ये दुख जाता है पीछे इसलिए मैं थक जाता हूँ करके मैं सो जाता हूँ तो जब तक क्लास चल रही राजा वैसे भी सेल्फ स्टडी होती च नहीं है उतनी अच्छे से क्लास को अच्छे से कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है बस मुद्दा ये है मुद्दा ये है जैसे एक बच्ची और देखो तमन्ना शर्मा करके ये भी हमारी फेस टू फेस की है शक्ति बैच की फेस टू फेस की स्टूडेंट है तो उनसे पूछो वो दिन भर बिचारे क्लास में घूमते रहते हैं चाहे फाउंडेशन का हो चाहे इंटर का हो क्लास के बाद ही सेल्फ स्टडी होती है तो अगर तू घर बैठ के डिसिप्लिन रह सकता है तो ऑनलाइन नहीं रह सकता है घर बैठ के तो ऑफलाइन आ जाना बेटा इससे अच्छी पढ़ाई और कहीं नहीं होती है ऑफलाइन में क्या है मेरा दिमाग खराब हो देखा मैं सो रहा मैं वहीं झाड़ देता है उठ सोने का आया क्या क्लास में करके ऑनलाइन में तू देखे देखे सो गया एक घंटे बाद उठ रहा क्लास भी खत्म हो कोई पता भी नहीं चला बरोबर है क्या चलो बात को ध्यान से सुनना अब बेटा हमने एग्रीमेंट किया कैसे वैल्यूएशन के लिए कि भाई हम एग्रीमेंट कर रहे हैं टू सेल गुड्स एट वैल्यूएशन बरोबर है क्या वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो राजा देखो ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी जो मैकेनिक की हमने बात किया था ना वो फेल हो जा रहा है वो फेल हो गया वो वैल्यूएशन नहीं कर पाया और सबसे uh, टू क्या कहता है कि वो फेल क्या हुआ क्योंकि दोनों में से कोई एक ने गलती की या तो आनंदिता जी ने गलती की या तो मैंने गलती की दोनों में से कोई एक फॉल्ट में था तो आइए समझ के लेते हैं कहता है देखो एग्रीमेंट टू सेल था लेकिन शब्द देखो क्या लिखा है, वो does not. Does not का मतलब होता है कि आपने जिस व्यक्ति को डिसाइड किया उसके पास कार लेके गए वो कहता है भैया अब मैं वैल्युएशन करता ही नहीं अब मैं वैल्यूएशन नहीं करता मैं मेरा अपना जो गैराज था मैंने बंद कर दिया अब मेरा एक्सपीरियंस भी चले गया मैं नहीं करूंगा तो ये तो हो गया भैया डज नॉट कि वो वैल्यूएशन ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा एक कैन नॉट आ रहा है कैन नॉट का मतलब वो करना तो चाह रहा है वो करना तो चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है क्यों नहीं कर पा रहा है अब आनंदिता जी ने तीन दिन के लिए गाड़, गाड़ी ली थी चलाने के लिए बराबर है क्या प्रिया कह रही सर आई एम फ्रॉम नेपाल टेकिंग इंडियन कोर्सेज कैन आई टेक राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस बिल्कुल कर सकते हो प्रिया जी आओ वापस से आते हैं तो भाई साहब ऐसा हुआ कि तीन दिन के लिए कार ली थी भैया ट्रायल पीरियड के लिए अब तीन दिन बाद इसको गाड़ी अच्छी लगी तो अब अगर हमने उस व्यक्ति को अपॉइंट किया हम व्यक्ति को बोल दिए कि भाई आनंदिता जी के पास कार रखी हुई है आप जाके ना उसके घर जाता और चला के देख लेना अब जब जब वो आनंदिता जी के घर पे आए या तो कोई डोर ना खोले या तो घर पे कोई रहता ही नहीं है या घर पे रहता है तो आनंदिता जी कार लेके बाहर गई रहती है चलो ठीक है तीन दिन में ट्रायल पीरियड करके उन्होंने गाड़ी वापस कर दी तो मैं ही ऐसी हरकत कर रहा हूं या तो हम दरवाजा नहीं खोल रहे दरवाजा खोलते तो मैं ही नहीं रहता हूं अच्छा चलो अगर कोई है भी तो मैं गाड़ी लेके निकल गया हूं तो राजा ऐसा हो रहा है कि कैन नॉट का मतलब दोनों में से किसी एक पार्टी की वजह से वो करना तो चाह रहा है वैल्यूएशन लेकिन ही कैन नॉट डू द वैल्युएशन बिकॉज तुम उसको अवेल नहीं कर रहे हो रीजनेबल फैसिलिटी बरोबर है क्या तो एग्रीमेंट अवॉइड हो जाएगा डज नॉट हो चाहे कैन नॉट हो एग्रीमेंट अवॉइड सर मान लीजिए सर एक स्पेशल नोट है सर मेरे पास ना दो गाड़ियां थी एक एम जी एस्टर थी और एक आई ट्वेंटी थी दोनों ही मैं आनंदिता जी को दे रहा हूं बरोबर है क्या अब जब मैं दोनों ही दे रहा हूं अगर मैं दोनों दे रहा हूं उसमें आनंदिता जी कहती है सर देखो दोनों तो मैं खरीदूंगी जो प्राइस आएगा मैं पे कर दूंगी आप मेरे को एक कार दे दो आई ट्वेंटी जब वैल्यूएशन हो जाएगा तो मैं आई ट्वेंटी का भी पैसा दे दूंगी एमजी एस्टर का भी पैसा दे दूंगी तो आप उस समय मेरे को एमजी एस्टर की डिलीवरी दे देना तो मान लो हमने थर्ड पार्टी का वैल्यूएशन डिसाइड किया एक कार ऑलरेडी डिलीवर हो गई है एक कार मेरे पास है और थर्ड पार्टी डज नॉट या कैन नॉट कर रहा है और यहां पे प्रोविजन बोल रहा है अगर ऐसा होगा तो अवॉइड हो जाएगा अब मैं आनंदिता जी को बोल रहा हूं भैया गाड़ी वापस करो वो वा वाली क्योंकि वैल्यूएशन नहीं हुआ ये कह रही है सर आप दो मुझे दूसरी वाली भी गाड़ी दो क्यों भाई ऐसा कैसे ऐसा नहीं चलेगा तो प्रोविजन ये कहता है जो गुड्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है कोई पार्ट डिलीवर होके अप्रोप्रिएट हो रहा है अप्रोप्रिएट यानी कि आनंदिता जी उसको यूज कर रही है उसके लिए आनंदिता जी रीजनेबल प्राइस पे करेगी और जो गाड़ी ऑलरेडी मेरे पास है मैंने डिलीवर नहीं किया उसको कोई यूज भी नहीं कर रहा उसके लिए जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा अवॉइड हो जाएगा बराबर है क्या उसके लिए एग्रीमेंट क्या हो जाएगा अवॉइड हो जाएगा बराबर है क्या दोस्तों ठीक है अब दूसरा देखो जो थर्ड पार्टी था मैकेनिक वो प्रिवेंट कैसे हुआ फ्रॉम मेकिंग वैल्यूएशन डिफॉल्ट हुआ या तो सेलर का या तो बायर का तो बोले जिस पार्टी की वजह से डिफॉल्ट हुआ ना तो जो पार्टी फॉल्ट में नहीं है जैसे आनंदिता जी फॉल्ट में मान लो नहीं है तो वो मेरे से फॉल्टी पार्टी से क्या मांगेगी डैमेजेस मांगेगी और यहां पे आके राजा आपका सेक्शन टेन खत्म होता है आओ थोड़ी सी मिसलिनियस चीजें बाकी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कैसे बनता है बड़ा सिंपल जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है वैसे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑफ सेल गुड्स बनेगा अब कोई भी कॉम्बिनेशन कर लो गुड्स की डिलीवरी इमीजिएट करो और प्राइस इमीजिएट करो तो भी चलेगा प्राइस इमीजिएट हो गया गुड्स बाद में होगा तो भी चलेगा दोनों इंस्टॉलमेंट में रहेगा तो भी चलेगा बराबर है क्या ठीक है और बात को समझ रहा सर सेल वर्सेस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर और हायर परचेस सर सबसे पहले तो ये बताओ तीनों का डिफरेंस क्यों पढ़ा रहे को बेलमेंट क्या होता है जिसमें गुड्स को आप पर्टिकुलर पर्पस के लिए देते देते हो हो ओनरशिप नहीं देते हो तो ताकि आप सेल को और बेलमेंट को एक ना मान लो बोल के डिफरेंस दिया है भैया बेलमेंट में ओनरशिप नहीं जाती तो सेल ऑफ गुड्स के स्कोप से बाहर है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में ओनरशिप जाती नहीं है अभी टेलर को आपने स्टिच करने के लिए दिया है वर्क एंड लेबर है ओनरशिप तो जाएगी नहीं आपके पास रहेगी तो इसको आप सेल मत समझ लेना एक आता है राजा हायर परचेज ये हाल में डेवलप कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है हायर परचेज में क्या होता है राजा ये हायर परचेज एक्ट नाइनटीन से गवन होता है जिसमें आप गुड्स भाड़े में देते हो और ऑप्शन देते हो परचेज करने के लिए जैसे कि आज मेरा आईपैड है ये आईपैड में दे देता हूं किसको दीपक चौधरी जी को दे देता हूं और कहता हूं कि भाई देख पचास हजार रुपए का है हर महीने पांच पांच हजार रुपए इसका देते रहना भाड़ा और अगर तूने पांच पांच हजार करके ऐसे दस इंस्टॉलमेंट दे दिया तो ये आईपैड तेरा हो जाएगा बरोबर है क्या ठीक लेकिन अगर तेरे को नहीं रखना होगा तो तू लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के पहले कभी भी इसको क्या कर देना रिटर्न कर देना तो भाई ये हो जाएगा टर्मिनेट तो ऐसा है मैंने दीपक को उसको भाड़े में दिया पांच हजार रुपए महीना लेकिन ऑप्शन दिया कि तू परचेस करेगा अभी हर महीने पांच पांच हजार पे करेगा दसवें महीने में जैसे इसने पांच हजार पे किया ओनरशिप क्या हो जाएगी पास हो जाएगी

टर्मिनेट नहीं कर पाएगा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है लेना ही पड़ेगा हर महीने की इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा जिसको हम ई बोलते हैं अगर ई है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है टर्मिनेट करने का एट हिज विल वो बाउंड टू पे है प्राइस के लिए लेकिन हायर परचेज ऐसा है कि ही कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट हिज विल कभी भी एंड इज नॉट बाउंड टू पे द बैलेंस इंस्टॉलमेंट कभी भी आके रिटर्न कर दे बाउंड नहीं है खरीदने के लिए मजबूर नहीं है इसको बोलते हैं हायर परचेज और ये अपना हायर परचेज अब देखोगे तो हायर जब स्टार्टिंग में बनता है तो इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता जैसे ही लास्ट में ओनरशिप जाती है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है क्योंकि इसमें दो चीज है एक हायर है और एक सेल है तो जब तक हायर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कोई रोल नहीं है जैसे ही परचेज हुआ यानी कि सेल हुआ सेल ऑफ गुड्स एक्ट उस पर लग जाता है तो देखो इसीलिए मैंने यहां पे कट नहीं किया बाकी दोनों जगह मैंने कट किया बराबर है क्या दोस्तों ठीक है जीवन में आगे बढ़ते हैं राजा ये आगे अपना सेक्शन का कवरेज फटाफट फट फट ध्यान से सुन के लेना सेक्शन का कवरेज क्या बोल रहा है फटाफट फट फट आते हैं सेक्शन नंबर क्या कह रहा है आ, एक का आया था कि सर आप कितने राइटिंग प्रैक्टिस में कितने क्वेश्चन कराओगे आप बेटा वैसे गिने तो नहीं लेकिन मैं पिछले वाले बैच में नहीं नहीं करके सत्तर के आसपास क्वेश्चन करा के लिया था शायद ज्यादा भी बट मैंने कभी गिना नहीं है एंड इट्स नॉट द पॉइंट कि कितने क्वेश्चन कराते हैं कैसे कराते हो ये मैटर होता है आपको एक बार फ्लेवर डेवलप हो गया अच्छा ऐसे लिखना होता है तो फिर तो आप सात हजार क्वेश्चन में आएंगे तो भी लिख लेंगे तो अगर मैंने सात क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा अच्छे से तो आप सात हजार क्वेश्चन को अपने आप से लिख सकते हो इट्स नॉट कि कितने इट्स अबाउट कैसे बराबर है क्या मैं यहाँ पे बता दूंगा मैं आपको दस घंटे मैराथन बढ़ाऊंगा बट कैसे पढ़ाऊंगा ये भी तो होना चाहिए ना मैंने देखा है टीचर लोग को एक एक, एक शब्द को रगड़ रहे हैं एक एक ही शब्द को बताए जाने हैं मतलब नहीं बता रहे एक एक, एक शब्द को रगड़े जा रहे हैं इसका मतलब ये होगा रटो रटो लेकिन उसका कोई काम नहीं है वो एक ही शब्द को 20 मिनट खींच दिया है मैं उसी 20 मिनट में उसका पूरा कंसेप्ट को आगे पीछे घुमा के आपको बता देता हूं कि ये इंटरप्रिटेशन है तो मजा आएगा तो आपके जहन में बैठ जाता है बराबर है क्या मिलेगा आपको यूट्यूब में एक से एक फोकट में जो चल रहे हैं ना फोकट में जो चल रहे है, चल रहे है ये देखो इसका मतलब ये 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 मतलब कुछ नहीं समझा रहे घिसे जा रहे उसी को समझ रहे हो क्या इट्स नॉट अबाउट कितना इट्स अबाउट कैसे बरोबर है क्या बात को ध्यान से समझना राजा समझना बात को ध्यान से अच्छा चलो चलो आगे चलते फटाफट -फट, अब सेक्शन का रिवीजन करके लेते हैं ध्यान से समझना ठीक है ठीक है विशाल जी कह रहा है कितने दिन की राइटिंग प्रैक्टिस चलेगी चार दिन चलेगी बेटा एक चलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दूसरा सोगा तीसरा अपना रहेगा आपका पार्टनरशिप फिर रहेगा अपना कंपनीज एक्ट लगा तो एक दिन और खींच देंगे डिपेंड करेगा कि बैच कैसा चल रहा है एक दिन और खींचने में कोई दिक्कत नहीं बट मिनिमम चार दिन तो चलने ही वाला है

कटवाया है तब आपके पास आया है बेस्ट सर जी देखो ये देखो गुप्ता जी बोल रहे तीन चार जगह से आ रहे हैं वो आपको क्या क्या याद रखना है सेक्शन चार याद रखना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स दो सात याद रखना है गुड्स वाला डेफिनेशन फिर आपको याद रखना है सात आठ और नौ दस बाकी आपको चलेगा साथ में कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट हो रहा है क्योंकि गुड्स पेरिश हो जा रहा है बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ठ में एग्रीमेंट वॉइड हो रहा है नौ के अंदर असरटेनमेंट ऑफ प्राइस और दस के अंदर एग्रीमेंट टू सेलेक्ट वैल्यूएशन है तो सात आठ नौ दस याद रखना सेक्शन चार याद रखना और गुड्स की डेफिनेशन याद रखना तो दो साथ में अब हो सकता है इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर डिलीवरी आपने नहीं पढ़ाया डिलीवरी एक्चुअल में यूनिट तीन का टॉपिक है वहां आएगा तो पढ़ाऊंगा तो डिलीवरी अपन वहां पढ़ने वाले बराबर है क्या दोस्तों क्लियर है क्या ठीक है चलिए कोई बात नहीं एक सेकेंड का मैं ब्रेक लेना चाहता हूं जस्ट अ मोमेंट

हायर परचेज और सेल के बीच का डिफरेंस पढ़ के जाना बाकी सबको रीड करके भी जाओगे तो चलेगा चलिए जीवन में आगे बढ़ते सीख लिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बना लिया अब उस कॉन्ट्रैक्ट में किंतु परंतु यानी कि शर्तें कैसे लगाएंगे जैसे शर्त उसमें क्या होती है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि मान लो मैं एक बार चलाता हूं मुझे बार के लिए इमीडिएटली आइस क्यूब्स लगते हैं क्योंकि लगातार लोग पीने आते हैं कोई कोई ऑन द रॉक्स तीन दा, तीन क्यूब क्यूब डलवाता डलवाता है कोई चार डलवाता है चार तो मेरे को ना हर मिनट में कम से कम क्यूब चाहिए किसकी बर्फ की तो अगर मैं किसी के पास जाता हूं और एक रेफ्रिजरेटर लेने जा रहा हूं तो मैं बोलता हूं कि भाई दस मिनट में बर्फ जमेगा तो बता अगर जमेगा तो मैं तेरे से सामान लूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं शर्त लगा रहा हूं तो उन शर्त को यूनिट टू के अंदर दो नाम दिया है कि शर्त कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन शर्त कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वारंटी अगर आप शर्त को कंडीशन के रूप में लगाते हो तो क्या होगा अगर आप शर्त को वारंटी के रूप में लगाते हो तो क्या होगा बराबर है क्या तो इन दोनों शर्त को जिस वर्ड को मैं शर्त बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सॉरी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर इसको स्टिपुलेशन बोला जाता है लॉ की भाषा में शर्त को स्टिपुलेशन बोला जा रहा है और लॉ कहता है स्टिपुलेशन यानी कि शर्त आप दो फॉर्म में लगा सकते हैं कंडीशन के फॉर्म में एक वारंटी में दोनों में क्या फर्क रहेगा हम जल्दी पढ़ेंगे तो अगर कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन को डिफाइन किया सबसेक्शन नंबर टू में वारंटी को डिफाइन किया सबसेक्शन नंबर तीन में और चार में डिफाइन किया कि हम कैसे समझेंगे कि क्या कंडीशन है क्या वारंटी है तो चार कहता है ये हर केस पे डिपेंड करेगा कि कंडीशन है कि वारंटी है बराबर है क्या ठीक है ठीक है ठीक है, है? आनंदिता राजा ऐसे नाम नहीं लेना बेटा ऐसे अच्छा लगता है क्या अपन जैसे एक बच्चा भी ले रहा था ठीक है आराम से कोई दिक्कत नहीं चलो स्टिपुलेशन की बात करते कंडीशन और वारंटी की बात करते हैं ठीक है सुनना स्टिपुलेशन में अगर बात करें तो कहता है सबसेक्शन वन दो प्रकार की शर्त हो सकती है एक कंडीशन एक वारंटी है सबसेक्शन वन में बताया कहता है कि कंडीशन की डेफिनेशन क्या है 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 अपने अपने को कहता है, अपने को कहता कहता डेफिनेशन ऑफ वारंटी कि कब कंडीशन माने कब वारंटी मानेंगे ये अपने को एक हर केस के फैक्ट में पता चलेगा बराबर है क्या ठीक है चलिए आगे जीवन में बढ़ के लेते हैं बराबर है क्या ठीक है सेक्शन नंबर बारह वन के अंदर तो बता दिया कि शर्तें दो प्रकार की होती है अब 12 का वन होता है कि भाई स्टिप्युलेशन है कंडीशन है गारंटी अब इसके एग्जांपल समझ के लेना जैसे कि मैंने ये बोला राजा कि 10 मिनट के अंदर रेफ्रिजरेटर में अगर बर्फ जमेगा तो मैं आपकी रेफ्रिजरेटर लूंगा तो ये मेरी कंडीशन है मेरा प्राइम पर्पस ये है कि भाई साहब 10 मिनट में बर्फ जमना चाहिए तो ये मेरा प्राइम पर्पस है तो अगर मैं जिस पर्पस के लिए गुड्स ले रहा हूं वो पर्पज बोल के गुड्स ले रहा हूं दैट्स कंडीशन यानी कि ऐसी शर्त ऐसी स्टिपुलेशन जो कि इसेंशियल है मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अरे मैं रेफ्रिजरेटर ले इसलिए रहा हूं कि दस मिनट में बर्फ जमना चाहिए अगर इसका ब्रीच होता है ब्रीच मतलब मेरी जो शर्त है वो पूरी नहीं हो रही है बर्फ जमने में आधे घंटे लग रहे हैं तो बायर रेपुडिएट कर सकता है रेपुडिएट यानी कि क्या कर सकता है रिफ्यूज कर सकता है रेफ्रिजरेटर लाया देखा आधा घंटा लग रहा है तीसरे दिन वो खराब हो गई रिजेक्ट करेगा गुड्स को और क्लेम करेगा रिफंड और क्योंकि हमने अपने कस्टमर को बिना बर्फ के दारू पिलाया वो हमको गाली मार के गए उसका डैमेज भी लेंगे तो राजा ऐसा है ऐसा स्टिपुलेशन जो कि है मेरे मेन पर्पस के लिए उसको हम कंडीशन बोलते हैं लेकिन ऐसा स्टिपुलेशन जो कि कोलेट्रल है मेन पर्पस के लिए कोलेट्रल का मतलब क्या अब जैसे कि मैंने उस रेफ्रिजरेटर वाले से बोला मैंने उस रेफ्रिजरेटर वाले से बोला बरोबर है क्या मैंने उस रेफ्रिजरेटर वाले से बोला कि भाई दस मिनट में चाहिए वो बोला हो जाएगा फिर मैंने उसको बोला कि इसकी सर्विसिंग वर्विसिंग की जरूरत लगेगी बोलता है हाँ सर इसका जो पावर सप्लाई होता है वहां पे कभी कभी कार्बन जम जाता है तो कार्बन जमने की वजह से थोड़ा डिले करने लग जाएगा आप हमको फोन कर लेना हमारा व्यक्ति 48 एट आवर्स के अंदर आपके पास आएगा कार्बन क्लीन करेगा वापस लगा देगा प्लग वापस से नॉर्मल हो जाएगा तो अब देखो ये मेरे ये जो सर्विसिंग वाली बात है ये मेरा मेन पर्पस नहीं है ये मेरे मेन पर्पस का कोलेट्रल है कोलेट्रल मतलब संबंधित है संबंधित अब मान लीजिए कि अगर उसमें क्या जम जाता है कार्बन जम जाता है और एट आवर्स की जगह 72 टू आवर्स में उनका बंदा आता है तो ये वारंटी के बीच है क्योंकि उनने बोला था 48 एट आवर्स में आ जाएगा और ये कोई मेन कंडीशन नहीं है ये वारंटी है वारंटी का मतलब ये संबंधित है कि भाई 48 एट आवर्स में आ जाएगा वो टू आवर्स में आया आपको पूरा का पूरा एक दिन के लिए थोड़ा डीले मिला बर्फ के लिए आप इसका डैमेज मांग सकते हो इसका क्या मांग सकते हो डैमेज बट इसके लिए आप गुड्स रिजेक्ट नहीं करोगे तो देखो बोलता है ऐसा स्टिकुलेशन जो कोलेट्रल है मेन पर्पज से संबंधित है मेन पर्पज नहीं है इसका ब्रीच होगा तो बायर क्या क्लेम कर सकता है सिर्फ और सिर्फ डैमेज गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता ना तो रेपुडिएट कर सकता है तो सर हमको समझ में आ गया शर्त दो प्रकार की है जो मेन पर्पस है जिसके लिए आप गुड्स ले रहे हो उस शर्त को बोलते हैं कंडीशन वो ब्रीच हुई कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट uh, कर सकते हो गुड्स रिजेक्ट कर सकते हो प्राइस रिफंड हो सकता है और डैमेज भी मांग सकते हो अगर उस मेन पर्पस से संबंधित कोई पर्पस है और उसका ब्रीच होता है तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं होगा गुड्स रिजेक्ट नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ आप क्या मांग सकते हो डैमेज मांग सकते हो बरो बरोबर है क्या ठीक है दोस्तों जीवन में आगे बढ़ू जीवन में आगे बढ़ू दोस्तों ठीक है ठीक है अब देखो यारो सेक्शन नंबर तेरा आता है अब तेरा क्या बोलता है समझना तेरा बोलता है कि आप कब कंडीशन को क्या मानोगे वारंटी मानोगे बात को ध्यान से समझना आप कंडीशन को कब क्या मानोगे वारंटी कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था उसको मैं रिपीट करूंगा ध्यान से सुनना ऐसा राजा लिखता है कि बायर चाहे तो वेव कर सकता है अपनी कंडीशन को ट्रीट कर सकता है ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज ब्रीच ऑफ वारंटी अब इसमें मैं दोनों चीज आपको बोल के ले रहा हूं ध्यान से समझना भाई आपने कल मेरे पास आए पेट शॉप में और बोला पेट शॉप में बोला कि सर मेरे को क्या चाहिए लेब्राडोर चाहिए बराबर है क्या मेरे को क्या चाहिए लेबराडोर चाहिए ठीक है लेबराडोर ओरिजिनल चाहिए किसने बोला मान लो मैं कहता हूं फलक करके है ना उसने बोला कि लेबराडोर चाहिए अब मैंने तो मिक्स ब्रीड का दे दिया मैंने जर्मन शेफर्ड पापा बनाया लेबोराडोर फीमेल बनाया दोनों की मीटिंग कराया और बाहर आ गया हाइब्रिड अब आपकी कंडीशन थी कि मेरे को चाहिए लेबराडोर ओरिजिनल ब्लड लाइन चाहिए ओरिजिनल तो चाहिए महीने बाद आपको पता चला उसका मुंह जर्मन शेफ जैसा है और उसका जो कद काठी है वो लेबराडोर जैसा है तो आपकी तो कंडीशन का ब्रीच हो गया लेकिन क्योंकि लेकिन क्योंकि 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 आपका मन जुड़ गया उस डॉग से वो आपको बहुत पालने लग गया है ये सब करने लग गया बराबर है क्या तो आप चाह रहे हो कि मैं अपनी कंडीशन को क्लेम नहीं करना चाहती अब आप बोल रहे हो मैं वेव करती हूं मैं अपने मेन पर्पस को हटाती हूं मैं ट्रीट कर रही हूं इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी आप जाओगे और बोलोगे मेरे को डैमेज दे तूने मेरे को ओरिजिनल माल नहीं दिया ना तो ओरिजिनल का पैसा लिया लेकिन ओरिजिनल का माल नहीं दिया तो मेरे को डैमेज दे आप उस गुड्स को रिजेक्ट नहीं करोगे क्योंकि आप ये खुद ही चूज कर रहे हो कि यार कुत्ते से मेरा लगा हो गया रोज सुबह मैं उठता हूं तो मेरे को चाटते रहता है मेरे को प्यार करते रहता है कौ कौ कहूं कौ करता है मेरे को देख के इतना बढ़िया हो गया अब इस ये भी रह नहीं पाएगा मैं भी नहीं रह पाऊंगा इससे अच्छा अपन क्या करते हैं अपना मेन पर्पस को त्याग देते हैं कंडीशन को त्याग देते हैं इसको वारंटी मानते हैं और मेरे को डैमेज दे देते बरोबर है क्या ठीक है अब देखो ऐसा है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है लेकिन वो सेवरेबल नहीं है नॉन सेवरेबल है नॉन सेवरेबल का मतलब आप अलग नहीं कर सकते उसको जैसे इसके दो एग्जाम्पल दूंगा अब भैया लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड का अगर वो मिक्स होकर आया था तो तुम उसको कैसे अलग करोगे कि चलो जर्मन को अलग कर देते, अब तीन महीने बाद पता चला तो ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन का वारंटी मानोगे इसका मैं दूसरा भी करता हूं ठीक है इसका मैं दूसरा भी करके लेता हूं इसका मैं दूसरा भी करके लेता हूं एक मिनट योगेश इधर आना तो फटाफट आना एक मिनट इसका मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ वो बार बार बच्चे पूछ रहे राइटिंग प्रैक्टिस कब होगा कैसा है? उनको बोलो ना एडमिन कहा के लिए बैठे रिप्लाई करने ना बैठे हैं बच्चा इंक्वायरी कर रहा है नोट्स किधर से मिलेगा राइटिंग प्रैक्टिस कब होगा बोलो उनको रिप्लाई करेंगे क्या कर रहे बैठ के ठीक है चलो बात को ध्यान से समझना तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है नॉन सेवरेबल है नॉन सेवरेबल यानी कि जैसे मान लो कॉन्क्रीट होता है कॉन्क्रीट में रेत भी मिक्स होती है गिट्टी भी मिक्स होती है सीमेंट भी मिक्स होता है तो आपने जैसे बोला था अंबुजा सीमेंट चाहिए रेत एकदम प्योर वाली चाहिए और गिट्टी एकदम मीडियम वाले साइज की चाहिए ज्यादा बड़ी नहीं ज्यादा छोटी नहीं गिट्टी आपके हिसाब आई गिट्टी आपके हिसाब से आई बरबर है क्या गिट्टी आपके हिसाब से आई रेत आपके हिसाब से आई अंबुजा सीमेंट की जगह बिरला सीमेंट आ गया आपका कंडीशन का ब्रीच हो गया अब भैया वो तो कॉन्क्रीट मिक्स हो गया आ गया आपने उसको लगा भी लिया अपने घर बनाने में बाद में आपको जो ठेकेदार है वो बता रहा है कि अरे तो ये बिरला वाला है मिक्स हो क्या है आपने एक्सेप्ट भी कर लिया अब नॉन सेवरेबल है ना तो आपको इस कंडीशन की ब्रीच की कंडीशन की वारंटी माननी पड़ेगी आप सामने वाले से सीमेंट का डैमेज ले सकते हो लेकिन अब गुड्स कैसे रिजेक्ट करोगे तो लग गया आपने एक्सेप्ट कर लिया यूज कर लिया नॉन सेवरेबल हो तो मिक्स हो गया ठीक है सर अब बोल रहे हैं नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अफेक्ट द ब्रीच ऑफ कंडीशन और वॉरंटी एक्सक्यूज बाय इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज बात को बिल्कुल ध्यान से समझना अब यहां पे क्या बोल रहा है एक्सक्यूज बाय इम्पॉसिबिलिटी एक्सक्यूज्ड मान लीजिए कि भाई टाइम की यहां पे कंडीशन थी किसकी कंडीशन थी यहां पे टाइम की या एक और आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं आपको पता होगा एक समय में दिवाली के वक्त ना एक एक बम आता था उस बम का नाम क्या होता था पता है टॉप टाइगर तो उसके ना नंबर्स होते थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और दस नंबर तक आता था इतना बड़ा वो दस नंबर जो है वो जो दस नंबर का था ना वो एकदम ऐसे विस्फोटक टाइप का फूटता था सरकार ने छे नंबर के ऊपर बैन लगा दिया छे नंबर के ऊपर क्या लगा दिया बैन लगा दिया बरबर है क्या छे नंबर के ऊपर जाएगा नहीं पहले दस नंबर तक मिलता था मैक्सिमम अब मान लीजिए ओम कन्नानी जी है वो वो एक फटाके मैन्युफैक्चरर से बोले थे नंबर का टॉप टाइगर चाहिए उसके ऊपर बैन बैन लगा लगा दिया दिया अब जब यानी कि क्या हो गया एक्सक्यूज हो गया क्यों एक्सक्यूज हुआ क्योंकि लॉ के द्वारा बैन लग गया और तेरी शर्त ये थी कि तेरे को दस नंबर वाला बम चाहिए तो लॉ ने बैन लगा लिया अब एक्सक्यूज मिला किससे बैन की वजह से ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं हुआ ये इन हो गया तो अब हम तुमको दस नंबर का बम नहीं दे पाएंगे तो ऐसा कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में कोई भी कंडीशन हो कोई भी वारंटी हो जिसको सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से सुपरवेनिंग वेनिंग इनलीगिल सब्सिक्वेंट इन की वजह से एक्सक्यूज मिल गया तो ना तो फिर उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन मानेंगे ना वारंटी मानेंगे क्योंकि उसमें सेलर की क्या गलती अगर वो इम्पॉसिबल या इन हो गया है उसमें सेलर की क्या गलती तो ना तो इसको कंडीशन की ब्रीच मानेंगे ना तो वारंटी की ब्रीच मानेंगे बराबर है क्या ठीक है ठीक है ठीक है कह रहा है सर नाउ इन फाइनल लास्ट दो अटेम्प्ट से लॉ में फेल हो रहा था नाउ इन फाइनल जस्ट केम हियर टू थैंक यू क्यों भाई मेरे को क्यों थैंक यू कर रहा है फाइनल में आने के लिए एक आ रहे हैं सर पहले चका चौद देख के कहीं और से लिया था लेक्चर बट बाद में समझ नहीं आ रहा था कि दो दिन पहले आपका लेक्चर लिया हूं तो समझ आ गया सर मार्केट में सिर्फ एक ही लॉकिंग है बेटा ये तू कौन से सीए के, के लिए बोल रहा एकदम एकदम कुछ भी रिप्लाई कर रहा है सर मैं को दो दिन पहले एकदम वो एशियन का आते ना सर पहले मैं बहुत बीमार हुआ करता था फिर बाद मैंने मैं आपकी दवाई लिया दवाई लेने के बाद सर मेरे सारे गुप्त रोग मुक्त हो गए अब कौन सा गुप्त रोग हुआ ये तो बता बरोबर है क्या ना ठीक है जीवन में आगे बढ़ते हैं ठीक है नथिंग इन दिस सेक्शन लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट ब्रीच ऑफ कंडीशन और वारंटी एक्सक्यूज बाय इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज बरोबर है क्या दोस्तों बरोबर है क्या तो भैया ऐसे में ना तो ब्रीच ऑफ कंडीशन मानेंगे ना वॉरंटी मानेंगे अब राजा ध्यान से समझना अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई सेक्शन 12 के सब सेक्शन वन में बताया कि स्टिपुलेशन दो तरीके से हो सकता है एक कंडीशन एक वारंटी दूसरा सब सेक्शन में कंडीशन की डेफिनेशन और उसका ब्रीच बताया सब सेक्शन तीन में वारंटी का ब्रीच और उसका इफेक्ट uh, बताया और सब सेक्शन चार में बताया कि हर फैक्ट में डिपेंड करेगा कि ब्रीच ऑफ कंडीशन है कि क्या है वारंटी है ठीक है समझ में आया अब राजा तीन थर्टीन uh, में अपने को क्या पता चला कि कब कंडीशन को वारंटी मानना है जब जो बायर है यानी कि जो बायर है खुद ही वेव कर रहा है या तो इलेक्ट कर रहा है टू तो ट्रीट द कंडीशन एज वारंटी दूसरा नॉन सेवरेबल है और वो एक्सेप्ट कर लिया था तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी अगर सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आई या इन आई तो ना तो ब्रीच ऑफ कंडीशन मानेंगे ना तो ब्रीच ऑफ वारंटी मानेंगे बरोबर है क्या ठीक है ठीक है जीवन में आगे बढ़ते राजा अब बात आ रही है इंप्लाइड कंडीशन की एक वर्ड बस सामने जुड़ जाएगा इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी इस बात को ध्यान से समझना राजा ये क्या बोल रहा है इंप्लाइड का मतलब क्या है Implied का मतलब क्या है समझना बिना मांगे जो मिला है एक होता है दस मिनट में बर्फ जमेगा तो ही देना ये मैंने मांग के कंडीशन ली है तो ऐसी कंडीशन और ऐसी वारंटी ऐसी कंडीशन और ऐसी वारंटी अरे भैया इनको ओ कोड बताओ ना हेलो योगेश मैं बार बार बोल रहा हूं कुछ 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 कुछ, -कुछ इंक्वायरी आ रही हाँ दिया अभी रिप्लाई ठीक है इंप्लाइड कंडीशन और क्या वारंटी तो बिना मांगे जो चीज मिल रही है उसको क्या बोला जाता है इंप्लाइड मांग के जो मिल रही है उसको क्या बोला जा रहा है एक्सप्रेस बरोबर है क्या प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट अब समझना सेक्शन चौदह से लेके सेक्शन नंबर सत्रह इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटी की बात कर रहा है आई रिपीट जो बिना मांगे आपको कंडीशन मिल रही है बिना मांगे आपको वारंटी मिल रही है तो कौन दे रहा है डेफिनेटली वो लॉ दे रहा है आप एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कंडीशन और वारंटी की शर्त नहीं मांगे हो ये कुछ ऐसी शर्त है जो लॉ मेकर बाय डिफॉल्ट आपको दे रहा है दैट इज नोन एज एम्प्लाइड लॉ 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 दे रहा है आपको इसी के ऊपर आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट है मेरे दोनों अटेम्प्ट में लॉ की वजह से ही फेल हुई थी मेरे फ्रेंड ने आपके बारे में बताया और मैं आपको ही फॉलो कर रही हूँ थैंक यू सो मच सर इस बार बहुत कॉन्फिडेंट है शुक्रिया 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 मानसी जी शुक्रिया चलिए जीवन में आगे बढ़ते राजा सर आप मजाक करते हो बैकअप तो रहेगा क्या पता भैया मैं मजाक कर रहा हूं तो एक बार टेस्ट कर लेना बेटा बैकअप रहेगा कि नहीं रहेगा ठीक है सुनना And warranty, इसके ही में भर भर के है राजा सेक्शन नंबर चौदह से लेके सत्रह के अंदर, अंदर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ ठीक है बात को ध्यान से समझना सेक्शन नंबर चौदह में जा रहा हूँ राजा सेक्शन चौदह में ना तीन सब क्लॉज है तीन क्लॉज है सब क्लॉज नहीं तीन क्लॉज है ए बी और सी A के अंदर इंप्लाइड कंडीशन है और बी और सी के अंदर इंप्लाइड वारंटी है तो जितनी भी इंप्लाइड वारंटी है ना वो अपन क्या करेंगे लास्ट में करेंगे पहले अपन इंप्लाइड कंडीशन करेंगे 14 के अंदर जो कंडीशन है 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 बड़ी ध्यान से समझना कहता है जब सेल हो रहा ना तो लॉ कहता है कि सेल जब हो रहा है ना तो बायर तो ये मान के चलना की सेलर के पास राइट है बेचने का जब एग्रीमेंट टू तो सेल हो रहा है तो तू मान के चलना कि उसके पास बेचने का अधिकार आ जाएगा इससे होगा क्या कि मान लो सेलर अगर कोई गुड चोरी करके आएगा लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि तू मान लेना ही है चोरी करके आया और कोई जो ओनर है वो आपको बोला कि भैया ये चोरी का माल है मेरा माल है वापस करो तो आपने वापस तो दे दिया लेकिन इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन मानी जाएगी कि हम तो तुझे मान रहे थे कि तू ट्रू ओनर है तेरी वजह से हमको डैमेज हुआ तो इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट होगा गुड्स तो रिजेक्ट हो ही गया प्राइस रिफंड हो जाएगा बरोबर है क्या दोस्तों जीवन में आगे बढ़े फटाफट फटाफट जीवन में आगे बढ़े ठीक है आते हैं सेक्शन नंबर किस में आते हैं राजा पंद्रह के अंदर आते हैं चौदह का हमने ए पढ़ा कि जब बेच रहे हो तो बेचने वाले के पास अधिकार है जब एग्रीमेंट टू सेल है तो बेचने वाले के पास अधिकार आ जाएगा हम ये पढ़ रहे हैं ठीक है अब बात कर रहे बेटा सेक्शन नंबर पंद्रह की सेक्शन नंबर पंद्रह बात कर रहा है सेल बाय डिस्क्रिप्शन की बरोबर है सेक्शन पंद्रह बात कर रहा है किसकी सेल बाय डिस्क्रिप्शन की अब बेटा इसके अंदर दो चीज आती है एक सेल बाय डिस्क्रिप्शन भी आता है और एक सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन भी आता है बात को समझना सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब समझते हैं बराबर है क्या ठीक है 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 सेल बाय डिस्क्रिप्शन का समझना अभिषेक जी राम राग, राम 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 सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब समझना इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है जैसे कि यारों मैं अगर आपको बोलता हूं कि आप किसी आ, 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 किसी 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 इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हो बरोबर है क्या और इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले के पास जाके बोलते हो कि भैया मेरे को ना आप क्या दे दो फैन दे दो एग्जॉस्ट फैन दे दो तो एग्जॉस्ट फैन का मतलब ये है जो कि भाई आपकी गंद की हवा बाहर फेंकते जाएगा यानी कि आपका जो आ, फ्लो है हवा का एयर का वो रोटेट होते रहेगा एग्जॉस्ट फैन मांगा सामने वाले ने आपको दे दिया किचन फैन बरोबर है या स्टैंडिंग फैन दे दिया स्टैंडिंग फैन का मतलब जो टेबल पे लगाते हो ना इधर उधर वो वो करके घूमता रहता है तो आपने मांगा एग्जॉस्ट सामने वाले ने दे दिया जो स्टैंडिंग फैन होता है वो वाला तो आपने क्या डिस्क्राइब किया था एग्जॉस्ट फैन मिला क्या आपको स्टैंडिंग फैन मिला तो कहता है कि अगर डिस्क्रिप्शन से सेल हो रहा है डिस्क्रिप्शन से सेल होने का मतलब आपने डिस्क्राइब किया कुछ लेकिन गुड्स आपके डिस्क्रिप्शन को करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मैच नहीं कर रहा है तो माना जाएगा कि आपकी ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ कंडीशन कौन सी है सेल बाय डिस्क्रिप्शन वाली है इसका एक एग्जांपल और आता है राजा कि अगर मान लीजिए मैं अपना आईफोन 15 बेचना चाहता हूं मैंने अभी अभी खरीदा था हफ्ते भर पहले और मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है और तो मैंने फोन किया ओम कन्नानी जी को मैंने कहा ओम जी आप मेरा आईफोन क्या एक हफ्ते पहले लिया था मेरे को चलाने में मजा नहीं आ रहा है भाई मतलब पन्नी तक नहीं निकाली भाई मैंने एकदम फ्रेश एकदम फ्रेश एकदम शोरूम कंडीशन में शोरूम ऐसे करके डिस्क्राइब किया ओम कन्नानी जी यहाँ पे आया और मेरे से मोबाइल बोला कि देख दे दो मैं लेने आया हूं मोबाइल जैसे ही मैंने मोबाइल दिखाया तो मोबाइल के कॉर्नर में ना छोटा सा डेंट था ओम कहता है मैं अरे यार मेरा ना मोबाइल हाथ से छूट गया था तो ऐसे जब गिरा ना तो हल्का सा से ऐसे बिंदु जैसा उसमें डेंट है तो ओम क्या बोलेगा कि सर आपने मेरे को फोन में ये बोला था एकदम शोरूम कंडीशन में शोरूम कंडीशन का मतलब क्या होगा कि सर अगर मैं स्टोर से जाके लू और आपसे जाके लू दोनों जगह मेरे को एक ही मोबाइल मिलेगा तो क्या मैं स्टोर से जब जाके लूंगा तो मेरे को डेंट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो आपने जो बोला शोरूम कंडीशन है आपका जो गुड्स है आपके आपके डिस्क्रिप्शन से करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन बोल के कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करके गुड्स रिजेक्ट करके प्राइस तो वैसे दिया नहीं है तो रिफंड की बात नहीं आती दे दिया होता तो रिफंड हो जाता ठीक है तो देखो इंप्लाइड कंडीशन है दैट द विद द डिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल क्या है कि भैया हरा मटर बेचने की बात कर रहे हो तो बीन्स नहीं बेच सकते जो बोल रहे हो वो बेचना पड़ेगा अब एक आता है राजा सेल डिस्क्रिप्शन बात को ध्यान से समझना ठीक है इसको ध्यान से समझना अब मान लो आप किसी स्वीट शॉप में जाते हो और स्वीट शॉप में जाने के बाद कहते हो कि भैया आपकी सारी स्वीट स्वीट है तो बताइए हम काजू कतली लेना चाहते हैं बराबर है या तो ऐसा होता कि आप बोलते हो कि सर हमको मीठा लेना है तो सामने वाला बोलता है आपने ऐसा बोला ने कि हम स्वीट खरीदना चाहते हैं अगर आपकी स्वीट फ्रेश है तो सामने से रिप्लाई आता है कि हमारे यहां सारी स्वीट फ्रेश रहती है तो हमने बोला कि काजू कतली टेस्ट करा दो अब काजू कतली उसने टेस्ट कराया इसको बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं सैंपल ले रहे हैं बरोबर है क्या कि कैसी है स्वादिष्ट है क्या आ, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बासी तो नहीं है बराबर है क्या तो ऐसे करके हमने सैंपल भी लिया और पूछ भी लिया अब बात ये आती राजा हमने सैंपल लेके बोला कि दो किलो इसको पैक कर दो सामने वाला दो किलो पैक करके देता है लेकिन जब हम दो किलो पैक करके लेके जाते हैं और मेहमानों के सामने सर्व करते हैं वो खाते तो कहते अरे 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 तो बहुत गंदी टेस्ट कर रही है यानी कि आपको जो सैंपल दिया गया था बल्क उससे करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो अच्छा ये तो समझ में आ गया चलो सैंपल हो गया ये कि अगर आप सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से बेच रहे हो तो सैंपल को भी करस्पोंड होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन को भी करस्पॉन्ड होना चाहिए है क्या लेकिन यहां पे ऐसा हुआ कि जो सैंपल आपको खिलाया गया वो करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बल्क के साथ बरोबर है क्या इस परिस्थिति में तो ब्रीच ऑफ कंडीशन तो ही है दैट इज सेल बाय सैंपल मैं कहता हूं कि अगर हमने सैंपल को टेस्ट नहीं किया होता और ऐसे ही लेके आ जाते तो क्या हमारी ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाता हाँ माना जाता क्यों क्योंकि हमने पूछा था सारी फ्रेश है तो उनने बोला था हाँ 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 सारी फ्रेश है तो वहां पे भले हमने सैंपल नहीं किया होता लेकिन डिस्क्रिप्शन तो हमने मांगा था कि फ्रेश है कि नहीं तो उसने बोला था हाँ फ्रेश है तो फिर भी ब्रीच ऑफ कंडीशन मानी जाती यानी कि जब आप सेल कर रहे हो सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन से तो आपका गुड्स करस्पॉन्ड करना चाहिए दोनों को सैंपल को भी करना चाहिए और डिस्क्रिप्शन को भी करना चाहिए यह है सेक्शन नंबर पंद्रह जिसमें सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन दोनों आता है बरोबर है क्या फिर राजा अपन आते हैं सेक्शन नंबर सोलह के अंदर सेक्शन नंबर सोलह अपने को क्या बोल रहा है

उससे आपका पर्पस फुलफिल होगा इसकी कोई गारंटी और कोई वारंटी नहीं है भैया सीधी सी बात है लेकिन लेकिन अगर आप अपना पर्पस पहले ही बता देते हो तो फिर आपको कंडीशन मिल सकता है ध्यान से इस बात को समझना मैं गया मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं ब्लू कलर का मेरा यूनिफॉर्म है मेरे स्कूल के यूनिफॉर्म है ब्लू कलर का मैं कपड़े की दुकान में जाता हूं और कहता हूं ब्लू कलर का यूनिफॉर्म दे दो सामने वाला कितना चाहिए पूछ के मेरे को दे देता है मैंने उसको ये नहीं बताया कि मुझे यूनिफॉर्म किस परपज के लिए चाहिए बस मैंने बोला कि ब्लू कलर का मेरे को कपड़ा चाहिए उसने दे दिया अब जब टेलर से से मैंने इस ब्लू कलर के कपड़े यूनिफॉर्म बनवाने गया तो टेलर बोलता है कि ये जो कपड़ा यूनिफॉर्म के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है इससे अगर मैं यूनिफॉर्म बना दू और आपके स्टूडेंट अगर ऐसे जोर से अगर बैठ गए तो बीच से चर्र करके पूरा फट जाएगा हिसाब किताब ये यूनिफॉर्म के लिए फिट ही नहीं है बरोबर है क्या तो अब मैं बींग अ यूनिफॉर्म बींग प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मैं क्या उसके ऊपर कोई फ्रॉड का केस कर सकता हूं नहीं तो भैया आप जिस पर्पस के लिए उसमें फिट बैठेगा इसकी कोई कंडीशन नहीं है लेकिन हाँ आपको पर्पस बताना है अगर मान लो आप बोल देते कि मेरे को यूनिफॉर्म बनाने के के लिए लिए चाहिए और उसके बाद अगर वो उस पर्पस के लिए फिट नहीं होता तो आप बोल सकते थे कि भाई मेरी ब्रीच ऑफ क्या है कंडीशन है बराबर है क्या अब बात को ध्यान से समझना तो कहता है वैसे तो आपको कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं मिलेगी कि जिस पर्पस के लिए आप गुड्स ले रहे हो उस पर्पस के लिए फिट बैठेगा लेकिन अगर आप तीन शर्त को पूरी कर देते हो तो इस तीन शर्त के इस तीन शर्त में आपका तीन शर्त में आपको इंप्लाइड कंडीशन मिलेगी पहला आपको 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 पर्पस बताना पड़ेगा क्या बताना पड़ेगा पर्पस कि आप क्यों गुड्स खरीद रहे हो दूसरा बायर को सेलर की स्किल और जजमेंट में भरोसा करना पड़ेगा यानी कि अगर आप यूनिफॉर्म लेने गए हो यूनिफॉर्म का कपड़ा तो भरोसा करो ना भरोसा करो सेलर जो कपड़ा दे रहा है वो अच्छा दे रहा होगा क्योंकि वो वो जानकार है वो है भाई उसका इतने समय से काम चल रहा है तो भरोसा करो तो सेलर बायर जो है सेलर की स्किल और जजमेंट में भरोसा करेगा तीसरा जो गुड्स आप लेने जा रहे हो वही सेलर बेचता है तो जो गुड्स आप जिस डिस्क्रिप्शन का गुड्स ले रहे हो वो इज इन द कोर्स ऑफ द सेलर बिजनेस सेलर उसी का धंधा करता है सेलर का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही वही है बरोबर है क्या अब बात को समझना ठीक है अब बात को क्या करना समझना अगर पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो माना जाएगा कि आपकी क्वालिटी और लिखा है, के लिए, को समझाने के पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये स्पेशल नोट समझाने के पहले मैं आपको तीन कंडीशन समझा देता हूँ पहली कंडीशन जैसे कि मान लीजिए क्या कर लीजिए मान लीजिए कि आप किसी इसमें दुकान में जाते हैं मेडिकल शॉप में इसमें से मान लो मैं किसी को भी ले लेता हूँ जैसे ललित जी बरोबर है क्या ललित जी दुकान में जाते हैं बरोबर है क्या दुकान में जाते हैं ललित जी और मेडिकल शॉप वाले को बोलते हैं कि मेरे को ना बहुत कमजोरी लग रही है मेरे को क्या लग रही है बहुत कमजोरी लग रही है मेरे को बहुत ज्यादा तो मेरे को कोई एनर्जी वाली चीज दे दो बरोबर है क्या तो मेडिकल शॉप वाला बोलता है कमजोरी क्यों लग रही है आपने मतलब रात को क्या खाया था या रात को मतलब क्या क्या किया था आपने बरोबर है क्या कमजोरी लग रही तो प्रॉब्लम क्या है तो ललित जी बोला बस कमजोरी लग रही है समझदार को इशारा काफी मेरे को कोई ऐसे तो दवाई दे दो तो उनसे बोला कि भैया ये ग्लूकॉन है ये ग्लूकॉन पी लीजिए आप तो इससे आपको एनर्जी आ जाएगी तो कहता है ग्लूकॉन डी वूकॉन से थोड़ी आएगी आप मेरे को वो दे दो बोनवीटा दे दो तन की शक्ति मन की शक्ति बोनवीटा बरोबर है क्या तो पर्पस तो बता रहा है पर्पस तो बता रहा है बेटा पर्पस तो बता रहा है लेकिन तू क्या कर रहा है सेलर की स्किल और जजमेंट में भरोसा नहीं कर रहा है वो बोल रहा है कि भाई ग्लूकॉन डी ले जा आप बोल रहे हो नहीं मेरे को तन की शक्ति मन की शक्ति बोन बीटा चाहिए अच्छा मैं वैसे इसको एकदम फन वे में एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मेरे को नहीं पता ग्लूकॉन डी से एनर्जी आती कि नहीं मेरे को नहीं पता बोन बीटा से एनर्जी आती कि नहीं मैं तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ललित जी, जी जो है वो मेडिकल वाले की बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं मेडिकल वाला रिकमेंड कर रहा है क्या कि भाई आप क्या ले लो ये ले लो आपका ग्लूकॉन ले लो आपको एनर्जी आ जाएगी ये कहता नहीं मेरे को तन की शक्ति, मन की शक्ति शक्ति मन बोनविटा चाहिए करके यानी कि कि इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं ललित जी जो है ललित जी जो बायर की सेलर के सेलर की स्किल पे भरोसा नहीं कर रहे तो बस फिर अगर तेरे को बोनविटा पीने के बाद तन की में शक्ति मन की में शक्ति नहीं आती तो तू ये नहीं बोल सकता तेरी कंडीशन का ब्रीच हो रहा है तो मैं वापस से रिपीट करता हूं पहले आप पर्पस बताओगे अब पर्पस में दूसरा ले लेता हूं कि 10 मिनट में अपने को बर्फ जमाना है जो मैं एग्जांपल दे रहा था ना 10 मिनट के अंदर अपने को बर्फ जमाना है पर्पज जम बता दिए सेलर ने बोला सर मैं आपके लिए कस्टमाइज करके बना देता हूं भरोसा रखो मेरे ऊपर अब बायर ने सेलर के ऊपर भरोसा भी रखा सेलर का, का काम ही है वो फ्रिज बनाने का ही काम करता रेफ्रिजरेटर का अब जब आपने तीनों कंडीशन पूरी की अब जाके अगर 10 मिनट की जगह 20 मिनट या 25 मिनट लग रहा है रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने के लिए तब आप बोलोगे कि मेरी इंप्लाइड कंडीशन की क्या है ब्रीच है अब देखो राजा ऐसा है कि अगर मान लो किसी गुड्स का एक ही पर्पस है तो आपको पर्टिकुलर पर्पस बताने की जरूरत नहीं है अब देखो 10 मिनट में बर्फ जमाना ये कंडीशन है मान लो आपकी आपकी ऐसी ऐसी शर्त नहीं है, नहीं है है कंडीशन आप चाहते हो आप चाहते हो कि नॉर्मल घर के लिए फ्रिज लेने जा रहे हो तो नॉर्मल घर के लिए फ्रिज लेने जा रहे हो तो ऐसे पूछते हो क्या भैया ये फ्रिज में पानी से बर्फ जमता है ना नहीं वो इंप्लाइड है भाई वो तो पता ही है कि वो फ्रिज अपन का खरीद रहे बर्फ तो जमेगा ही उसमें तो जब आपका किसी गुड्स का एक ही पर्टिकुलर पर्पस है तो आपको पर्पस अलग से बताने की जरूरत नहीं है No इसने क्या बोला मेरे को तन की 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 शक्ति शक्ति मन बोन चाहिए तो तो आप आप और और के ऊपर भरोसा भरोसा कर कर रहे रहे हो ना आप सेलर की में नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई भी कंडीशन मिलने वाली नहीं है बराबर अब मैं जाता हूँ राजा सेक्शन नंबर सिक्सटीन सबसेक्शन नंबर टू के अंदर इसको ध्यान से समझना सिक्सटीन सबसेक्शन टू क्या बोल रहा है बराबर एक तो मीनिंग क्या होता है मर्केंटेबल क्वालिटी का ये समझना इसका मतलब ये होता है राजा कि जो अपन जो अपन क्या कर रहे हैं गुड्स बेच रहे हैं वो मर्केंटेबल होना चाहिए जैसे कि एग्जाम्पल भाई ब्रेड है ब्रेड की तीन दिन की एक्सपायरी डेट होती है थ्री डेज के अंदर वो क्या हो जाता है? हो जाता जाता है है एक्सपायर तो मान लीजिए अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है बीस नवंबर की और आज अपन उसको उन्तीस नवंबर के दिन ले रहे हैं तो, तो दिख रहा है कि भाई एक्सपायरी है यानी कि वो गुड्स अनमर्चेंटेबल है अपने को दिख गया अब दिख गया तो हमने मना कर दिया लेकिन सर क्या पता अगर गुड्स अनमर्चेंटेबल और हमको दिख नहीं रहा है लेटेंट है सर हमको हमको दिखता होता तो हम नहीं लेते हमको वो तो डिफेक्ट दिख ही नहीं रहा अनमर्चेंटेबल है तो सबसे पहले मर्चेंटेबल का मतलब ये है कि गुड्स गुड्स उस उस हालत में हो जिसमें एक आम आदमी को खरीद ले उसको बोलते हैं मर्चेंटेबल लेकिन भाई अगर हमको वो डिफेक्ट नहीं दिख रहा है अगर गुड्स में जो डिफेक्ट है वो लेटेंट है तो हम कैसे खरीदेंगे तो वहीं पे आता है गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी बात को ध्यान से समझना लिखता है अगर गुड्स को आपने कैसे लिया है डिस्क्रिप्शन से लिया है गुड्स को आपने कैसे लिया है डिस्क्रिप्शन से लिया है बोल के लिया है कि भाई मेरे को फलानी चीज चाहिए जैसे फॉर सपोज आपने मांगा कुकिंग कुकिंग कोल कोल दे दो मेरे को कोल. तो डिस्क्रिप्शन क्या हो गया कुकिंग कोल चाहिए सेलर कुकिंग कोल में डील करता है लेकिन उस गुड्स के अंदर कोई तो भी लेटेंट और हिडन डिफेक्ट है एग्जाम्पल के लिए आपने कुकिंग कोल लाया आपने कोल को जलाया साला वो फूट गया वो जलना चाहिए ना फुटना नहीं चाहिए अब ये फूट जाएगा वो एक्सप्लोजिव है उसके अंदर वो एक्सप्लोड हो जाएगा ये तो लेटेंट था डिफेक्ट था मेरे को रीजनेबल एग्जामिनेशन में कैसे पता चलेगा मैं कोई जला के थोड़ी देखूंगा वहां पे वो फूट गया तो इस परिस्थिति में माना जाएगा कि वो जो कुकिंग कोल है वो कुकिंग कोल मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं था तो माना जाएगा कि बायर का ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी हुआ है वो कोल को रिजेक्ट करेगा डैमेज जो है वो मांगेगा और कॉन्ट्रैक्ट को रेपोडिएट करेगा ठीक है इसी को बोलते हैं इंप्लाइड कंडीशन एस टू मर्चेंटेबिलिटी इसमें एक एग्जाम्पल और है एक व्यक्ति ने कैटापुल्ट लिया गुलेल लिया वो गुलेल जिस मटेरियल से बना था वो तो अनफिट था उसकी आंख ही चली गई बरोबर है

ग्लू आपके सामने रख दिया सेलर ने दो पेपर भी आपके सामने लाके दिखा दिए चिपकाने के लिए लगाने के लिए वो भी करके दिया आपको कि भाई ये इससे आप चिपका के देख सकते हो बायर बोला रे कोई नहीं गोंद ही तो है ग्लू ही तो है काम कर जाएगा और लेके चले गया बाद में वो देख रहा है कि वो ग्लू से कुछ चिपक ही नहीं रहे बायर को लगा इससे अच्छा तो मेरा थूक था ऐसे लगाऊंगा तो हो जाता अब उसके बाद आ रहा है कहता नहीं नहीं यार ये ग्लू अच्छा नहीं तूने मेरे साथ फ्रॉड किया ये कियाबल नहीं है नहीं चलेगा राजा आपको उसने पहले ही रीजनेबल एग्जामिनेशन करने के लिए दिया था आप एग्जामिन करते तो पता चल जाता लेटेंट कुछ भी नहीं था जो था आपके सामने था लेकिन फिर भी अगर आपको पता नहीं चला तो हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है आप जाइए अपना काम करिए बरोबर है क्या ठीक है ठीक है ठीक है सर राइस वाले कट्टे में हाथ डाला हाँ इधर आ रहा हूं भाई राइस वाले कट्टे में हाथ डलवाता हूं तेरा कहीं और हाथ मत डालना यही डालना सुन स्पेशल नोट फॉर कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी चाहे आप सेलर के स्किल और जजमेंट में भरोसा करो चाहे ना करो तो भी मर्चेंटेबल कंडीशन लगती है चाहे आप पेटेंट और बाढ़ नेम से गुड्स लो तो भी आपको कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी की कंडीशन मिलती है तो ये दो चीज जो ऊपर में एक्सेप्शन में थी यहां पर एक्सेप्शन में नहीं है बरोबर है क्या ध्यान से ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जीवन में आगे बढ़ते हैं

अच्छा दोस्त को सेवेंटी टू आई इंटर में और तेरे को दिसंबर ट्वेंटी थ्री में तू पास हो जाएगा गुड आई लाइक इट सुनना बात को ध्यान ध्यान से से बात को ध्यान से सुनना सेक्शन नंबर में जा रहे हैं बराबर सेल बाय बाय सैंपल अब देखो यहां पे सेल सैंपल सेक्शन 17 सब सेक्शन नंबर वन में सेल बाय सैंपल की डेफिनेशन है जिससे हमको लेना देना नहीं मैं वो बता दूंगा हमको लेना देना है कि उसकी इंप्लाइड कंडीशन क्या है बराबर है क्या ठीक है बराबर है क्या इंप्लाइड कंडीशन अब समझना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है सिर्फ और सिर्फ सेल बाय सैंपल है जो बोल रहा था ना कि राइस के कट्टे में हाथ डालने वाली बात है वही समझा रहा हूँ जैसे कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे नारायण जी है बराबर नारायण जी अपनी मम्मी के साथ जाते एक राशन दुकान में कहता है भाई राइस दे दो एक बासमती राइस आता है एक भ्रीग आता है और एक अलग आता है तीन वेरायटी के हैं तो बासमती राइस इनको दिखाया जाता है अब बासमती राइस को अगर इनने ऐसी ऊपर ऊपर देख लिया हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सफेद सफेद मोटे मोटे दाने हैं किसके राइस के बरोबर है क्या ये दे दीजिए अब ऐसा था कि उस बाउल में हाथ इन्हें नहीं देखा उस बाउल के अंदर राइस तो था ही साथ साथ में कंकड़ भी थे गेहूं के दाने भी थे उसके अंदर बरोबर है क्या बल को पैक करा दिया बल को पैक करा के घर आ गए घर में जाके जब टीने के पीपे में डाल रहे तो दिख रहे है तो मिलावटी माल है अब आप बोल रहे फ्रॉड हुआ नहीं फ्रॉड नहीं हुआ तब फ्रॉड माना जाता जब आप रीजनेबल एग्जामिनेशन करते और आपको सच नहीं पता लगता यहां तो आप एक हाथ फेरते तो आपको पता चल जाता कि तुम मिलावटी माल करके तो आपने तो कैजुअल एग्जामिनेशन किया तो सेल बाय सैंपल क्या बोलता है सेम सेल बाय सैंपल क्या बोलता है राजा बात को ध्यान से समझना सेल बाय सैंपल अपने को क्या बोलता है कि अगर आपने आपने, 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 आपने आप, सैंपल से सामान लिया तो पहली इंप्लाइड कंडीशन कि आपका जो बल्क है वो सैंपल इन क्वालिटी से करस्पॉन्ड करेगा दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि एक बार आप अपने बल्क और सैंपल को कंपेयर कर लो तो मान लो आपको राइस का बॉल और बल्क प्रिपेयर करके दिया बोले हां हाँ, हाँ दोनों सेम है घर जाके आपको दिख रहा है इसमें मिलावट है तो आपकी गलती तीसरा आपको इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच तब माना जाएगा जब आपका जो डिफेक्ट है ना वो लेटेंट है लेटेंट है यानी कि अगर आप रीजनेबल एग्जामिनेशन करो फिर भी अगर आपको डिफेक्ट ना पता चले तब जाके आपको सेल्वा सैंपल की ब्रीच मिलेगी एग्जाम्पल आपको बाउल दिखाया गया बाउल में आपने हाथ फेरा बाउल में हाथ फेरा तो आपको दिखा कि सब बराबर है कोई भी मिलावटी माल नहीं है बल्क को आपने 10 किलो पैक करने बोला उसने पैक कैसे किया नीचे के दो किलो में मिलावटी माल डाला ऊपर के आठ किलो में वो माल डाला जो आपने देखा था अब आप कंपेयर भी करोगे उस राइस के कट्टे में हाथ भी डालोगे तो आपका हाथ आठ किलो तक पहुंचेगा शायद छ किलो तक ही पहुंचे तो आप रीजनेबल एग्जामिनेशन करने के बाद भी अगर गुड्स के डिफेक्ट को नहीं पकड़ पा रहे हो तो बोला जाएगा कि ये सेल बाय सैंपल की क्या है ब्रीच है तो देखो पहला बल्क करस्पॉन्ड करेगा सैंपल को ये सेल बाय सैंपल की पहली इंप्लाइड कंडीशन दूसरी बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बल्क को कंपेयर करे सैंपल के साथ तीसरा गुड्स फ्री होना चाहिए डिफेक्ट से जो वो अनमर्चेंटेबल हो जाए यानी कि अगर डिफेक्ट पता चले तो अनमर्चेंटेबल है तो अगर वो क्या है अपेरेंट है तब तो कोई बात नहीं है अगर अपेरेंट है तो कोई बात नहीं अगर गुड्स आपका फ्री नहीं है मतलब वो क्या कह रहा है कि गुड्स ऐसा होना चाहिए जो किसी डिफेक्ट में नहीं होना चाहिए यानी कि रीजनेबल एग्जामिनेशन तो पता चल जाए रीजनेबल एग्जामिनेशन करने के बाद भी अगर गुड्स का डिफेक्ट नहीं पता पड़ पा रहा है और ये बोल रहा है कि फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होने चाहिए यानी कि अब उसमें डिफेक्ट आ रहा है तो सेल बाय सैंपल का सेल बाय सैंपल की इंप्लाइड कंडीशन की ब्रीच मानी जाएगी फ्रॉड क्लेम कर सकते हो आप और गुड्स को रिजेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करके प्राइस रिफंड मांग सकते हो बरोबर है क्या दोस्तों ठीक है अब आता है कंडीशन टू होलसमनेस ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है मर्चेंटेबल क्वालिटी का कि खाने पीने की जो चीज होती है इटेबल एंड प्रोविजन जो होता है वो मर्चेंटेबल भी होना चाहिए और साथ साथ में होलसम यानी कि हेल्दी होना चाहिए अगर खाने पीने की चीज इन दोनों में से किसी एक में नहीं बैठती है तो आपके इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच माना जाएगा जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें केस था कि एक हस्बैंड अपनी बीवी के लिए दूध लेके जाता है दूध में दवाई मिला के क्योंकि देनी होती है इसलिए दूध में ऑलरेडी टाइफाइड के जम्स थे दूध में दवाई मिलाया टाइफाइड के जम्स वाले दूध उसने पिए फूड पॉइजन हो गया फूड पॉइजन होने के बाद वो मर गई तो हस्बैंड एकदम खुश हो गया कि चलो बीवी भी चले गई है एम्प्लाइड कंडीशन की ब्रीच भी हो गई है डैमेज अलग मांगेंगे और पैसा अलग मिल जाएगा बीवी भी चले गई बहुत बढ़िया हो गया ठीक है दीपक कह रहा है कौन सा दूध तेरे को जो दूध चाहिए वो ले ले बेटा तू ठीक है आइए वारंटी वारंटी की की बात करते हैं। है क्या? की बात करते, करते। है क्या? कैफ़ खान बोलता है सर, होना चाहिए। बराबर, तो कैसा डिफेक्ट जो रीजनेबल एग्जामिनेशन से ना पता लग पाए तो हमने रीजनेबल एग्जामिनेशन किया हमने जो बाउल रखा था वही हमको 10 किलो पैक करके मिला लेकिन उसने क्या किया नीचे के 10 किलो में दो तो किलो में गंदा माल डाला ऊपर के आठ किलो में अच्छा माल डाला जो दिखाया था अब हम उसका रीजनेबल एग्जामिनेशन करेंगे हाथ डाल के भी देखेंगे तो आठ किलो तक हाथ जा रहा है घर जाके जब आप डालोगे उसको पीपे में तो पता चलेगा दो किलो मिलावटी है क्योंकि नीचे का मिलावटी माल फिर ऊपर आ जाएगा अब आप बोलोगे कि हमारे सेल बाय सैंपल के फ्री फ्रॉम डिफेक्ट वाले इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच हुआ क्यों क्योंकि उसने एक्टिवली कंसील किया इस चीज को बराबर है क्या इसलिए क्योंकि वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट नहीं है सेल बाय सैंपल की इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच माना जाएगा बराबर है क्या ठीक है चलो सुनिएगा आनंदिता कह रही है सर यू आर ग्रेट हंसते हंसते हालत खराब हो गई नहीं बेटा हालत खराब मत कर हंसते रह बस ठीक है फोर्टीन बी फोर्टीन सी सिक्सटीन थ्री सिक्सटीन फोर अब देखो ये चार ऐसा है जहां पे इंप्लाइड वारंटी दी हुई है राजा ये चार कैसा है जहां पे इंप्लाइड वारंटी दी हुई है 14B, 14C में implied warranty थी, 163 और 164 में इंप्लाइड इंप्लाइड वारंटी वारंटी थी थी और ध्यान से इस बात को समझ 14B अपने को समझना अपने क्या कहता है वारंटी एस टू अनडिस्टर्ब पोजिशन अनडिस्टर्ब पोजिशन का मतलब क्या होता है अनडिस्टर्ब पोजिशन का मतलब क्या होता है एक तो कंडीशन है कि भाई जब तुम बेच रहे हो तुम्हारे पास बेचने का हक है या तुम एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हो तो बेचने का हक आ जाएगा मान लीजिए ये वाला अगर मैं आनंदिता जी को बेच रहा हूँ ये वाला माइक बरोबर है क्या तो आनंदिता जी इम्प्लाइड कंडीशन में ये अज्यूम करेगी कि अर्जुन सर के पास इसको बेचने का हक है ये हो होगा इम्प्लाइड कंडीशन अब इम्प्लाइड वारंटी ये बोल रहा है कि एक बार उसने ये खरीद लिया किसने आनंदिता से आनंदिता ने तो वो एंजॉय करेगी क्वाइट पोजिशन यानी कि शांतिपूर्वक इसको यूज कर पाएगी तो मान लीजिए मैं नेस्केफे की एक एजेंसी लेके रखा हुआ हूँ डीलरशिप लेके रखा हूँ ऐसा मैं बोलता हूँ और आनंदिता जी का एक सुपर मार्केट है जिसके अंदर वो हमारे नेस्केफे के इस फ्रेंचाइजी से मिल्क का पैकेट लेके जाती है अब मैं जान के झूठ बोल रहा था आनंदिता जी को कि हमारे पास नेस्केफे की एजेंसी है मैं तो बिना बिना वजह फर्जी तरीके से उनका ब्रांड लगाता हूँ और दूध बेचता हूँ बरोबर है क्या झूठ बोला अब आनंदिता जी के सुपर मार्केट में नेस्केफे वालों की टीम आ गई और बोले चलो लेके चलो किस किससे लेके आयो आप ये मिल्क किससे लेके आयो बोले भाई अर्जुन जो है आपका जो फ्रेंचाइजी वाला है बोले कोई फ्रेंचाइजी वाला नहीं मैं लेके जा रहे हम लोग आनंदिता जी का क्या पोजेशन डिस्टर्ब हुआ हाँ तो दो चीज ब्रीच हुई एक ब्रीच ये हुई कि मेरे पास नस्केफे का का हक नहीं था, वो की ब्रीच थी शांतिपूर्वक बेच भी नहीं पा रही है कि यहाँ पे भी नहीं कर इसको बोलते हैं वारंटी एस टू अनडिस्टर्ब पोजिशन बरबर है इसका ब्रीच हुआ अब आनंदिता जी क्या बोलेगी दूध को वापस रख तेरे को ब्रांड से प्रॉब्लम है ना ब्रांड को निकाल के लेके जा और दूध को यहाँ पे रख के जा अब जो दूध बीस रुपए में बिकता था वो दस रुपए में बिकेगा तो में तकलीफ तो आई तो इसको बोलते हैं इंप्लाइड वारंटी की ब्रीच हुई है बराबर है बराबर क्या सर अभी, अभी 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 फाउंडेशन में आपके लेक्चर देखना शुरू किए हैं अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है इंटर में आपके ही पास आ रहा हूं मैंने मेरे छह फ्रेंड को सजेस्ट किया है वो भी इंटर में आ रहे हैं शुक्रिया शुक्रिया माही जी शुक्रिया सुनिएगा बात को ध्यान से अब ध्यान से सुनिएगा एक तो हो गया वारंटी एस टू अनस्टर्ब्ड पोजिशन एक तो ये बात हो गई राजा दूसरा वारंटी एस टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम इनकमेंस का मतलब होता है कोई सिक्योरिटी कुछ गिरवी रखा है क्या आपने ऐसा तो जैसे कि मान लो मेरा एक आईपैड है बराबर ये आईपैड को मैंने अनमोल जी के पास बराबर है क्या ये आईपैड को मैंने अनमोल जी के पास क्या रखा है गिरवी रखा है और अनमोल जी से मैंने पचास हजार रुपए की क्या ली हुई है उधारी ली हुई है बराबर है क्या अर्चना जी आई है राधे राधे सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और पचास हजार रुपए अनमोल से ले लिए अब यही आईपैड को जो मैं गिरवी रखा गिरवी का मतलब पोजेशन नहीं दिया बस बोल दिया सिक्योरिटी रखे इसको हाइपोथिकेशन बोलते हैं जब गुड्स आपके पास है लेकिन गुड्स में सिक्योरिटी किसी और इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन अब इसी गुड्स को अगर मैं हर्ष देशवाल को बेच रहा हूं और उसको ये नहीं बता रहा हूं कि इसमें मैंने सिक्योरिटी क्रिएट करके रखी हुई है तो मैं हर्ष की इंप्लाइड वारंटी एस टू नॉन इनकम्बरेंस इनकम्बरेंस का मतलब सिक्योरिटी नॉन इनकम्बरेंस जो कि मैंने उसको बताई ही नहीं है इसका ब्रीच कर रहा हूं मान लो हर्ष देशवाल को मैं बता देता हूं कि भाई उसमें सिक्योरिटी है और उसके बाद बेचता हूं तो चलेगा बिना बताए बेच दे रहा हूं तो हर्ष देशवाल की वारंटी जो है नॉन एग्जिस्टेंस सिक्योरिटी नॉट डिक्लेयर्ड और नोन टू द बायर की मैं क्या होता है कपड़े की दुकान में जाते हो कभी कलर पसंद नहीं आता है आपको यानी कि मान लो आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई कपड़ा लेते हो और हो सकता है कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड में वो फिट ना बैठे जो आप टी शर्ट ले रहे हो जीन्स ले रहे हो क्यों आपकी गर्लफ्रेंड ग्रो कर गई होगी ग्रो मतलब पुट ऑन कर गई होगी अब क्यों पुट ऑन की हो तो आपको पता ही है बराबर है तो भाई मतलब अगर इसके शरीर में बैठ नहीं रहा वो टॉप टॉपअप तो आप पहले ही बात करके आते हो बरोबर है क्या पहले ही बात करके आते हो कि अगर साइज फिट नहीं बैठा या कलर फिट नहीं बैठा तो हम इसको क्या करेंगे वापस करेंगे बरोबर है क्या तो ऐसा है कि कोई गुड्स फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा उसकी वारंटी का क्या करें कि भाई चेंज कर लेंगे क्या उसका तो बोले वो डिपेंड करता है कस्टम के ऊपर बराबर है क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है कस्टम के ऊपर डिपेंड करता है बराबर है क्या कस्टम के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि कई जगह लिखा रहता है नो एक्सचेंज नो रिटर्न बरोबर है नो एक्सचेंज नो रिटर्न लिखा रहता है मतलब कुछ नहीं होगा अब ऐसा वारंटी है तो कस्टम पे रहेगा अब हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड आपके ले लिए लेने जा रही है बराबर है क्या अब आपका साइज बढ़ गया है आप हाइट में लंबे हो गए हो या आपको पता होगा हो कि आप क्यों लंबे हो रहे हो करके बराबर है क्या तो फिर कस्टम के ऊपर देखेंगे कि किस बात अब जैसे पेंटलून है पेंटेलून बोलता है जब से आपने खरीदा उसके पंद्रह दिन के अंदर आप एक्सचेंज भी कर सकते हो कलर भी बदल सकते हो साइज भी बदल सकते हो पंद्रह दिन के बाद नहीं होगा रिटर्न नहीं होगा माल लेकिन एक्सचेंज और ये सारी कलर बदल सकते हो बराबर है क्या ठीक है अब बात को ध्यान से सुनना ठीक है ठीक है ठीक है मंदू जी कह रही है टीम प्लीज ब्लॉक दिस मोए मोए इरिटेट हो रहा है ना मंदू जी इरिटेट हो रहा है ना आप ही ब्लॉक कर दो सबको ब्लॉक कर दो सबको ब्लॉक कर दो आप सबको मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूं ब्लॉक कर दो इन सबको ठीक है चलो ध्यान दीजिएगा अब लास्ट आता है ऑफ 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 डेंजरस डेंजरस नेचर नेचर गुड्स गुड्स है 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 क्या ये बहुत है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेलर की ड्यूटी कि आपको बायर को बताया जाए कि अगर कोई गुड्स डेंजरस नेचर का है तो जैसे फटाके होते हैं फटाकों के अंदर यही लिखा रहता है हाथ में मत फोड़ना रॉकेट में ऐसे बना रहता है कि रॉकेट को ना ऐसे मत लगाना मुंह पे देख के मत लगाना आपके मुंह पे घुस के फूट जाएगा वो तो रॉकेट को ऐसे दूर रख के उसको ऐसे उस तरफ सुला के यानी कि जिस तरफ से आप आग लगा रहे हो उसका एंगल उधर होना चाहिए और दूर से ऐसे लगाओगे तो उसमें राइट बना रहता है तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं अलग अलग फोटो बना के कि भैया कैसे जलाना है और कैसे नहीं जलाना है बराबर है क्या बराबर है क्या ठीक है तो ध्यान से इस बात को समझना अगर कोई डेंजरस नेचर का गुड्स है अगर कोई डेंजरस नेचर का गुड्स है तो ये सेलर की ड्यूटी बायर को बताना कि भैया इसका नेचर क्या है मान लो सेलर नहीं बताता और बायर उसको अपने हाथ में ही जला लेता और उसका हाथ ही गायब हो जाता है बरोबर है तो माना जाएगा कि इसमें माना जाएगा कि इसमें बायर की इंप्लाइड वारंटी डिस्क्लोजर एस टू डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स की क्या हुई ब्रीच हुई है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप भाई मेडिकल गए एक सामान लेने के लिए बराबर है क्या और सामान कौन सा आप समझ जाइए अब वो सामान भी तो एक डेंजरस नेचर गुड्स है बरोबर है क्या तो क्योंकि सामान आपको कभी भी धोखा दे सकता है उसमें लिखा होना चाहिए भाई कि भाई विकेट कभी भी गिर सकता है अपने अपने भैया अपने मतलब अपने जिम्मेदारी में आप इसको यूज करिए वहां पे ऐसे डिस्क्लोजर होना चाहिए डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स का बरोबर है क्या ठीक है अनिरुद्ध कह रहे हैं सर गर्लफ्रेंड का याँ याँ होता है क्या क्या बोल रहा है भाई अनिरुद्ध गंदी गंदी बात कर रहा है तो यहाँ पे ठीक है ठीक है सर अगर मैं आपकी ऑनलाइन क्लास परचेस करूंगा तो आपसे इंट्रेक्शन हो पाएगा क्या सर भाई इंट्रैक्शन तभी होगा जब तू सड़ी सड़ी बातें नहीं करेगा तू कैसे कैसी बात कर रहे है कि सर आपकी आवाज सुन के ये हो जाता है ऐसे बेटा ऑनलाइन क्लास बस मिलेगी इंट्रेक्शन नहीं होगा क्योंकि तुमको आवाज सुन के वो सब हो जा रहा है तो फिर तुम फोन करोगे फिर गंदी गंदी बातें करोगे तुम बरोबर है क्या हाँ ठीक है चलो जीवन में आगे बढ़ते हैं सर बट राइस तो इटेबल्स में है एक सेकेंड राइस तो इटेबल्स में है तो इसमें भी होलसम वाली कंडीशन वाली लगनी चाहिए हाँ तो ठीक है ना भाई वहां पे वो थोड़ी अनहेल्दी था वो तो कंकड़ मिक्स था लगेगा उसमें होलसम वाली कंडीशन बराबर है क्या ठीक है चलो जीवन में आगे बढ़ते सुनिएगा ठीक है ठीक है ठीक है सुनना सुनना ठीक है ठीक है ठीक है आगे बढ़ते जीवन में आगे बढ़ते जीवन में तो ये हो गया राजा इंप्लाइड वारंटी अब बेटा जीवन में अब मैं आपको बताता हूं कि कंडीशन और वारंटी में आपको क्या क्या पढ़ना है कौन कौन से हॉट टॉपिक है जैसे बेटा यूनिट टू इंपॉर्टेंट था ना कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेक्टेक का वैसे कंडीशन एंड वारंटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन पंद्रह सेक्शन सोलह सेक्शन सत्रह और सेक्शन तेरह और कैविट कैवेटेम्प्टर ये आपको पढ़ के जाना रेस्ट एवरीथिंग आप रीड करके भी जाओगे तो चलेगा लेकिन इन सेक्शन को मत छोड़ना अब कैविट कैवेटेम्प्टर क्या ये समझना ठीक है ऋषि कह रहा है सर आप पहले वार्निंग दे दिया करो ताकि वॉल्यूम डाउन कर दे हम अरे भाई घर वाले भी इंजॉय करते हैं भाई तू तो समझता नहीं है समझता क्या घर वाले ऐसे दिखाते हैं कि भाई अरे अरे थोड़ा सा बाकी तो बाकी भाई कैसा है हम सब वहीं से आए ना सारे वहीं से आए अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ एक मेरा स्टूडेंट है मेरा स्टूडेंट ऐसे पचपन छप्पन इंच की टीवी में लगा के मेरा एक दिन लेक्चर देख रहा था अब ऐसे ही लेक्चर चल रहा है यही सब तो उसके पापा क्या बोलते हैं तुमको है क्या बोले यार ये वाले जो तुम्हारे टीचर है ना ये तुम्हारा टीचर बकैती बहुत करता है बोले बिहार का था वो लेकिन फिर धीरे से बोलते लेकिन बकैती जरूरी है मन लगा रहता थोड़ा हंसी खेल होता रहता खुद ही देख रहे हैं खुद ही हंस भी रहे हैं खुद ही बोल रहे बकैती कर रहे हैं खुद ही बोल रहे लेकिन ठीक है जरूरी भी है तो समझो तुम बात को बराबर है क्या ठीक है चलो जीवन में आगे बढ़ना सुनना इस बात को कैव अटैम्प्टर की बात कर रहे हैं बेटा कैवेटेम्प्टर तो अपन ने कल ही पढ़ लिया था लेट द बी वे लेट द बायर बी वेयर बराबर है क्या लेट द बायर बी वेयर कहता है कि भैया सेलर जब गुड्स को डिस्प्ले करता है ओपन मार्केट में समझ रहे हो सेलर जब गुड्स को डिस्प्ले करता है ओपन मार्केट में तो भैया ये बायर की ड्यूटी है कि आप प्रॉपर सिलेक्शन करो गुड्स का बायर की ड्यूटी है प्रॉपर सिलेक्शन करने का अगर गुड्स डिफेक्टिव हो जाते हैं सही नहीं है आप लेबराटोरी लेके आ जाते हो जो कि ओरिजिनल नहीं है

यानी कि अगर आपने गुड्स डिस्क्राइब करके लिया और गुड्स वैसा नहीं है तो सेलर आपको ये नहीं बोल सकता लेट द बायर बी वेर अगर आपने सैंपल से गुड्स लिया और सैंपल और बल्क करेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो सेलर ये नहीं बोल सकता बायर को लेट द बायर बी वेर ये सब एक्सेप्शन के अंदर है बरोबर है क्या यहाँ आके राजा यूनिट नंबर टू भी खत्म हो जाता है शुरू करते हैं यूनिट नंबर थ्री को बहुत युद्ध स्तर में बात को ध्यान से समझना यूनिट नंबर थ्री आता है अपना बरोबर है क्या एवरीबॉडी चीजें क्लियर है चीजें क्लियर है फटाफट मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ एक सेकंड अपने स्टाफ से बात करनी मेरे को एक ही सेकंड यूनिट थ्री शुरू कर

कभी कभी सेक्शन चार से भी क्वेश्चन बनाए लेकिन जनरली जनरली जो आपको क्वेश्चन दिखेगा राजा वो आपको क्वेश्चन दिखेगा या तो यूनिट नंबर टू से प्रैक्टिकल क्वेश्चन या तो यूनिट थ्री से प्रैक्टिकल क्वेश्चन फोर में बहुत ही रेयर दस में से किसी एक बार अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना होगा तो बना होगा सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट जो है यही आपका रहता है और मैं हर यूनिट के बाद आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बता ही रहा हूं आपको उनसे ही मिलेगा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो उनको अच्छे से करना है बराबर है क्या बात को ध्यान से सुनना राजा अब ऐसा है कि यूनिट नंबर वन में आपने यह समझा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होता क्या है बरोबर है क्या यूनिट टू में आपने ये समझा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर शर्त लगानी तो कैसे शर्त लगाती है और शर्त का पूरा नहीं हुआ तो कब आपको डैमेज मिलेगा कब आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो ये आपने समझा अब राजा मैं आपको यूनिट नंबर तीन बता रहा हूं अब ये बोलता है फाइनली आपने कॉन्ट्रैक्ट यूनिट वन में बनाया यूनिट वन में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद यूनिट टू में अपने शर्त लगानी सीख गई अब कैसे सेल कैसे होगा ओनरशिप कैसे जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट में वो पढ़ने वाले यूनिट तीन में एक देख संकेंट देखते तो, बड़े बड़े बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर मैं फाउंडेशन रिपीटर वाली क्लासेस सारी कर ली है मेरे को कंफ्यूजन है कि फिफ्थ एडिशन वाली से कर लू या राइटिंग प्रैक्टिस से कर लू बेटा फिफ्थ एडिशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है फिफ्थ एडिशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है राइटिंग प्रैक्टिस का अपना इंपॉर्टेंस है और बुल साइ फिफ्थ एडिशन क्वेश्चन बैंक का अपना इंपॉर्टेंस है कोई कोई संबंध थोड़ी उसका ठीक है चलो जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बात को ध्यान से समझना मयूर जी इसके लिए आप ना ऑफिस में फोन आपको प्रॉपर्टी से आया हुआ है रिस्क सर एमटीपी में रिस्क पासिस हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई चलो दुनिया भर की बात आ रही है सुनना तो राजा ऐसा है पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का एक ही पर्पज है कि भाई गुड्स में ओनरशिप जानी चाहिए गुड्स में ओनरशिप जानी चाहिए तो बोला यूनिट वन में आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया शर्तें लगाई अब हम आपको बताते हैं कि ओनरशिप जाती कैसे अलग अलग गुड्स में तो राजा मैं आपको बताना चाहता हूं मैं मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि टोटल राजा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर में लगभग लगभग चार किस्से निकल के आते हैं चार प्रकार के गुड्स निकल के आते हैं बराबर है क्या अब राजा इसमें ऐसा कहता है कि पहला तो बोले अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप कैसे पास होगी तो यहाँ पे 18 से 13 नहीं है 18 से 23 ने बीच में एंड है यानी कि अगर अनअसर्टेन गुड्स में आपको ओनरशिप पास करनी तो 18 एंड 23 सेक्शन आपको फॉलो करना है यानी कि 18 और 23 18 से 23 नहीं 18 और 23 बरोबर है क्या ठीक है जीवन में आगे बढ़ते राजा समझना दूसरा बोल रहा अगर है अगर असर्टेन गुड्स है स्पेसिफिक गुड्स है तो ओनरशिप कैसे पास होगी तीसरा कहता है जैसे आप कोई ट्रायल बेसिस में गुड्स दे रहे हो कि अच्छा लगे तो रख लेना नहीं तो वापस कर लेना तो उसमें तो तो ले निशांत जी कह रहे हैं सर आपके सामने वाला कोचिंग बहुत गलत किया है डिस्काउंट देके छे लोग का हम लोग का एडमिशन ले लिया पर लॉ बहुत फालतू है और आपसे लिया है आज छह लोगों ने अरे बाबा 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 ए भाई तू ऐसे कमेंट मत किए कर ऐसे कि सामने वाला पीछे वाला बता देना कहीं और से क्लास लिया था और तुमको जब मैं बार बार एक ही चीज बोलता था डिस्काउंट और चका चौंक के उसमें मत पड़ना तुम डिस्काउंट में लियो अभी छह लोग लिए अभी तुम छह लोग पैसा वहां पे दिए और छह लोग वापस से क्लास लियो कोई मतलब हुआ तो मैं भैया पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी को मैं बताना चाहता हूं कि राजा ऐसा है कॉम्पिटिशन ऐसा है कि आपको डिस्काउंट दे के दुनिया भर की चीज दे के आपको फंसाया जाएगा क्या हमारे यहाँ ऐसा है डिस्काउंट में हमेशा बच्चे को बोला कि डिस्काउंट के चलते मत फंसना अब देखो छह लोग को फसाया और छे के छह लोग आज फिर से क्लास लिए कोई मतलब हुआ क्या कोई मतलब नहीं हुआ बरोबर है क्या ठीक है ठीक है चलो जीवन में आगे बढ़ते हैं ध्यान से समझना इस बात को ठीक है अब राजा ऐसा है कि चार परिस्थितियां बराबर है क्या चार परिस्थितियां बिल्कुल बात को ध्यान से समझ के लेना सबसे पहले राजा मैं बात करता हूं असर्टेन गुड्स की स्पेसिफिक गुड्स की इसको मैं तीन क्राइटेरिया में बांट रहा हूं पहला गुड्स है तो स्पेसिफिक लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है बराबर है क्या दूसरा गुड्स स्पेसिफिक तो है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में प्राइस डिटरमाइंड नहीं है दूसरा डिलीवरेबल स्टेट में है प्राइस नॉट डिटरमाइंड इधर प्राइस डिटरमाइंड है इधर प्राइस डिटरमाइंड नहीं है ध्यान से समझ के लेना स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है प्राइस डिटरमाइंड है अब कह रहा है स्पेसिफिक गुड्स स्टेट में प्राइस तो तो <coughs> एक शिप कंस्ट्रक्टर को पकड़ा मैंने कहा वेसल बना शिप बना के, दे, दे, बना के दे, दे उसने कहा कि छह से आठ महीने लग सकते हैं शिप को बनाने में यानी कि शिप जो है अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है ठीक है समझ में आया

फिर बीस है डिलीवरेबल स्टेट में लेकिन प्राइस डिटरमाइंड नहीं है इसका मतलब क्या है सॉरी प्राइस डिटरमाइंड है डिलीवरेबल स्टेट में और प्राइस डिटरमाइंड है मेरा एक सेकेंड हैंड शोरूम है कार का उसमें कार है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिलीवरेबल स्टेट में भी है प्राइस भी डिटरमाइंड है कैसे बोले ओनरशिप जाएगी बोले जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा ऑफर दिया सामने वाले ने एक्सेप्ट किया जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना ओनरशिप पास क्यों क्योंकि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी था और प्राइस भी डिटरमाइंड था ठीक है अब कहता है डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन प्राइस है डिटर डिलीवरेबल स्टेट का मतलब ले क्या करना पड़ेगा? बोले, या तो वेट करना पड़ेगा या तो मेजर करना पड़ेगा या तो टेस्ट करना पड़ेगा कोई भी चीज करके आपको क्या करना है प्राइस डिटरमाइन तो जैसे ही प्राइस डिटरमाइन हुआ और बायर को नोटिस मिला तो जाके ओनरशिप पास होगी एग्जाम्पल आप मॉल में गए आपने दस पीस कोई ड्रेस का लिया अब दस पीस को एक एक को स्कैन करना पड़ेगा तो उसको क्या कर रहा है हुआ, पे एक था, वो के भाग गया। अब ऐसा है स्कैन कर रहे हो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए दो पीस चोर लेके भाग गया अभी तक अभी प्राइस डिटरमाइन नहीं हुआ तो बोले प्राइस डिटरमाइन होता जब सारे आइटम स्कैन होते फाइनल बिल मिलता और इस बात की जानकारी बायर को आती है उस बीच में जितनी भी चोरी हुई है प्राइस डिटरमाइन होने के पहले उसमें बायर का कोई रोल नहीं है सेलर का ही उस पर रिस्क होने वाला है क्योंकि ओनरशिप तब जाएगी जब प्राइस डिटरमाइंड हो जाएगा और बायर को इस बात की क्या हो जाएगा नोटिस हो जाएगा जा, जानकारी हो जाएगी दैट सेट तो ठीक है सर समझा नॉन डिलीवरेबल स्टेट में तो डिलीवरेबल स्टेट में आया नोटिस हो गया ओनरशिप पास डिलीवरेबल स्टेट में प्राइस डिटरमाइंड है तो जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ओनरशिप पास डिलीवरेबल स्टेट में लेकिन प्राइस डिटरमाइंड तो प्राइस डिटरमाइंड करने के लिए जो भी लगेगा डिटरमाइन होने के बाद नोटिस दोगे और ओनरशिप क्या हो जाएगी पास उस बीच में कोई भी हादसा हो रहा है उसके लिए बायर लाइबल नहीं है एवरीबर्ड चीजें समझ में आई एवरीबॉडी चीजें समझ में आई एवरीबॉडी चीजें समझ में आई तो ठीक है ये हो गया सर अनसर्टेन गुड्स में ओनरशिप पास अब आते हैं सेल ऑन अप्रूवल के बेसिस अब याद है आपको मैंने आनंदिता जी को अपनी गाड़ी दी थी तीन दिन में ट्रायल के लिए बरोबर है क्या तीन दिन की ट्रायल पे मैंने उनको अगर गाड़ी दी थी और सेल ऑन अप्रूवल के बेसिस में दी थी तो ओनरशिप कब कब पास होती है तो एक तो होता है अप्रूवल अप्रूवल का मतलब क्या होता है आनंदिता जी मुझे फोन करती सर मेरे को गाड़ी अच्छी लग रही है मैं इस गाड़ी को लेना चाहती हूँ जैसे ही आपने अप्रूवल दिया गाड़ी तो आपके पास है अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया बट माना जाएगा कि ओनरशिप पास हो गई है भले ही आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपके ही पास था तो अप्रूवल से ओनरशिप पास हो जाएगी लेकिन सर मान लीजिए आपने तीन दिन के ट्रायल पे दिया था चौथे दिन भी वो गाड़ी को रखी है ना अप्रूवल दिए ना रिजेक्शन दिए बरोबर है क्या ना अप्रूवल दिए ना रिजेक्शन दिए तो चौथे दिन में ऑटोमेटिकली ओनरशिप क्या हो जाएगी पास हो जाएगी सर मान लीजिए तीसरे दिन की रात को ही उनने बोल दिया कि गाड़ी अच्छी नहीं लेके जाओ और आपने हफ्ते भर तक गाड़ी ली नहीं उसी के पास खड़ी थी तो कोई दिक्कत नहीं है आपने रिजेक्शन कर दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ना हाँ बोला ना ना बोला और गाड़ी को रिटेन करके रखा हुआ है ओनरशिप ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी एक अच्छा वाला केस है अच्छा वाला केस आता है अडोप्टिंग द ट्रांजेक्शन अब इसको ध्यान से समझना अर्जुन ऑटोमोबाइल सेलर है वो प्रेमचंद बी नाम का एक बायर है उसको कार दे रहा है सेल और रिटर्न बेसिस में बरूबर है क्या उसको कार दे रहा है सेल और रिटर्न बेसिस में ठीक है अब प्रेमचंद बी क्या करता है 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 एक निक जेरी नाम की लड़की है। उसको ये कार को प्लेज में रख देता और उससे कुछ लोन ले लेता है तो जैसे ही उसने प्लेज में रखा क्या मैं कह सकता हूं बायर ने कोई ऐसी हरकत की जिसने ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिससे बायर का इंटेंशन दिख रहा है कि खरीदना चाहता था तो ही तो उसको गिरवी रखा है बायर so, ने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन अडॉप्ट किया जिससे बायर का इंटेंशन दिख रहा है कि हाँ वो गुड्स को खरीदना चाहता था तो जैसे ही उसने प्लेज किया उसी वक्त ओनरशिप पास हो गई किसके पास प्रेमचंद बी के पास इसको बोलते हैं अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन बराबर है क्या तो राजा अगर बात आती है सेल ऑन अप्रूवल की तो एक हो गया अप्रूवल में ओनरशिप पास हो जाएगी दूसरा अगर आप गुड्स को रिटेन कर रहे हो बिना नोटिस ऑफ रिजेक्शन के ओनरशिप पास या आप कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे आपका इंटेंशन दिख रहा है कि आप खरीदना चाहते थे बराबर है क्या खरीदना चाहते थे तो ओनरशिप पास लेकिन सर एक आता है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न का मतलब क्या होता है राजा ध्यान से समझना इसमें क्या होता है मैंने आनंदिता जी को गाड़ी दी बराबर है क्या ठीक है ये देखो शेयर मार्केट एक जने आ रहा है और कह रहा है गुड इवनिंग सर सीएमए इंटर लॉ मैराथन दिसंबर 23 का मैराथन कब आएगा 21 तोपों की सलामी आपको सर एक मिनट आप यहीं रुकना एक मिनट यहीं रुकना आप ये मैं खोला अपना यूट्यूब ये मैं यूट्यूब खोला ये यूट्यूब खोल के मैं अपने चैनल में गया और ये आपको मैं दिखा रहा हूं राजा देखना तो थो थोड़ा लाइव वाले सेक्शन में ये लाइव वाले सेक्शन में देख यहां से शुरू हो रहा है कमर्शियल लॉ कॉर्पोरेट लॉ डायरेक्टर इंडस्ट्रियल और एमसीक्यू ये छह थंबनेल दिख रहे हैं बेटा छह थंबनेल के अंदर बेटा एक थंबनेल अगर मैं हटा दू सीए इंटर लॉ वालों का तो पांच के पांच मैराथन है ये मेरे ख्याल से मैं यूपीएससी वालों के लिए पढ़ाया हूंगा यहाँ पे सीएमए इंटर लॉ मैराथन थोड़ी लिखा है यहां पे लिखा यूपीएससी आई कैसे बने में इंटर छोड़ के आई कैसे बने ऐसा थमने लिखा होगा यहाँ पे बरोबर है क्या बरोबर है बेटा सस्ते नशे करने से ऐसे ही होगा राजा सस्ते नशे करने से ऐसे ही होगा और खाली पेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए खाली पेट नशा करने से हफ्ते भर तक चलता है हफ्ते भर तक नशा चलता है बेटा ठीक है चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं बेटा चलो जीवन में आगे बढ़ते हैं अभी सुनना मेरी बात को ध्यान से भैया सेल फॉर कैश ऑनली और रिटर्न है बरोबर है क्या यहां पे आनंदिता जी को मैंने गाड़ी दी और मैं आनंदिता जी को ये बोल रहा हूँ कि आनंदिता जी अगर आपको गाड़ी खरीदनी होगी घर आइएगा पैसे देके जाइएगा तो ही मैं मानूंगा कि आपके पास ओनरशिप गई है सेल कैश में ही होगा यानी कि ओनरशिप कैश में ही जाएगी ये अप्रूवल रिटेंशन विदाउट रिजेक्शन अडोप्टिंग द ट्रांजेक्शन में काम बनने वाला नहीं है बरोबर अब आनंदिता जी ने क्या किया पता है क्या मेरी गाड़ी को मेरी गाड़ी को प्लेज कर दिया आर्यन शर्मा के पास और उससे लोन ले लिया पचास हजार का मुझे बताइए क्या अब जब उसने प्लेज किया है तो क्या ओनरशिप पास हुई है और क्या मैं आर्यन शर्मा से अपनी कार वापस कर सकता हूं क्या वापस ले सकता हूं क्या क्यों क्योंकि मैंने सेल फॉर कैश ऑनली बोला था क्या बोला था सेल फॉर कैश ऑनली बोला था अब इनने मेरे को कैश तो दिया नहीं और कैश दिए बिना प्लेज कर दिया अब मैं आर्यन शर्मा से कार वापस ले लूंगा क्यों क्योंकि ओनरशिप गई नहीं है लेकिन पहले वाले केस में मैं निक जेडी के पास जो प्लेज हुआ था उससे गाड़ी वापस नहीं ले सकता क्योंकि जैसी प्लेज हुआ ओनरशिप पास हो गई क्योंकि सेल फॉर कैश ऑन नहीं था सेल और रिटर्न था यहाँ पे आनंदिता जी ओनर नहीं बनी है मैं आर्यन शर्मा से जाके कार वापस ले सकता हूँ क्योंकि ओनरशिप आर्यन शर्मा सॉरी आनंदिता के पास ओनरशिप तब जाती जब वो जो मैं कैश पे करती वो कैश पे की नहीं तो जो प्लेज की है वो इनवैलिड है मैं गाड़ी वापस ले सकता हूँ और आनंदिता जी अभी ओनर बनी नहीं है बराबर है क्या ठीक है चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं राजा सेल और अप्रूवल वाला आपने पढ़ लिया सेल फॉर कैश ऑनली पढ़ लिया असर्टेन गुड्स में ओनरशिप कैसे जाएगी ये पढ़ लिया अब बात करते हैं बेटा अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप कैसे जाएगी बरोबर है क्या आओ ध्यान से समझ के लेते हैं अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप कैसे जाएगी तो कहता है इसके लिए आपको दो सेक्शन का पालन करना पड़ेगा सेक्शन नंबर एटीन और सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री बिल्कुल बात को समझना विनायक जी कह रहे हैं सर सेल ऑन अप्रूवल में अगर बायर ने कार रिजेक्ट किया पर फिर भी उसे कर रहा है था था कि यूज कर रहा था और कार डैमेज हो गई तो तो बेटा नुकसान बायर बायर का है। बे, बायर विल एक्ट एज अ बेली बेली की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा और बेली की जिम्मेदारी होती है उसको सही तरीके से संभालने की तो बेली जिम्मेवार रहेगा। बराबर है क्या ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एवरीबडी कुछ दलाल आए हमारे पास एक दलाल का नाम है ईशु आनंद आके बोल भी रहा है कि मैं तो यहाँ पे ब्लॉक होने के लिए आया था फलानी कंपनी का मैं दलाल हूं दलाल फलानी कंपनी का मैं दलाल हूं इनको ये समझ में नहीं आता कि मार्केट इतना बड़ा है पूरा का पूरा मार्केट आप खा नहीं सकते थोड़ा सा हमको भी कमाने दो थोड़ा सा उनको भी कमाने दो ऐसे दलाली पने मत करो ऐसे अच्छा लगता नहीं है ये अपने संस्कार अच्छे नहीं दिखाते लाला टेक इट इजी लाला अब जैसे तू यहां आके बोल दिया कि फलाना वाला बेस्ट है तो ये सारे के सारे उठ के फलाने वाले के पास चले गए क्या नहीं गए ना देखेंगे भी नहीं अच्छा देख जिसका तूने नाम लिया क्या तेरे को नहीं लगता कि इनको उनका नाम नहीं पता है पता है इनको भी उनका नाम पता है इनको भी पता है लेकिन इन वो वहां गए क्या इनको मैं पसंद आ रहा हूं बाकी लोगों को कोई को और पसंद आ रहा होगा और बाकी लोगों को कोई और पसंद आ रहा होगा अपन क्यों दलाली करते हैं दूसरे की दुकान में आके बाजू वाले की दुकान का प्रमोशन करेंगे तो लात तो खाएंगे ना अपन दुकान मेरी आके बता रहे फलाने का माल अच्छा है तो लात पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ये तो भैया प्रकृति का नियम है क्यों हाथ खाने वाला काम करने का राजा क्यों करने का इधर उधर ऐसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का राजा ऐसे टेक इट इजी बुरा मत मानना भी ऐसे आके जब तू तो इतना बेशर्मी जैसे बोला तो मैं भी बेशर्मी जैसे बोल सकता है ना तेरे को ऐसे है ना बुरा मत मानना अच्छा माने भी तो तू कुछ कर पाएगा क्या नहीं ना मैं भी नहीं कर पाऊंगा तेरा कुछ क्योंकि तू उधर बैठा मैं इधर बैठा क्यों टेंशन लेना टेक इट इजी बरबर है क्या आओ चलो जीवन में आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 18 और सेक्शन नंबर 23 बरोबर है क्या दो चीज अपने को फॉलो करके लेना है है क्या दो चीज अपने को फॉलो करके लेना है बरोबर है क्या समझे क्या एक सेक्शन नंबर 18 और सेक्शन नंबर 23 अगर अनअसर्टेन गुड्स में अगर ओनरशिप जाना है तो बरोबर है क्या ठीक है अन में ओनरशिप अगर जाना है तो दो चीज करना पड़ेगा एक आपको अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा और एक आपको असरटेनमेंट करना पड़ेगा वापस से बताना चाहता हूं एक आपको अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा और एक आपको असरटेनमेंट करना पड़ेगा आपका अप्रोप्रिएशन भी अनकंडीशनल होना चाहिए बात को ध्यान से समझना ठीक है ध्यान से समझना अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है सिलेक्शन ऑफ गुड्स विथ द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बरोबर है क्या जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास ना शुगर है बल्क में यहाँ पे ये जो शेख भाई हैं शेख भाई आते हैं और कहते हैं कि सर मेरे को ना पचास किलो शुगर चाहिए आपके बल्क से मैंने कहा ठीक है कब भेजवा दू आज भेजवा दू कि कल भेजवा दू उसने बोला सर आज ही भेजवा दो तो अब मैं अपने बल्क में से जो पचास के निकाल के एक सैक में भरूंगा बोरे में भरूंगा बारदाने में भरूंगा क्यों तो भर रहा हूं मैं ताकि इसको मैं शेख जी के पास पहुंचा सकूं तो जब भी आप गुड्स का सिलेक्शन कर रहे हो जब भी आप क्या कर रहे हो गुड्स का सिलेक्शन कर रहे हो विथ द इंटेंशन उस इरादे से कि आप उसको यूज करोगे इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूज करोगे इन परफॉर्मेंस का मतलब अपने वादे को पूरा करने के लिए आप गुड्स को सिलेक्ट करके बारदाने में डाल रहे हो बरोबर है अब उसको बारदाने में डाल के आप एक टेम्पो वाले को पकड़ोगे या तो आप अपने खुद जो आपके पास गाड़ी होगी उसमें ड्राइवर को बोलोगे कि जा शेख को यहां से देखकर आ जा बरोबर है क्या ठीक है अब मेरी बात को ध्यान से सुनना अप्रोप्रिएशन राजा दो प्रकार का होता है कंडीशनल एक होता है अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन बरोबर है क्या कंडीशनल का मतलब क्या होता है मैंने गुड्स को बारदाने में भरा बारदाने में भरने के बाद टेम्पो वाले को पकड़ा और टेम्पो वाले को बोला कि ये ले गुड्स और लेके चले जाओ उसको किसके पास बायर के पास लेकिन बायर को ये गुड्स तब तक मत देना जब तक वो क्या ना दे दे पैसे ना दे दे इसको बोला जाता है कि आपने अप्रोप्रिएट किया बट कंडीशन ये लगाई कि ओनरशिप तब तक नहीं जाएगी जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे दैट इज नोन एज कंडीशनल अप्रोप्रिएशन बरोबर है क्या अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब सेलर ने डिलीवर कर दिया गुड्स को बायर को या तो कैरियर को दे दिया यानी कि या तो बायर को दे दिया या तो कैरियर ये टेम्पो वाले को दिया कि जा बायर बायर के पास गुड्स दे दे लिखा है नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ना तो बायर को देते वक्त बोला कि भैया ओनरशिप तब जाएगी जब तुम प्राइस दोगे ना तो टेम्पो वाले को बोला कि उससे प्राइस मांगना बोल, बोलता है कि रोज का मेरा व्यवहार है मेरा डेली का ग्राहक है बस गुड्स देके आ जाना पैसे वैसे की बात मत करना बाद में पैसे आ जाएंगे इसको बोलते हैं अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन जब आप ये है कि जब अपना ओनरशिप का राइट आप छोड़ नहीं रहे हो जब आप अपने अपने सेल सेल का राइट, सौरी, सौरी, अप सेल का राइट राइट सॉरी सॉरी जब आप छोड़ छोड़ रहे हो ओनरशिप ओनरशिप को छोड़ दिया, को दिया चिपका के नहीं रखा रिजर्व नहीं किया ओनरशिप को जाने दिया और गुड्स को भी जाने दिया इसको कहते हैं अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन बरोबर है क्या अब बात को ध्यान से समझना अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हुआ और असरटेनमेंट का मतलब तो आपको पता है गुड्स को आइडेंटिफाई करना अब देखो अप्रोप्रिएशन यानी कि अप्रोप्रिएशन एंड असरटेनमेंट इन दोनों को अगर मिलाएंगे अप्रोप्रिएशन एंड असरटेनमेंट इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे अप्रोप्रिएशन और असरटेनमेंट इन दोनों को मिलाएंगे तो चार कंडीशन निकलती एग्जाम्पल दूंगा और क्लियर करवा दूंगा ठीक है पहला बोलता है कि अगर अन असरटेन गुड्स है और कोई अन असरटेन गुड्स मांग रहा है तो जो भी डिस्क्रिप्शन का गुड्स है वो आपके पास प्रोड्यूसड ऑप्टेंड होना चाहिए हाँ मेरे पास बल्क में हंड्रेड के जी ऑप्टेंड है दूसरा वो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए हाँ अभी जब मैंने अप्रोप्रिएट करने के उसको सैक में मानता था तो डिलीवरेबल था अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट होना चाहिए हाँ मैंने कैरियर को भेजा तो कोई कंडीशन नहीं लगाई कि भैया पैसे मांग लेना दे देना बोला ठीक है चौथा पार्टी की असेंट होना चाहिए तो जाके ओनरशिप जाएगी चार कंडीशन पूरी होनी चाहिए बराबर है क्या अब बात को ध्यान से समझना ठीक है अब बात को ध्यान से समझना अरे वाह जी अवनीश काकड़े यानी कि ये सर्वेश काकड़े है और श्रुति कदम सर हम भी हम भी सिखाएं सिखाए जा रहा है फिर से अरे वाह जी वाह ये दोनों हमारे इंटर के स्टूडेंट है सीए इंटर में चौबीस के स्टूडेंट है समझना तो राजा देखो अर्जुन है अर्जुन के पास क्या है? शुगर बल्क में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो बीस बैग शुगर बेचेगा किसको प्रदीप को बेचेगा बोबर है क्या ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट अब अर्जुन क्या करता है बीस बैग शुगर को भरता है और प्रदीप को नोटिस देता है कि प्रदीप भाई साहब मैंने बीस बैग शुगर भर दिया है आके ले जाइए तो जैसे ही मैंने बीस बैग भरा तो भी भी हो गया ना राजा। भी हो गया गया ना ना राजा राजा जैसे ही मैंने बीस बैग को भरा तो क्या हो गया, सांग -सांग में हो, स्टेट में भी हो गया। तो अगर मैं कह सकता हूं अर्जुन ने बीस बैग भरा और नोटिस दिया असरटेनमेंट भी हो गया डिलीवरेबल स्टेट में भी है अब प्रदीप कहता है मैं एज सुन एज पॉसिबल आके लेके जाता हूं यानी कि प्रदीप ने क्या दे दिया असेंट दे दिया यानी कि मेरे अप्रोप्रिएशन मेरे वो भी अनकंडीशनल से और इसकी असेंट से जैसे ही उसने बोला जैसे ही उसने बोला कि मैं एज सुन एज पॉसिबल लेके जाऊंगा उसी समय उस बीस बैग ऑफ ओनर बीस बैग ऑफ शुगर में ओनरशिप पास हो गई अब अगर वो आता है दो घंटे बाद और तब तक चीटियां चढ़ जाती है एक बैग ऑफ शुगर में इसका जो नुकसान है वो कौन बियर करेगा वो बियर करेगा कौन प्रदीप बियर करेगा क्योंकि ओनरशिप तो तभी पास हो गई जैसी उसने क्या दिया असेंट दिया समझ में आ गया समझ में आ गया दोस्तों समझ में आ ग या दोस्तों एवरीबॉडी तो देखो भैया गुड्स ऑप्टेन था डिलीवरेबल स्टेट में था अनकंडीशनल अप्रोप्रिएट हुआ असेंट मिला ओनरशिप क्या हो गई पास ठीक है जीवन में आगे बढ़ते हैं सेल ऑन अप्रूवल भी हो गया अब आता है राजा सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स को ध्यान से समझना ट्वेंटी सिक्स अपने को क्या बोलता है राजा ट्वेंटी सिक्स अपने को बोलता है कि भैया देखो जैसे ही गुड्स में ओनरशिप जाती है वैसे रिस्क चले जाता है ये तो जनरल रूल है कि जैसे रिस्क गया वैसे ही सॉरी जैसे ही ओनरशिप गई वैसे रिस्क चले जाता है यानी कि जैसे ही मालिकाना हक गया तो उस गुड्स में जो भी नुकसान होगा वो नुकसान किसका होगा बायर का होगा ये तो जनरल रूल है बराबर है क्या ये तो जनरल रूल है ठीक है श्रिस्का जी कह रही है कि भैया फोन स्विच ऑफ आ रहा है कैसे स्विच ऑफ आ जाएगा जी तर, फोन स्विच ऑफ बता रहा है कॉल कर कैसे करे सब्सक्रिप्शन लेनी है तुरंत भैया करो योगेश ठीक है चलिए जीवन में आगे बढ़ते, बढ़ते तो जनरल रूल था। का मतलब क्या होता है राजा जनरल रूल का मतलब क्या होता है राजा फटाफट समझ के लेना जनरल रूल का मतलब क्या होता है फटाफट समझ के लेना जनरल रूल अपने क्या कहता है फोन स्विच ऑफ कर दिए थे क्या अरे जब यहाँ पे चल रहा है तो उसको चालू रखो ना कैसे कर रहे हो कौन है अभी साथ साथ में बाहर हाँ तो उनको रोको थोड़ी देर खत्म भी होगा तब तो, आ, तक कॉल वाला आएगा तो हाँ साढ़े सात तक रोक के रखो योगेश किधर हाँ ठीक है चलिए आइए जीवन में आगे आते हैं राजा अभी ऐसा रिस्क पास विद प्रॉपर्टी रिस्क पास विद प्रॉपर्टी का मतलब क्या है भैया ओनरशिप पास होने वाली बात है जैसे ही ओनरशिप गई रिस्क चले गया, ये जनरल रूल है लेकिन राजा इसके कुछ एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्या कहता है तीन परिस्थितियां ऐसी है जहां पे आपकी अगर ओनरशिप चले गई है तो रिस्क नहीं जा रहा है रिस्क चले गया तो ओनरशिप नहीं जा रहा है दोनों समझ पा रहे हो दोनों बाद, बाद में जा सकते हैं आइए बात को समझना दोनों बाद, बाद में जा सकते हैं एक आ रहा है कौन सा डिलेट डिलीवरी की बात आ रही है दूसरा आ रहा है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी और तीसरा आ रहा है यूजेज ऑफ ट्रेड आइए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ के देखिएगा डिलेट डिलीवरी की अपन बात करके लेते हैं जैसे कि मान लीजिए आपने किसी जूस शॉप वाले को बोला कि भाई मेरे को पांच लीटर ऑरेंज का जूस चाहिए मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं मेरे को दे देना बराबर है क्या अब अपन यहाँ पे मान के चलते हैं कि अगर जब वो पांच लीटर जूस बना के रखेगा उसमें ओनरशिप तब जाएगी जब आप उसका पैसा पे करोगे और जब आप घर लेके जाओगे आमतौर पर ऐसे ही होता है ठीक है तो भैया उसने पांच लीटर जूस बना के रखा ओनरशिप आपके पास तब जाती जब आप जाते हैं पैसे पे करते और जूस को लेके आते बट आपको जब उसने फोन किया आप उसके दो ढाई घंटे बाद जूस लेने के लिए ले गए तब तक वो जूस थोड़ा सा अनफ्रेश हो रखा था काला पड़ गया था खट्टा हो गया था वो जूस अब ये जो डैमेज हुआ है इसमें गलती किसकी है बायर की गलती है क्यों भाई तूने लेट किया ना वो तो बेचारा फोन कर दिया अब भले ही बायर तेरे पास ओनरशिप अभी नहीं आई है ओनरशिप तो तब आती जब तू पैसे पे करता और ओनरशिप लेता बट तेरी गलती की वजह से डैमेज हुआ है ना भले ही ओनरशिप आज किसकी है जूस शॉप वाले की है सेलर की है लेकिन जब डिलीवरी ऑफ गुड्स डिले हो रही है थ्रू द फॉल्ट ऑफ इधर बायर और सेलर गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट मान लो बायर दुकान पहुंच गया लेकिन दुकान ही बंद थी सेलर को फोन कर कर, कर बुलाया वो डेढ़ दो घंटे बाद आया जूस खट्टा हो गया तो ठीक है सेलर तू ही ओनर था अभी तो और तेरी ही रिस्क रहेगी लेकिन मान लो बायर की गलती थी बायर ओनर नहीं था लेकिन रिस्क उसका रहेगा जो डैमेज हुआ उसकी भरपाई बायर करेगा क्योंकि तेरी वजह से डिले हुआ तो डिले करने की वजह से अगर कोई डैमेज होता है तो भले पार्टी ओनर हो चाहे ना हो रिस्क उसको बियर करना पड़ेगा बोलो एक बार में समझ में आया बोरो एक बार में समझ में आया क्या लाला बोलो एक बार में समझ में आया क्या ठीक है अब लाला ऐसा है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज मान लीजिए मान लीजिए मैं यहां से पुणे से मुंबई कोई गुड्स भेज रहा हूं मुंबई वाला बोलता है कि छाबड़ा साहब आपके आना जो ड्राइवर है वो बहुत ज्यादा दारू वारू पी के गाड़ी चलाते हैं मेरे को ना भरोसा नहीं है उनके ऊपर एक काम करिए थोड़ा सा ना इसको बदलते हैं एक स्पेशल एग्रीमेंट करते हैं जैसे ही आप सामान लोड करेंगे ना ट्रक में रिस्क जो रहेगा मेरे पास ओनरशिप आ जाएगी सामान लोड करते ही ओनरशिप मेरे पास आ जाएगी मुंबई वाले के पास लेकिन बोले जब तक है लेकिन सामने वाले के पास ओनरशिप चले गईप्शन है यहाँ पे ओनरशिप और रिस्क साथ में नहीं जा रहा ये एक्सेप्शन है इसका उल्टा कर देते हैं अब मैं ऐसे बोलता हूं कि भाई देखो मुंबई वाले भाई साहब रास्ते खराब है पुणे के लोग ना उठपटांग मेरा ड्राइवर अच्छे से चलाएगा तो बाकी ड्राइवर उठपटांग चलाएंगे ट्रक को तो कैसे चलेगा अब उल्टा करते हैं जैसे ही सामान लोड होगा ना रिस्क आपका हो जाएगा सामान लोड होते ही रिस्क आपका हो जाएगा मेरी ओनरशिप रहेगी बरोबर है क्या रिस्क सामान लोड क्या रिस्क आपका उल्टा कर दिया यानी कि जब तक सामान रास्ते में आपका रिस्क जो भी नुकसान हुआ आप भरपाई करोगे ओनरशिप आपके पास तब जाएगी जब सामान पहुंच जाएगा उसके बाद ओनरशिप जाएगी तो पार्टी स्पेशल एग्रीमेंट करके ये स्टिपुलेट कर सकते कि जो रिस्क है या तो वो कुछ दिन टाइम आफ्टर या बिफोर जाएगा पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि यानी कि प्रॉपर्टी बाद में जाएगी या पहले जाएगी ये हम अल्टी पल्टी कर सकते हैं रिस्क पहले भी जा सकता है बाद में भी जा सकता है तो सर ये तो अपने को क्लियर हो गया एक आता है ट्रेड कस्टम ट्रेड कस्टम में क्या होता है राजा जो सब्जी मंडी वाले होते हैं ना इनका एक कस्टम है जब भी आपको सब्जी आई है कुछ टमाटर दब गए कुछ आलू खराब हो गए पिचक गए ये आप ही का नुकसान है इसमें सेलर का कोई लेना देना नहीं है जब आप सब्जी मंडी जाओगे तो देखना बोलता है अरे अम्मा कुछ बचता ही नहीं है बीस किलो तो डैमेज हो जाता है दो रुपए पर किलो में बचता है बरोबर है क्या ऐसे बोलता है वो बरोबर है क्या तो राजा ऐसा है कुछ कुछ जगह में ट्रेड कस्टम होते हैं कि ओनरशिप और रिस्क किसका रहेगा तो अलग अलग कस्टम में अपन डिटरमाइन करेंगे बराबर है क्या ठीक है हाँ ठीक है ठीक है विशाल गोयल जी ठीक है चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट तो राजा ऐसा है एक्सेप्शन क्लियर हो गया अपने को और आगे बढ़ के लेते हैं अब भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर समझ के लेना इसको कब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ओनर नहीं है लेकिन वो सामने वाले को ओनर बना सकता है इसका कंसेप्ट आपको सही तरीके से कोई समझाता नहीं है मैं आपको सही तरीके से इसका कंसेप्ट समझा के लेता हूं ध्यान से समझना वैसे तो इसको बोलते हैं मतलब क्या होता है नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन अब इसका कंसेप्ट को समझ के लेना यहाँ पे समझो अर्जुन है अर्जुन का आईपैड है तो अर्जुन ओनर है अगर अर्जुन है अर्जुन का आईपैड और अर्जुन ओनर है यानी कि अर्जुन का इस आईपैड में गुड टाइटल है गुड टाइटल यानी कि मालिकाना टाइटल है बट इसको गुड टाइटल बोलेंगे अब भरत नाम का एक व्यक्ति है वो आईपैड को चोरी कर लेता है मेरा आईपैड है भरत चोरी कर लेता है अब भरत का टाइटल क्या हो गया थीफ वाला हो गया चोर वाला हो गया अब ऐसा है भरत के टाइटल को क्या बोला जाएगा डिफेक्टिव टाइटल अब भरत यही आईपैड को किसको बेच रहा है विजय को विजय आईपैड खरीद रहा है तो क्या भरत जो खुद चोर है सामने वाले को एक टाइटल दे देगा क्या ओनर का बेटर टाइटल देगा क्या नहीं बेटर टाइटल नहीं दे पाएगा ये भरत जो है, ये जो है है ये 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 विजय बेटर टाइटल नहीं पाएगा ये ओनर वाला टाइटल नहीं पाएगा समझ पा रहे हो बेहतर टाइटल कि भाई तुम खुद क्या हो तुम खुद क्या हो चोर हो तो चोर कैसे ओनरशिप देगा तेरे पास चोर का टाइटल है बेहतर टाइटल ओनर का है बेहतर टाइटल तू नहीं दे पाएगा क्यों क्योंकि सामने वाला जो बेच रहा है वो खुद चोर है भरत चोर है तो विजय भी क्या बनेगा चोर बनेगा बेटर टाइटल आप नहीं दे सकते है क्या बेटर टाइटल वही व्यक्ति दे सकता है जो खुद ओनर है ओनर Owner, ओनरशिप दे सकता है चोर चोरीशिप दे सकता है बराबर है क्या प्लेज वाला जो व्यक्ति है प्लेजी वो प्लेजी का टाइटल दे सकता है तुम खुद चोर थे तो सामने वाले को ओनर का टाइटल नहीं दे सकते सामने वाला भी चोर बनेगा तो अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन कहता है कि सामने वाला भले ही ओनर नहीं है लेकिन सामने वाले को ओनर बना सकता है जैसे मर्केंटाइल एजेंट है खुद टाइटल कौन सा रखा है एजेंट वाला लेकिन सामने वाले को अपने से बेहतर टाइटल दे रहा है ओनर बना दे रहा है कैसे आओ समझते हैं इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है भले ही सामने वाला गुड फेथ में लेगा फॉर वैल्यू लेगा अगर सामने वाले के पास टाइटल नहीं है जो बेच रहा है उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा आओ अब इसके एक्सेप्शन पढ़ते हैं सबसे पहला एक्सेप्शन है जो प्रोविजो टू सेक्शन नंबर ट्वेंटी सेवन में ध्यान से समझना प्रोविजो अपने को क्या कहता है चार तीन कंडिशन, चार तीन कंडीशन कंडीशन आपको पूरी करना है जैसे कि मान लो मेरे पास एक सेकेंड हैंड कार है सेकेंड हैंड कार नहीं कार तो मेरी न्यू है मैं उसको बेचने के लिए ओम कन्नानी जी को दे देता हूं ओम कन्नानी जी का सेकेंड हैंड गाड़ी को खरीदने बेचने का काम है ओम कन्नानी जी क्या हो गए मर्केंटाइल एजेंट हो गए बरोबर है क्या अब ऐसा है राजा मर्केंटाइल एजेंट जो है क्या है मर्केटाइल एजेंट यानी कि ओम कन्ना मैंने ही उसको गाड़ी दी कि भाई तू गाड़ी को बेच तो उसके पास क्या है गाड़ी का पोजेशन है गाड़ी का पोजेशन किसकी कंसेंट से मेरी कंसेंट से दूसरा मर्केटाइल एजेंट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है वही हैंड गाड़ी को खरीदने बेचने का ही काम करता है अब कोई बायर आया वो ओम कन्नानी जी को ही इस गाड़ी का मालिक मान रहा है गुड फेथ में और पैसे देके गाड़ी ले जाता है ओम कन्नानी जी को मैंने बोला था पांच लाख के नीचे गाड़ी को बेचना मत ओम कन्नानी जी ने इसको दो लाख पचास हजार रुपए में बेच दिया सामने वाला को बिल्कुल नहीं पता था बिल्कुल नहीं पता था कि ओम कन्नानी के पास कोई नहीं ढाई लाख में बेचने के लिए उसको ये बात की जानकारी नहीं थी बेचारा गुड फेथ में लिया ढाई लाख रुपए गया उसको नहीं पता था कि अर्जुन ने इसको पांच लाख बोला है तो पहला मर्केंटाइल एजेंट के पास पोजेशन है गुड्स का पोजेशन मेरी कंसेंट है मर्केंटाइल एजेंट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी यही है सामने वाला बायर गुड फेथ में खरीद रहा है पैसे देके खरीद रहा है और उसको कोई जानकारी नहीं है कि ये ओम कन्नानी जी ढाई लाख में नहीं बेच सकता जबकि उसके अर्जुन ने पांच लाख में बोला है तो भैया उसको कोई जानकारी नहीं तो चारों कंडीशन अगर पूरी होती है तो मर्केंटाइल एजेंट 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 जो है जिसके पास एजेंट का टाइटल है वो ओनर का टाइटल ट्रांसफर कर रहा है फील कर पा रहे हो एजेंट बेटर टाइटल दे पा रहा है ओनर का टाइटल दे पा रहा है समझ पा रहे हो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो ठीक है एवरीबॉडी ठीक है ये हो गया मर्केंटाइल एजेंट कब ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है अच्छा इस पे ही एक आपको क्वेश्चन देता है इंस्टीट्यूट कि मान लो मर्केंटाइल एजेंट अगर माइनर है तो क्या होगा और मेजर है तो क्या होगा अब मैं क्या करता हूं ओम कन्नानी जी से ढाई लाख रुपए रिकवर कर सकता हूं लेकिन यही ओम कन्नानी जी अगर क्या होते माइनर होते तो मैं इनसे एक रुपए भी रिकवर नहीं कर पाता क्योंकि एजेंट माइनर जो है एजेंट बन सकता है लेकिन प्रिंसिपल को लाइबल रहता नहीं है जीवन में आगे बढ़ते बेटा फटाफट बात को ध्यान से सुनना सेल बाय जॉइंट जॉइंट ओनर ओनर अब का मतलब क्या है जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए दीपक है और अंशुल है दोनों जॉइंट ओनर है एक स्विफ्ट कार के बारे है क्या दोनों जॉइंट ओनर है एक स्विफ्ट कार के अंशुल जी दीपक को बोलते हैं दीपक भाई आज मेरे को कार की जरूरत है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ डांसिंग कार में बरोबर है क्या जो दीपक बोला ठीक है भाई ले जा तेरी कार है कभी मैं चलाऊंगा कभी तू चलाएगा क्योंकि दोनों आधे आधे ओनर है ज्वाइंट ओनर है बरोबर है क्या अब देखो क्या हुआ वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर यानी कि कौन अंशुल ओनर है वो सोल पोजीशन में है विद द परमिशन ऑफ को ओनर दीपक को बोल के गाड़ी लेके आया अब दीपक को बोल के लाया कि मैं डांसिंग कार में जा रहा हूं और अब गाड़ी बेच रहा है ललित जी को ललित को बोल रहा है कि गाड़ी में दो लाख में बेचना चाह रहा हूं ललित को पता ही नहीं है कि इसका एक मालिक कौन है कौन दीपक तो अगर गुड्स को बेच रहा है सामने वाला गुड फेथ और वैल्यू में ले रहा है तो ललित क्या बन जाएगा ओनर बन जाएगा पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे ये राजा कार को बेचने के लिए परमिशन नहीं चाहिए को ओनर से कार की सोल पोजेशन के लिए परमिशन चाहिए को ओनर से और फिर सामने वाला गुड फेथ में ले लेगा फॉर वैल्यू ले लेगा ले 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 तो वो ओनर तो तुम समझो एक पार्ट ओनर जो है क्या है एक पार्ट ओनर जो है एक पार्ट ओनर जो है वो बेहतर टाइटल दे रहा है एक पार्ट ओनर जो है वो बेहतर टाइटल दे रहा है कौन सा वाला टाइटल दे रहा है ओनर वाला यानी कि आधा ओनर पूरा ओनरशिप दे रहा है इसी को बोल रहे हैं ट्रांसफर बाय नॉन ओनर पूरा ओनर नहीं है तू आधा ओनर सामने वाले को पूरा ओनर बना रहा है बराबर है क्या ठीक है ठीक है मिस्टर इनविजिबल कह रहा है आपने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया बेटा तू तो गुमनाम है भाई तेरा नाम ही गुमनाम है इनविजिबल क्या है कोई नाम है बता ठीक है जीवन में आगे बढ़ते राजा फटाफट आते हैं सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन पे सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन ठीक है 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 ध्यान से बात को समझना सेक्शन नंबर पे आते हैं राजा सेक्शन नंबर ट्वेंटी सेल बाय पर्सन इन पोजीशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ध्यान से मेरी बात को सुनना मान लीजिए ये जो ऋषि जी हैं बराबर है ऋषि जी जो है एक गोल्ड शॉप के अंदर जाते हैं और अपने आप को मुकेश अंबानी का भतीजा बताते हैं ऋषि जी वहां से ले लेते हैं कौन सा वाली बारह लाख रुपए की सोने की चेन लेते हैं और चेक से पेमेंट करते हैं सामने वाला भी थोड़ा सा चमक जाता है कि अरे भैया मुकेश अंबानी का भतीजा आया हुआ है तो चेक से पेमेंट कर रहा है मान लो मना कर दूंगा बुरा बुरा मान जाएगा मेरी दुकान उकान बंद करवा देगा भैया ठीक है तो बेचारा क्या ले लेता है बारह लाख रुपए का चेक से पेमेंट लेता है अब वो चेक डिपॉजिट करवाता है चेक बाउंस हो जाता है वो बारह लाख का बारह रुपए नहीं रहता है उस अकाउंट में जिसका चेक दिया था ये तो अब ऋषि जी मान लो इसी गुड्स को क्या कर रहे है? सेल कर रहे हैं तो कुछ कंडीशन है सबसे पहले जो ऋषि जी हैं उनके पास पोजीशन में है गुड्स कौन सा गुड्स है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला क्यों तूने फ्रॉड करके लाया तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला हो गया दूसरा अभी तक उस ज्वेलरी शॉप वाले ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है यानी कि अभी तक उसको नहीं कराया नहीं कराया, और जो ऋषि जी है उसको सेल कर देते हैं बायर को बायर गुड फेथ में लेता है और वैल्यू के लिए ले लेता है बायर को कोई नॉलेज नहीं है कि भैया ये तो अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला है तो बायर के पास ओनरशिप चले जाएगी लेकिन तब जाएगी जब तक एफ लॉज नहीं हुई है एफआईआर लॉन्च होने के बाद अगर सेल हुआ है तो वो सेल वैलिड मानी नहीं जाएगी साफ यहाँ पे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट को अभी तक रिसाइन नहीं किया अवॉइड नहीं किया है तो ही ऐसा होगा क्लियर है दोस्तों क्लियर है क्या दोस्तों एवरीबॉडी क्लियर है क्या फटाफट बताइए क्लियर है क्या चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा है देखो ऑल कंडीशन पूरी होगी तो बेटर टाइटल चले जाएगा यानी कि एक वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला व्यक्ति वैलिड टाइटल दे रहा है ठीक है अब देखो एक से थर्टी वन है थर्टी टू में बोल रहा है सेल बाय बायर पोजीशन बिफोर प्रॉपर्टी पासेस बराबर है क्या जैसे आनंदिता जी है मैंने तीन दिन के ट्रायल पे दिया था उसने पोजीशन तो मेरे से ले लिया था बराबर है क्या और पोजीशन जिसने ले लिया है उसके पास ओनरशिप नहीं है अब आनंदिता जी को मैंने बोला था पांच लाख में गाड़ी दूंगा आनंदिता जी ट्रायल पीरियड में थी बराबर आनंदिता जी को एक नया व्यक्ति मिलता है अंशुल कहता है नया गाड़ी लिए क्या बोले हाँ तो आनंदिता जी कहती है कि नया गाड़ी ली हो तो अंशुल अन, बोलता है कितने में बोले सात लाख रुपए में अंशुल बोलता है सात लाख रुपए मैं दे देता हूँ मेरे को गाड़ी दे दे आनंदिता जी के मन में लड्डू फूटा कि भाई मैं तो अभी गाड़ी ली भी नहीं हूं मैं तो पांच लाख की बात की थी सात लाख का ग्राहक खड़ा हुआ है सात लाख में गाड़ी बेच दी खुद ओनर नहीं है लेकिन सामने वाले को ओनरशिप दे दी है सेम बात अगर अंशुल जी को नहीं पता कि भैया आनंदिता जी अभी ओनर नहीं है गुड फेथ में वैल्यू में खरीद लेता है हो गया ओनरशिप पास हो गई आनंदिता जी ने ट्रांजेक्शन कर लिया जिससे यह पता चल गया कि आनंदिता जी उसको लेना चाहती थी और तुरंत ट्रांसफर कर दी ओनरशिप इसको भी बोलते सेल बाय नॉन ओनर ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है सेक्शन 31 में जाते हैं अब ये देखो क्या बोल रहा है सेल बाय ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स गुड्स को बेच चुका हूं लेकिन पोजिशन कंटिन्यू है बराबर है क्या गुड्स को बेच चुका हूं लेकिन पोजीशन जो है गुड्स को बेच चुका हूं लेकिन पोजीशन जो है हमारा वो क्या कंटिन्यू अब ये कब होता है समझना मान लो आप एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हो या सुपर मार्केट में जाते हो ग्रोसरी स्टोर और सुपर मार्केट वाला क्या करता है ग्रोसरी स्टोर और सुपर मार्केट वाला क्या करता है आपको पूरा सामान दिया आप बोलते हो भैया हम आगे की दुकान से आ रहे हैं पैसा रख लो और ये सामान को यही रहने दो मान लो आपके सामान में मैगी है टोमेटो केचप है दाल है आटा है ये सारी चीजें है कुछ परफ्यूम है सब आपने रखा दूसरा ग्राहक आया कहता है मेरे को टोमेटो केचप चाहिए वो देखता है कि मेरे पास तो अलमारी में खत्म हो गया टोमेटो केचप लेकिन उसको ये दिख रहा है कि सामने देखो बैग में मैंने ग्राहक को दिया था ओनरशिप जा चुकी है लेकिन पोजीशन किसके पास है सेलर के पास आपके ही बैग में से टोमेटो केचप निकालेगा और दे देगा ग्राहक को और आपके बैग में क्या करेगा दूसरा गो डाउन से लाके दूसरा केचप डाल देगा तो ऐसा व्यक्ति जिसने ओनरशिप ऑलरेडी आपको दे रखी लेकिन पोजेशन रखा हुआ था वो बायर को बेच देगा बायर गुड फेथ में खरीदेगा फॉर वैल्यू खरीदेगा गुड फेथ का मतलब उसको नहीं पता ही ऑलरेडी बिका हुआ है तो न्यू वाला गुड फेथ और वैल्यू में खरीदा न्यू वाले बायर को ओनरशिप चले जाएगी तो देखो सेलर के पास पोजेशन है गुड्स की आफ्टर सेल ठीक है विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी है ठीक है सेलर गुड्स को सेल कर रहा है न्यू बायर को जो ऑलरेडी सोल्ड है ठीक है न्यू न्यू बायर बायर कर रहा है है को कोई नॉलेज नहीं कि गुड ऑलरेडी बिक चुका है, तो न्यू बायर के पास ओनरशिप चले जाएगी इज क्लियर टू एवरीबॉडी ठीक है ये था सेक्शन नंबर थर्टी हैं टाइटल ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर यानी कि ये कौन सा स्टॉपिल वाला है मेरी गाड़ी है मेरी गाड़ी को चला ललित जी रे मैं बाजू में बैठा हुआ हूं बराबर है दीपक जी मिलते हो ललित जी से पूछते रहे ललित भाई नया गाड़ी लिए क्या बोले हाँ तो दीपक बोल रहा है तेरा चेहरा देख के लग तो नहीं रहा तू नया गाड़ी लिया है तो फिर मेरे को ललित जी बोलते सर बताओ इसको मेरी गाड़ी है मेरा हाँ, हाँ, यार इसी की गाड़ी है बरोबर है क्या अब मैंने दीपक जी को ये रिप्रेजेंट कर दिया कि ललित जी ही इस कार के ओनर है बरोबर है क्या अब ललित जी मान लो दीपक को का, जाके कार दो लाख में बेच आते हैं और दीपक खरीद लेता है अब मैं दीपक के पास जाके बोल नहीं सकता कि दीपक भाई ओ दीपक भाई कार को वापस करो कार का ओनर मैं हूं दीपक क्या बोलेगा सर वंस यू हैव मेड एनी स्टेटमेंट यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दैट स्टेटमेंट रूल ऑफ स्टॉप पर लगेगा नॉन ओनर ने कार बेच दी तो ट्रू ओनर यानी कि मैं अपने कंडक्ट से अपने एक्ट या ओमिशन से अगर बायर को बिलीव करवा देता हूं कि सेलर के पास अथॉरिटी टू सेल और इंड्यूसड बायर टू बाय द गुड्स तो भाई गई गाड़ी बरोबर है क्या ठीक है अब आता है सेल अनपेड सेलर ये चौथे यूनिट में अभी कवर हो जाएगा सेल बाय अनपेड सेलर

सेल बाय पॉनी पॉनी का मतलब है जिसको हमने सिक्योरिटी में गुड्स दी है अगर हम उसका पैसा वापस नहीं करते वो बेच सकते हैं उसको ठीक है जी समझ में आया अब आती है राजा डिलीवरी की बात बात को समझ रहा बिल्कुल ध्यान से डिलीवरी राजा तीन प्रकार की होती है एक होता है एक्चुअल एक होता है कंस्ट्रक्टिव एक होता है सिंबॉलिक इसका कोई रोल नहीं इसका कोई रोल नहीं क्वेश्चन बनता है कंस्ट्रक्टिव से क्योंकि मसाला ही कंस्ट्रक्टिव में एक्चुअल का मतलब क्या है ये लो ओम कन्नानी जी माइक ले लो और मेरे को दे दो पांच हजार रुपए बरबर है क्या यहाँ पे सेल भी हो गया डिलीवरी भी हो गया इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी बरोबर है बरो क्या एक आता है सिंबोलिक डिलीवरी सिंबॉलिक डिलीवरी अगर मैं कार बेच रहा हूं तो कार आपकी छाती में तो नहीं रखूंगा कार की एक्चुअल डिलीवरी हो भी नहीं सकती है कार की मेरे को आपको चाबी देना पड़ेगा ये एक इशारा है कि मैं तेरे को कार की डिलीवरी दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाबी दे रहा हूँ गोडाउन में गुड्स रखा हुआ है गोडाउन की गुड्स की डिलीवरी देना है तो गोडाउन की चाबी दे दूंगा इसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी पक्की बात अब बात आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की अब इसको ध्यान से समझना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है एक्चुअल कस्टडी चेंज नहीं हो रही गुड्स की लेकिन डिलीवरी हो रहा है एग्जांपल समझ के लेना मैं एक बना लेता हूं अंशुल जी को एक बना लेता हूं ओम जी को और एक बना लेता हूं ललित जी को बिल्कुल बात को ध्यान से समझना अंशुल वेयर हाउस वाला है अंशुल ओम का ओम का हंड्रेड के जी ऑरेंजेस अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखा हुआ है अब ओम ने क्या किया इस हंड्रेड के जी ऑरेंज को ललित को बेच दिया सेल कर दिया बराबर है तो ओम ने क्या किया ओम के पास जो जो वेयर हाउस का सर्टिफिकेट होगा ना रिसिट होगी जहां पे लिखा है कि वेयर हाउस में आपका हंड्रेड के जी ऑरेंज है तो ओम ने उसी वेयर हाउस की रिसीट के पीछे इंडोर्स टू ललित कर दिया और इंडोर्स टू ललित करके अंशुल को एक लेटर लिख के भेज दिया कि अंशुल भाई ये जो हंड्रेड के जी ऑरेंज है ना मैंने ललित को भेज दिए अब जो भी आगे का भाड़ा होगा तो ललित से लेना अब अंशुल जो है वो ललित को नोटिस दे रहा है कि ललित भाई साहब मेरे को ओम के के द्वारा नोटिस आया कि आप अब इस गुड्स मालिक है मैं आपके भी हाफ में गुड्स को होल्ड करके रख रहा हूं जैसे ही नोटिस दिया अंशुल ने ललित को कि सर आपके लिए मैं होल्ड कर रहा हूं उसी वक्त कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई यानी कि जो गुड्स पहले ओम के लिए होल्ड करता था अंशुल अब वही गुड्स अंशुल किसके लिए होल्ड कर रहा है ललित के लिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी गुड्स आज भी वही हैं कोई उसकी कस्टडी में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन पहले ओम के लिए होल्ड कर रहे थे अब ललित के लिए होल्ड कर रहे हैं तो जैसे ही जो अंशुल है वो ललित को क्या करेगा एक्नॉलेज करेगा नोटिस देगा कि मैं अब आपके लिए गुड्स रख रहा हूं उसी समय डिलीवरी हो जाएगी बराबर है क्या ठीक है अब मेरी बात को समझ रहा तो देखो लिखा है डिलीवरी इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी कस्टडी में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन डिलीवरी हो गई एक्चुअल पोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन डिलीवरी हो गई उसको बोलते कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी 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 या बाय ध्यान से और समझना कब प्लेस होती है बोले जब पर्सन जो पोजेशन ऑफ गुड्स में कौन सा पर्सन पोजेशन में था अंशुल जब वो क्या करता है बिलोंगिंग टू सेलर कौन है सेलर यहाँ पे ओम तो यानी कि पोजेशन ऑफ गुड्स यानी कि कौन अंशुल कौन है यहाँ पे ओम तो बोले बिलोंग कर रहा है सेलर को एक्नॉलेज कर रहा है बायर को बायर कौन ललित कि भाई मैं तेरे लिए गुड्स को होल्ड करके रख रहा हूं उसी समय ललित के लिए वो क्या हो जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाता है सेक्शन नंबर में आता हूं 44 में बरोबर है क्या अखिल कह रहा है अब आपके बारे में पता चला तो बस आपसे अच्छा कोई नहीं है पता नहीं लोग उनके पास क्यों जाते हैं शायद बस उन्हें देखने के लिए जाते होंगे समझ सकते हो आप सर ठीक है भाई समझ गया मैं किसकी बात कर रहा है तू ऐसा मैं मान रहा हूं कि मैं समझ गया हूं लेकिन शायद मैं नहीं मान पा रहा हूं सेक्शन नंबर समझना लाइबिलिटी ऑफ बायर अगर बायर नेग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है तो डिलीवरी लेने के लिए इसका एग्जाम्पल समझ के लेना हंड्रेड के शुगर थी मेरे पास उसमें से पचास के जो है ऋषि भाई साहब लेने वाले मेरे से बरोबर है क्या मैंने पचास के पैक करके रखा ऋषि भाई साहब को बोल दिया कि भाई आके ले जाना ऋषि भाई साहब बोलते हैं कि ठीक है मैं आके ले जाऊंगा एक दिन 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 हो 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 गया 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 दो तीन अभी तक ऋषि भाई साहब आए नहीं है मेरे पास भी इतनी जगह नहीं है स्टोर करने के लिए बराबर है क्या तो अब मेरे को उसको किसको देना पड़ेगा भैया किसी वेयर हाउस में स्टोर करवाना पड़ेगा नहीं तो चीटी वीटी चढ़ जाएगी बाहर रखूंगा धूप में खराब हो जाएगा बारिश गिर जाएगी बरोबर है तो ऐसा है राजा जो बायर है वो लायबल रहेगा सेलर को जो बायर है वो लायबल रहेगा सेलर को अगर कोई लॉस होता है उसके नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल की वजह से टू टेक डिलीवरी भाई जब मैं तेरे को बोल दिया सामान रेडी है एक दिन हो गया दो दिन हो गया तीन दिन हो गया लेके ही नहीं जा रहे तो तेरे वजह से अगर सामान में कोई नुकसान होता है क्योंकि तू तु नेग्लेक्ट और रिफ्यूज कर रहा है तो और क्या लिखा है फॉर रीजनेबल चार्ज रीजनेबल चार्ज का मतलब क्या मेरे पास जगह नहीं थी मैं वेयर हाउस में स्टोर करवा के आ गया अब वेयर हाउस में स्टोर कराया तो उसका भी तो भाड़ा देना पड़ेगा तो एक तो जो लॉस हुआ है उसके लिए बायर लायबल रहेगा दूसरा जो रीजनेबल चार्जेस है उसके लिए भी लायबल रहेगा जैसे मान लो पचास के थी एक के में चीटियां चढ़ने लग गई तो मेरे को लगा भैया ये तो एक केजी नुकसान हो गया। मैं फोर्टी नाइन के जी को वेयर हाउस में रखवा देता हूं शायद बच जाएगा तो एक के का नुकसान और फोर्टी के का जो गोडाउन के चार्जेस है ये पूरा पूरा बायर देगा क्योंकि बायर की वजह से क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है ठीक है सर बायर कब लायबल रहेगा जब सेलर रेडी है और विलिंग है बोल रहा है भाई आके सामान लेके जा रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन बायर रीजनेबल टाइम में आके डिलीवरी नहीं ले रहा है तो जो जो भी भी नुकसान नुकसान हुआ और जो भी नुकसान को बचाने के लिए हमने reasonable charges के लिए हमने में किए भाड़ा किया सबके कौन रहेगा पे आके राजा आपका यूनिट नंबर तीन खत्म होता है यूनिट नंबर का तीन का ब्लूप्रिंट देखो कैटेगरी वन सेल ऑन अप्रूवल इंपॉर्टेंट है सेक्शन चौबीस सेल फॉर कैश ओनली इंपॉर्टेंट है रिस्क पासेज विद प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल पूरा इंपॉर्टेंट है लायबिलिटी ऑफ बायर जो अभी पढ़ा सेक्शन 44 फोर इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कैटेगरी में इसके अलावा सारी थिंग इसमें रहेगी रेस्ट कैटेगरी एक बार पढ़ के जाओगे तो चलेगा ठीक है आते हैं राजा यूनिट नंबर फोर पे लास्ट यूनिट है आज के दिन का यूनिट नंबर फोर जो बात करता है अनपेड सेलर की बरोबर इससे राजा आज तक जो क्वेश्चन आया ना दस में से एक ही बार मेरे ख्याल से एक बार भी ढंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है टोटल टोटल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है डायरेक्ट बताओ इसमें क्या क्या होगा उस क्या होगा उसमें तो यूनिट टू और यूनिट थ्री ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ज्यादा पूछता है और आजकल सेक्शन नंबर चार से भी पूछने लग गए यूनिट में में लेकिन इसमें में से नौ बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है बराबर है क्या ठीक है जीवन में आगे बढ़ते राजा फटाफट अनपेड सेलर में आता हूं फटाफट में अनपेड सेलर के अंदर सेक्शन फोर्टी में अनपेड सेलर की क्या दी गई है डेफिनेशन किसको अनपेड सेलर बोलते हैं भैया ऐसा व्यक्ति जिसको उतना पैसा नहीं मिला है नॉन पेमेंट है यानी कि क्या भाई मैं दस हजार का गुड्स बेचा मेरे को नौ हजार नौ सौ निन्यानवे मिले एक रुपए के लिए मैं अनपेड सेलर हूं देखो लिखा है प्राइस पे नहीं हुआ अगर सब्सटेंशियल पोर्शन पे हो गया है, सिर्फ स्मॉल बैलेंस एक रुपए बचा हुआ है फिर भी अनपेड सैलरी कहलाएगा दूसरा क्या डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको प्रोमिसरी नोट दिया मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपका एक्सेप्ट किया और आपको मैंने चेक दिया यानी कि कंडीशनल पेमेंट बोलते हैं मैं आज पेमेंट नहीं कर रहा हूं कंडीशनल पेमेंट है कि चेक डिपॉजिट कर लेना प्रॉमिसरी नोट दिया इस दिन पेमेंट कर दूंगा

अनपेड सेलर को या तो डायरेक्ट पैसे नहीं मिले या तो कंडीशनल पेमेंट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो 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 गया 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 पैसे ना मिले तो वो क्या अनपेड अनपेड सेलर सेलर अब समझना राजा के कुछ राइट्स हैं अनपेड सेलर के कुछ राइट्स हैं एक राइट्स उसके हैं गुड्स के खिलाफ और एक राइट्स हैं बायर के खिलाफ बायर के खिलाफ क्या राइट रहेगा भाई प्राइस पे कर प्राइस डिले करके पे किया तो इंटरेस्ट पे कर और डैमेज भी मांग सकते हो मैं बताना चाहता हूं जब आप प्राइस का क्लेम करोगे तो ही आप इंटरेस्ट का क्लेम ले सकते हो जब आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम कर रहे हो तो डैमेज में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता जब आप नुकसान का क्लेम कर रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा प्राइस के क्लेम में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है तो ये बायर के खिलाफ के राइट है प्राइस प्लस इंटरेस्ट और अपना डैमेज वाला ठीक गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट है बात को ध्यान से समझना गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट है इसको समझना गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट है इसको समझना गुड्स अपने को बोल रहा है जब प्रॉपर्टी इन गुड्स पास हो गई है किसको बायर को जब बायर को ओनरशिप चले गई है तो तीन राइट right मिलते हैं गुड्स के खिलाफ एक राइट ऑफ लियन मिलता है दूसरा एक राइट ऑफ लियन मिलता है दूसरा अपने को मिलता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और तीसरा अपने को मिलता है राइट ऑफ रीसेल ध्यान से समझना गुड्स के खिलाफ तीन राइट राइट ऑफ लियन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट right ऑफ अपने को मिलता है रीसेल अब देखो राइट ऑफ लीन कब आपको मिलेगा जब आपकी ओनरशिप जा चुकी है जैसे मैंने आपको शिप का एग्जांपल दिया था डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था डिलीवरेबल स्टेट में जैसे ही हुआ नोटिस दे दिया बायर को तो ओनरशिप पास हो गई अब ओनरशिप पास हुई किसके पास बायर के पास बायर के, आ, के, पा, बायर के पास लेकिन पोजिशन आज भी किसके पास है सेलर के पास सेलर क्या कहेगा कि जब तक तू पैसे पे नहीं करेगा तब तक, तक मैं शिप को नहीं दूंगा इसको बोलते राइट ऑफ लीन कि पैसा जब तक नहीं मिला है तो माल गुड्स अपने कब्जे में रहेगा ये होता है राइट ऑफ लीन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होता है जब आपने अपने अपने पोजीशन दे दिया है रास्ते में पोजीशन मैंने 100 केजीज ऑफ ऑरेंजेस को पुणे से मुंबई भिजवा दिया है मैंने अपना राइट right छोड़ दिया है पोजीशन छोड़ दी है यानी कि अभी माल रास्ते में है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इन ट्रांजिट मानी अभी माल अभी रास्ते में है माल अभी रास्ते में है जो बायर है ना राजा वो बायर जो है वो इनसॉल्वेंट हो गया तो जब मैंने अपना पोजीशन छोड़ दिया है अभी गुड्स कहां पे है रास्ते पे है और बायर इंसॉल्वेंट हो गया है तो मैं रास्ते के माल को रोक सकता हूं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लेकिन मान लो बायर ने लॉफुली या उसके एजेंट ने अभी उसके पोजीशन ले लिया तो ट्रांजिट खत्म ट्रांजिट खत्म तो राइट खत्म क्योंकि राइट आपको मिल रहा है ट्रांजिट में अब बात को ध्यान से समझना राजा जो पहला वाला राइट है ना पहला वाला पहला वाला राइट कौन सा है अपना बताओ पहला वाला राइट कौन सा है लियन वाला जैसे ही लीन खत्म होता है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होता है बराबर है ना क्योंकि जब तक लीन है तो स्टॉपेज की बात नहीं है लीन कब खत्म होता है पोजीशन जाती है तो लीन खत्म पोजीशन कब जा रहा है जब आप गुड्स को छोड़ रहे हो तो जहां से राइट ऑफ लीन खत्म होता है वहां से स्टॉपेज इंड ट्रांजिट शुरू होता है बरोबर है तो एक राइट ऑफ लीन है दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप तब कर सकते जब हो जब बायर इंस्टॉलमेंट है और आपने गुड्स की पोजेशन छोड़ दी है

अनपेड सेलर के पास गुड्स की पोजिशन है वो रिटेन कर सकता जब तक उसको क्या नहीं मिलता प्राइस कौन कौन सी सिचुएशन में अरे भैया मैंने शिप बेची लेकिन शिप को मैंने कोई क्रेडिट में थोड़ी बेचा तो मैंने गुड्स को बेच दिया ओनरशिप चले गई जैसे मैंने उसको नोटिस किया कि भैया डिलीवरेबल स्टेट में आ गया है बराबर है क्या तो मैंने कोई क्रेडिट में थोड़ी बेचा जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं शिप को नहीं छोड़ूंगा जब गुड्स को आपने क्रेडिट में बेचा लेकिन क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया तीसरा बायर ही इंस्टॉलमेंट हो गया तो बात ही खत्म हो गई जब पैसे मिलेंगे ही नहीं वो इंस्टॉलमेंट हो गया तो मेरी

मान लो सामने वाला प्राइस दे दिया लेकिन आपके गोडाउन के चार्जेस नहीं दे रहा है गोडाउन चार्जेस के लिए लीन नहीं होगा सिर्फ प्राइस के लिए होगा लीन कैन बी एक्सरसाइज कोर्ट का ऑर्डर आ गया सेलर ने केस कर दिया बायर के बायर के के ऊपर खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि बायर आपको पैसे पे करने बायर आ रहा है और सेलर को बोल रहा है अब तो तेरे को कोर्ट का ऑर्डर भी मिल गया पैसे दे दूंगा गुड्स दे दे मैं बोलूंगा भाई कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह पैसे अपनी जगह कोर्ट के ऑर्डर आ गया इसका ये मतलब नहीं तेरे को गुड्स दे दूंगा कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी जब तक तू पैसे नहीं देगा तब तक मैं लीन करके रखूंगा ठीक है सर टर्मिनेशन कब हो जाएगा लीन का जब देखो आपने गुड्स कैरियर को दे दिया बेली को दे दिया बरोबर है क्या और अपना राइट रिजर्व नहीं किया बोले दे देना भाई रोज का ग्राहक है तो खत्म हो जाएगी लीन खत्म हो जाएगी बायर ने लॉफुली पोजेशन ले लिया तो खत्म हो गया ना लीन देखो दिखा ना टर्मिनेशन ऑफ लीन बायर लॉफुली पोजेशन ले लिया पोजेशन बायर के पास नहीं तो लीन खत्म हो गया बरोबर सेलर खुद ही वेव कर दे रहा है बायर आया और बायर बोलता है यार दे दूंगा ना पैसे रोज का ग्राहक यार दे दे यार तो सेलर बोलता है चल ठीक है रामू दे दे इसको गुड्स अपने रोज का ग्राहक है हमने खुद ही वेव कर दिया तो पहली कंडीशन जब अपन ने क्या किया गुड्स को बायर के पास भेजा लेकिन अनकंडीशनल अप्रोप्रिएट करके भेजा कंडीशनल नहीं है अनकंडीशनल दूसरा बायर ही लॉफुल पोजिशन ले लिया या सेलर ने अपना अपना जो लीन का राइट है वो वेव ऑफ कर दिया ठीक है अब बात करते राजा स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात को समझना कब स्टॉप होगा जब सेलर ने पोजीशन दे दी है इसको कैरियर को बोले जाओ बायर को दे दो और बायर क्या हो गया इंसॉल्वेंट अब सेलर स्टॉप कर सकता है गुड्स को जो ट्रांजिट में और पोजीशन को वापस पा सकता है ठीक है सर बायर सबसे पहले ये जरूरी है कि भाई जब गुड्स ट्रांजिट में आपने पोजीशन छोड़ दिया जब तक बायर इंसॉल्वेंट नहीं होता तब तक आप स्टॉपेज का राइट right एक्सरसाइज नहीं कर सकते दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपने गुड्स का पोजिशन छोड़ा गुड्स अभी ट्रांजिट में है गुड्स का पोजिशन छोड़ा गुड्स ट्रांजिट में और बायर क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया ये तीनों चीज पूरी होगी तब जाके स्टॉपेज होगा अगर आपने गुड्स का पोजिशन छोड़ा नहीं तो स्टॉपेज की बात ही नहीं आती गुड्स का पोजिशन छोड़ा गुड्स अभी ट्रांजिट में है और बायर क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया तो आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो ठीक है सर समझा अब सर क्या होगा नोटिस देना पड़ेगा तो जो टेम्पो चला रहा है जो कैरियर है या तो उसको नोटिस दोगे या तो उसके मालिक को नोटिस दोगे ये लिखा है पर्सन जो एक्चुअल पोजीशन में उसको स्टॉपेज का नोटिस दोगे या तो उसके मालिक को दोगे गुड्स है तब तक ट्रांजिट में माना जाएगा जब तक बायर या उसका एजेंट उसकी डिलीवरी नहीं ले लेता बराबर है क्या रीडिलीवरी का कॉस्ट कौन बियर करेगा सर गुड्स चले गया वापस आएगा तो कौन करेगा सेलर ही बियर करेगा रीडिलीवरी का कॉस्ट और अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ लीन लॉस्ट कर लिया है क्योंकि उसने पोजिशन ही तो जाने दो मैनर क्या रहेगा स्टॉप कैसे करोगे स्टॉप करने का तरीका ये रहेगा या तो आप खुद जाओगे रास्ते में जाओगे विंड डीजल के जैसे ड्रिफ्ट मार के ट्रक के सामने या टेम्पो के सामने गाड़ी रोकोगे अपना सामान लोगे वापस आ जाओगे या तो नोटिस दे दोगे उस व्यक्ति को जिसके पास कैरियर के पास, के पास गुड्स है कि भाई वापस ले आना ठीक है सर अब आता है राजा, राजा राइट ऑफ रीसेल स्टॉपेज एंड ट्रांसमिट हो गया राइट ऑफ रीसेल अपने को क्या बोल रहा है समझना रीसेल भी कब होगा जब आपके पास पोजेशन है पोजेशन कैसे होगा या तो लियन करके पोजेशन होगा या तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके या तो करके, या तो तो लियन करके करके रिटेन पोजेशन होगा या तो रीगेन करके पोजेशन होगा बिना पोजेशन के तो रीसेल की बात ही नहीं आती है अब बात को ध्यान से समझना बात को ध्यान से समझना रीसेल का मतलब है कि भाई सामने वाला मेरे को पैसे नहीं दे रहा है तो मैं गुड्स को बेच रहा हूं अब इसमें कुछ बात है ध्यान से समझना रीसेल में ना दो बातें है या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा दो तरीके से आपने पोजिशन लिखी या तो रिटेन करके या तो रिगेन करके गुड्स या तो पेरिशेबल नेचर के राजा गुड्स या तो पैरिशेबल नेचर के हैं या तो गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं हैं अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो सेलर को कोई नोटिस नहीं देना है बायर को सीधा बेच देना रे जब तक नोटिस देंगे समय देंगे पैसे देने के लिए तब तक तो ये ऑरेंजेस खाने पीने की चीज खराब हो जाएगी पेरिशेबल नेचर का है लेकिन अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो अनपेड सेलर जो है वो नोटिस देगा किसको बायर को अपने इंटेंशन का बरोबर है क्या अनपेड सेलर जो है वो नोटिस देगा बायर को अपने किसका इंटेंशन का कि भाई देख अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं गुड्स को बेच रहा हूं अगर नॉन पेरिशेबल नेचर का है तब अब बात को सुनना देखो राजा क्या है नोटिस क्यों देना है समझना हो सकता है बायर भी किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हो आगे और हमने उसको बिना बताए बेच दिया तो बायर ने जिससे आगे कॉन्ट्रैक्ट किया वो भी तो बायर से क्या मांगेगा डैमेज मांगेगा तो इसलिए बोल रहा नॉन पेरिशेबल नेचर में ना आपको नोटिस देना है अब समझना बात को ध्यान से मान लो अनपेड सेलर यहां पे रीसेल कर दे रहा है अनपेड सेलर विथ रीजनेबल नोटिस रीजनेबल नोटिस के साथ रीजनेबल टाइम में क्योंकि मैंने नोटिस दिया नोटिस देने के बाद मेरे को पैसे नहीं मिले अब रीसेल कर रहा है रीजनेबल टाइम के अंदर तो अब मान लो बेचने के बाद मेरे को वो पैसे नहीं मिले मैं बायर को जब बेच रहा था तो मुझे पचास हजार मिल रहे थे अब मैंने किसी और को बेचा तो फोर्टी फाइव थाउजेंड मिले तो भैया ये मैं डैमेज रिकवर करूंगा किससे बायर से क्योंकि तेरी वजह से हुआ मेरे को नुकसान लेकिन सर मान लो मैंने नोटिस नहीं दिया था नोटिस ही नहीं दिया तो जब नोटिस नहीं दिया तो आप डैमेज क्लेम नहीं कर सकते अच्छा मान लो आपने नोटिस नहीं दिया आपको पचास हजार की जगह पचपन हजार मिल गया पांच हजार का फायदा हुआ ये पांच हजार का जो फायदा है ये आपको रिटर्न करना पड़ेगा बायर को हाँ क्यों? क्यों क्योंकि उसको भी तो नुकसान हुआ सामने आपने नोटिस नहीं दिया तो अगर नोटिस नहीं दिया तो डैमेज भी नहीं करोगे और बायर को क्या मिलेगा आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मिलेगा आपको नुकसान हुआ तो डैमेज नहीं क्लेम कर पाओगे लेकिन आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको देना पड़ेगा तो देखो वॉट इफ नोटिस इज गिवेन नोटिस दिया तो आप डैमेज भी क्लेम करोगे और सामने वाले को प्रॉफिट भी देने की जरूरत नहीं है I hope आपको एक बार में समझ में समझ आ गया होगा, ठीक भी भी है जो बायर है ना नया वाला बायर सब्सिक्वेंट बायर उसके पास वैलिड टाइटल जाएगा भले आपने सेलर ने नोटिस दिया हो चाहे नहीं दिया हो नोटिस इससे सब्सिक्वेंट बायर के टाइटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर सेलर ने ओल्ड बायर को नोटिस दिया कि नहीं दिया पहली बात दूसरा स्पेशल पॉइंट आपको बताता हूं अगर मान लो पहले से ही बायर और सेलर ने डिसाइड किया था कि अगर ड्यू डेट में पैसा नहीं मिला कोई नोटिस वोटिस सर नहीं होगा हम सीधा बेच देंगे तो उस परिस्थिति में नोटिस देने की जरूरत भी नहीं है देखो नो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द बायर अगर सेलर ने एक्सप्रेसली बोला था पैसे नहीं मिले तो बेचूंगा पहले से ही डिसाइडेड था नोटिस नहीं देना तो कोई बात ही नहीं है बरोबर है क्या ठीक है सर अपने को समझ में आ गया एक बात और है

56 और 57 तो मैं आपको एकदम आराम से समझा दूंगा 56 क्या बोल रहा है डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस यानी कि सेलर बायर को माल भेजा बायर साला नॉन एक्सेप्ट कर रहा है और प्राइस भी पे नहीं कर रहा है 57 बोल रहा है नॉन डिलीवरी नॉन डिलीवरी यानी कि बायर बोल रहा है सेले पैस मेरे को डिलीवरी दे मेरे को गुड्स देना आगे तेरी नॉन डिलीवरी की वजह से नुकसान हुआ मेरे को डैमेज दे अब देखो दोनों को मैंने एक साथ कैसे जोड़ के लिखा देखो वेयर द बायर और सेलर एक तरफ बायर का एक तरफ सेलर का है ये वाला 56 है ये 57 है तो देखो जहां पे बायर रॉन्ग फुली नेग्लेक्ट कर रहा है रिफ्यूज कर रहा है टू तो एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स जहां पे सेलर रॉन्ग फुली नेग्लेक्ट कर रहा है रिफ्यूज कर रहा है डिलीवर द गुड्स दोनों को साथ में लिख दिया है सेलर सेलर the seller, seller कब जब नॉन एक्सेप्ट हो रहा है बायर कब जब नॉन डिलीवरी हो रहा है तो सेलर और बायर मे सू किसको बायर को डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस सेलर बायर को एक्से करेगा नॉन एक्सेप्टेंस के लिए बायर सेलर को स्यू करेगा डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी के लिए तो फिफ्टी सिक्स और फिफ्टी से फिफ्टी फाइव और फिफ्टी सिक्स सॉरी फिफ्टी सिक्स और फिफ्टी सेवन आपका लाइन से ही हो गया यहाँ पे बरोबर है क्या बरोबर है क्या यहां पे चलो आगे बढ़ के लेते हैं जीवन में लास्ट अपना आता है राजा ऑप्शन सेल बरोबर है क्या ऑक्शन थ्री सर राइटिंग प्रैक्टिस कहां पे होगी प्लीज बता दीजिए अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन में होगी राइटिंग प्रैक्टिस आज लास्ट डेट है उसका प्राइस बढ़ने वाला है आप अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल उसको ज्वाइन करो वहां पे हम लिंक भेज देंगे वहां से आप ले सकते हो नहीं तो हम आपको बता देंगे हमारा वीडियो सेक्शन में जाके देखो जहां पे हमने मैराथन की अनाउंसमेंट की वहां जाके देख लेना पता चल जाएगा ठीक है सुनना अब ऑप्शन सेल राजा लास्ट आता है समझना ऑप्शन सेल क्या होता है समझना राजा देखो ऐसा होता है ऑक्शन सेल के अंदर अगर आप कोई सामान कैसे बेच रहे हो ऑक्शन के माध्यम से बेच रहे हो अगर आप कोई सामान किसके माध्यम से बेच रहे हो ऑक्शन के माध्यम से तो क्या कहता है ध्यान से समझना वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स चार लॉट है तो चार अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा ऑक्शन के लिए चार लॉट है तो चार अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कंप्लीट कब होगा सेल तो बोले देखो एक नॉर्मल तरीका है सेल कंप्लीट करने का जो हाई बिट दिया मान लो एक लाख तो बोलेंगे एक लाख एक एक लाख दो एक लाख तीन हथोड़ा पकड़ेंगे धप करके और ओनरशिप क्या हो जाएगी पास हो जाएगी बरोबर है इसको बोलते हैं कस्टमरी मैनर ऑफ पासिंग द ओनरशिप आपके अलावा ऐसा होता होगा एक दो तीन और सिटी मारते होंगे तो जैसी सीटी हुई हो गया तो या तो बोले जो नॉर्मल मैनर है यानी कि क्या बोल रहा है देखो फॉल ऑफ हैमर वाला नॉर्मल मैनर होता है आपके उधर कोई और कस्टमरी मैनर चलता है वैसे होगा ओनरशिप पास हो जाएगी यहां पे लिखा है वेयर द सेल यहां पे लिखा है रिजर्व प्राइस ये वाला देखो सी और डी को छोड़ना कोई फालतू पॉइंट है रीड करके छोड़ना रिजर्व प्राइस का मतलब क्या है जो सेलर है वो बोल सकता है कि मिनिमम मेरे गुड्स के लिए एक लाख की बिड लगेगी मैक्सिमम दस लाख की बिड लगेगी इसको रिजर्व प्राइस बोलते हैं कि एक लाख के नीचे नहीं जाएगा दस लाख के ऊपर नहीं जाएगा एग्जाम्पल देता हूं जहां पे अनिल कपूर के पेंटिंग को जबरदस्ती उसी के लोग बढ़ा चढ़ा के प्राइस देते हैं तो मान लीजिए मैंने अपने ही लोगों को बता दिया है मैंने कहा तू दस करोड़ की बीट लगाना की लगाना बीस की लगाना लोगों को लगेगा नहीं पेंटिंग में कुछ तो है और अपने आप जैसे ही कोई पच्चीस करोड़ की बीट लगाएगा ना तो तुम बिट लगाना छोड़ देना मैंने प्रिटेंडेड बीडिंग करके सामने वाले को बुद्धू बना दिया तो अगर प्रिटेंडेड बीडिंग करके बायर को हमने कोई गुड्स दिलवा दिया उसके ऑप्शन में गुड्स क्या रहेगा वॉइडेबल रहेगा कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, रहेगा यहाँ को तो पे आके खत्म होता है आज लास्ट डे है राइटिंग प्रैक्टिस को परचेस करने का अगर आप बोलोगे कि सर राइटिंग प्रैक्टिस कहां से परचेस करना है कैसे परचेस करना है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं आज प्राइस बढ़ जाएगी मेरा गारंटी है आपको कि आप एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो मैराथन से राइटिंग प्रैक्टिस एक बार कर लिए तो आपको कोई पास करने से रोक नहीं सकता और ये राइटिंग प्रैक्टिस का फायदा सिर्फ आप नहीं पूरी दुनिया उठाई हुई है बहुत पहले से से बात को ध्यान से समझना तो देखो यहाँ पे राजा मैंने अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है देखो यहाँ पे देखो दिख रहा होगा सी फाउंडेशन मैराथन अनाउंसमेंट इस मैराथन अनाउंसमेंट के अंदर इस मैराथन अनाउंसमेंट के अंदर मैंने बताया कि राइटिंग प्रैक्टिस को आप कैसे परचेस कर सकते हो वो वीडियो को देखो राइटिंग प्रैक्टिस को खरीद लीजिएगा लास्ट डे है फिर उसका प्राइस बढ़ जाएगा और राइटिंग प्रैक्टिस हमारे मैराथन के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी रोज एक दिन हम बैठते हैं चार चार पाँच पाँच घंटे के लिए और मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को उसमें चूज करके लाता हूं और वो उसमें प्रैक्टिस कराता हूं बरोबर है क्या तो इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चंस पाँच पांच घंटे में हमने बहुत क्वेश्चन किए पिछले वाले में मैंने नहीं नहीं करके अच्छे वॉल्यूम के क्वेश्चन करवा के लिए बरोबर है क्या तो यहां से आप कर सकते हो राइटिंग आपकी अच्छी हो गई लिखना अच्छा हो गया कंसेप्ट क्लियर है लॉ में पास करने से कोई नहीं रोक सकता लास्ट अटेम्प्ट अपना इट्स नाउ और नेवर है भैया थोड़े से पैसे के लिए अपने अटेम्प्ट को दाव पे मत लगाइएगा अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी है कोई बात नहीं आपको डाउट है आप ले सकते हो वो पैसे को सोच के अपने अटेम्प को दाव पे बस मत लगाना बरोबर है क्या ठीक है चलिए ठीक है ठीक है ओ आर जी कोड क्या है वाई डब्ल्यू के पी कैपिटल वाई कैपिटल ई कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल के कैपिटल पी वाई डब्ल्यू के पी क्या शुक्रिया शुक्रिया द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गुड टीचर कैन नेवर बी इरेज थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम शुक्रिया 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 आनंदिता जी शुक्रिया ठीक है ऐप विंडोज में नहीं चलेगा ऐप सिर्फ एंड्रॉयड में चलेगा क्योंकि चार दिन की क्लास है वो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन में ही चलने वाला है तो आपको मोबाइल पे ही देखना पड़ेगा बरोबर है क्या लाइव के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी लेकिन रिकॉर्डिंग में रिस्ट्रिक्टेड व्यू रहेंगे उसके अंदर तो लाइव भी रहेगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है एक लाइव हो जाएगा और रिकॉर्डिंग में वन पॉइंट टू का व्यू मिलेगा ठीक है चलिए शुक्रिया 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 दोस्तों बाद में मिलते हैं आराम से यहां पे मैं अपनी क्लास को कंक्लूड करता हूं कल मिलेंगे पार्टनरशिप एक्ट के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय